हर चैप्टर का बच्चे हम कंप्लीट थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके साथ कोई बार्गेन हम नहीं करने वाले हैं। विथ लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास ये एडवांटेज होना चाहिए, जो दूसरे बच्चे लिख के उन्हें अटेम्प्ट करते हैं हम उन्हें ओरली कर पाए। सो ज्यादातर ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम ओरली आंसर कर पाएंगे, एटलीस्ट हम उसे आंसर के बहुत करीब तो लेके जा सकते हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद विल कम ओवर टू सॉल्विंग पीवाईक्यूज 2007 से स्टार्ट करते हुए टिल नाउ, पीवाईक्यूज ऑफ जी एडवांस। वो करने के बाद जी मेन के क्वेश्चंस आप खुद ही कर लोगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल टाइप तो ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही होते हैं, एंड मोस्टली आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस बहुत सारे कॉमन होते हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो अभी जेई एडवांस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट इसका थ्योरी पार्ट जरूर आप कवर करें पूरी तरह से, और जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मेरे साथ जरूर करें, उसके बाद जेई मेन के क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेंगे। अब ये चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 1 इज अलजेब्रिक डीलिंग, 2 इज ज्योमेट्रिकल डीलिंग एंड 3 इज रूट्स ऑफ यूनिटी। हम उसी ऑर्डर में कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी यूनिट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद कार्टेशियन फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, देन अलजेब्रिक हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद ज्योमेट्रिकल डीलिंग एंड देन एट द एंड रूट्स ऑफ यूनिटी विद प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, अब देखें इमेजिनरी यूनिट, वी नेम इट एज अयोटा, वी राइट इट एज आई, राइट, दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ -1। ये ऐसा नंबर है जो नाम ही बताता है बच्चे, ये कोई रियल नंबर नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है। कुछ जगह पे हम इसका प्योर अलजेब्रिक डीलिंग से बहुत सारे सिचुएशंस को बहुत इजीली डील कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। फाइन, अब क्योंकि अयोटा स्क्वेयर रूट ऑफ -1 है, जब हम दोनों तरफ पावर 4 करेंगे दैट रिड्यूसेस टू 1, सो अयोटा विद 4 मल्टीपल पावर विल ऑलवेज गिव अस 1, अयोटा पावर 4k+1 एक्सपोनेंट एडिशन में है, तो हमें पता है आयोटा पावर 4k+m की अगर मैं बात करूंगी तो आयोटा पावर 4k × आयोटा पावर m है बच्चे, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो सिर्फ आयोटा पावर m ही रह जाएगा, सो दैट इज आयोटा पावर 1, दैट इज आयोटा, दिस इज आयोटा पावर 2, इसको अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं तो दैट कम्स आउट टू -1, सो आयोटा पावर 4k+2 इज -1 एंड 4k+3 इज -iota, एज इट इज बिगर मेहनत की है, आपको डायरेक्टली यूज में लेना है। देन आयोटा स्क्वेयर -1 है, तो जब कभी भी हमें रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा की जरूरत पड़ेगी, इट इज नॉट -1 बच्चे, दिस इज -iota, ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा माइंडेड ट्रेस माइनस आयोटा, आया कहां से, बिल्कुल यही सही है। फाइन, नेक्स्ट थिंग, अगर आप इन चारों को ऐड कर देते हैं बच्चे, तो 1 - 1 को कैंसिल करता है, आयोटा माइनस आयोटा को कैंसिल करता है, समेशन कम्स आउट टू बी 0, दैट मीन्स आयोटा विथ ऑल 4 काइंड्स ऑफ पावर को अगर हम ऐड करते हैं दैट विल गिव अस समेशन एज ऑलवेज 0। और हमें यह पता है कंप्लीट इंटीजर सिस्टम में कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर आप स्टडी करते हैं उसमें से एक आपको 4k टाइप का मिलेगा, एक 4k+1, एक 4k+2 और एक 4k+3 टाइप का मिलेगा, हर कैटेगरी का एक एक नंबर होगा, दैट मीन्स 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा अगर हम ऐड करते हैं दैट विल ऑलवेज गिव अस वैल्यू एज 0, सो आयोटा पावर एन प्लस आयोटा पावर एन प्लस 1 प्लस आयोटा पावर एन प्लस 2 प्लस आयोटा पावर एन प्लस 3 विल गिव अस 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 1/iota/10, iota/11 एंड सो ऑन, 1/iota/40, क्या आएगा ये सब, इमीडिएटली दिस इज iota/-10, iota/-11, सो ऑन, iota/-40। बच्चे कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर से आयोटा के, यस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इंटीजर्स आप देखेंगे -10 -11, ये तो रिड्यूसिंग है, तो इन सभी इंटीजर में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है -10, जो सबसे छोटा है -40, सो अपर इंटीजर माइनस द लोअर इंटीजर +1, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बता देते हैं, बिल्कुल गलत, इट इज ऑलवेज अपर माइनस लोअर +1 करना ना भूले। व्हाट डू वी गेट, दिस इज 31, तो बच्चे 31 टर्म्स को अगर हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो 28 टर्म्स होंगे जो 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, 3 टर्म्स हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, और वो 28 टर्म्स 4-4 के ग्रुप में 0-0-0 बनाते जाएंगे, तो उन्हें आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। अब जो 3 टर्म बचे हैं, ये आपका चॉइस है, आप बिगिनिंग से 3 टर्म को बचा लो या एंड से 3 टर्म को बचा लो, राइट, और हम क्या प्रीफर करेंगे, डेफिनेटली स्मॉलर पावर्स, तो आयोटा पावर -10 प्लस आयोटा पावर -11 प्लस आयोटा पावर -12 हमारे पास सेव हो गए। अब इसे आंसर करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, एक एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड ऐड करके आंसर दे देते हैं, लेकिन हम प्रीफर क्या करेंगे, 3 ग्रुप है, 4 हो जाते तो वैल्यू 0 बन जाता, लेकिन 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर के साथ होना चाहिए, तो -12 से अगर हम इधर लेंगे तो -13 ले सकते हैं, इधर ले तो -9 ले सकते हैं, हम स्मॉलर वैल्यू को ही प्रीफर करेंगे, तो मैंने इसे ऐड किया तो मैंने इसे सबट्रैक्ट भी कर दिया और ये 4 0 बना दिए, तो हमारा आंसर बस इतना सा रह गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, दैट इज 1/iota/9, बच्चा 9 है 4k+1, 4 से डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आता है, तो ये हो जाता है आयोटा, एंड 1/iota इज -iota, एंड दैट इज सिंपल, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक यूज ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वेयर रूट ऑफ a × √b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। नॉर्मली जब भी हमें ऐसा कोई सिचुएशन दिखता है ना, बच्चे इसे इमीडिएटली ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अब तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर a एंड b दोनों नेगेटिव है, स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आना मतलब इमेजिनरी नंबर को क्रिएट करता है, तो जैसे स्क्वेयर रूट ऑफ -4 है एंड स्क्वेयर रूट ऑफ -9 है बच्चे, ये क्या है,
टू आयोटा है ना, फोर का स्क्वायर रूट टू है, माइनस वन का स्क्वायर रूट आयोटा है, उसी तरह से ये है थ्री आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे सिक्स आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये क्या आ गया माइनस सिक्स आया। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिखे होते हैं तो यू हैव रिटन माइनस फोर इंटू माइनस नाइन जो कि 36 है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, तो हो गया ना गलत। अब यहाँ कुछ बच्चों को ये भी हो रहा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमने 6 क्यों किया, ये तो प्लस माइनस 6 होना चाहिए। नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, प्लस माइनस एक्स नहीं, यही इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है, बिल्कुल ध्यान देना। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस नहीं करता, और इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, लिमिट्स पे, जहां ये मॉड्यूलस साइन विल मेक द होल लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया गया, आपको चेक करना है क्या दोनों नेगेटिव है, ए एंड बी दोनों नेगेटिव है, तो दैट विल बिकम दिस, अदरवाइज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, दैट इज फाइन। क्लियर, तो इमेजिनरी यूनिट में क्लैरिटी है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि समथिंग इंटू अयोटा है, क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट है, इसके साथ कोई रियल नंबर एसोसिएट हो गया तो ये नंबर बन गया एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्सचर। मिक्सचर किस किस का, बच्चे आपने रियल नंबर पढ़ा है, अभी आपने प्योरली इमेजिनरी नंबर पढ़ा, जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से हमें दिखेगा, एक रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम्स अनदर रियल नंबर, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इज प्योरली रियल, पुट टुगेदर दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे हम कहते हैं रियल पार्ट, एंड वाई को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाई नहीं ध्यान रखना है, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन, अगर रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होता है दैट इज कॉल्ड ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये प्योरली वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, आप उसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी ही हमें कहना है, तो किस तरह का होगा वो नंबर, आयोटा टाइम से रियल नंबर। फाइन, देन अगर इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है दैट इज कॉल्ड ए प्योरली रियल नंबर। मैं रियल नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग प्योरली रियल, ध्यान देना इसका इंपॉर्टेंस है। फाइन, अब देखिए जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, जैसे 1+2 आयोटा लिखते हैं, या इन दोनों को इंटरचेंज करके मैं 2+ आयोटा लिखती हूँ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल डिफरेंट है? यस, दैट मीन्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर पेयर मैटर्स, रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, उन्हें चेंज करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। फाइन, तो जब कभी भी कोई डीलिंग आप इस तरह से कर रहे हैं जिसमें ऑर्डर पेयर का इन्वॉल्वमेंट है या ऑर्डर ट्रिपलेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो अलजेब्रा ऑफ ऑर्डर पेयर सेज यू कैन रिप्रेजेंट इट एज ए पॉइंट इन ए प्लेन, और अगर ऑर्डर ट्रिपलेट है यू कैन रिप्रेजेंट दैट इन स्पेस। फाइन, एक और चीज, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल है, तो अगर आप ज्योमेट्रिकल डीलिंग कर रहे हैं, आप इसे एज ए टू डायमेंशनल वेक्टर कंसीडर करें, पोजीशन वेक्टर की तरह आप इसे ट्रीट करें, आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा, एनालिसिस पार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल है। डायरेक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से स्टडी करते हैं, वहां पे हम डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन रेशियो, जिस तरह से डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़े तो आप स्लोप के फॉर्म में डायरेक्शन को स्टडी किए, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम आर्ग्यूमेंट के हेल्प से डायरेक्शन को स्टडी करेंगे, डायरेक्शन तो है, एंड मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, राइट। अब एक और चीज, क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी दोनों है? यस, इट इज जीरो। जीरो को हम 0+0 आयोटा लिख सकते हैं, उसका रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड ए प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब बात यह आती है, ये प्योरली वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 आयोटा है, बच्चे आप इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.2 ही लिखेंगे ना, रियल पार्ट 0 है लेकिन है तो ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप डील करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में आप एज ए पॉइंट उसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसी तरह से अगर आपके पास 2+0 आयोटा है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 है, क्या हम उसे एज ए ऑर्डर्ड पेयर 2.0 कहेंगे, एंड एक्स वाई प्लेन में हम इसे एक्स एक्सिस पे लाई करता और 2.0 एज ए पॉइंट मार्क करेंगे, राइट। डीलिंग किस में हो रही है? टू डायमेंशन में हो रही है। लेकिन जैसे आप एक रियल नंबर की बात करते हैं तो वो 1-डायमेंशनल क्वांटिटी है या 2-डायमेंशनल क्वांटिटी है, देयर इज ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो दो रियल नंबर में आप बता सकते हैं लार्जर कौन है स्मॉलर कौन है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कभी भी बता नहीं सकते कि लार्जर कौन है स्मॉलर कौन है, इवन इफ दे आर प्योरली रियल नंबर्स। जैसे अगर मैं कहूं Z1=3 एंड Z2=2, इन दोनों में बड़ा कौन है? बच्चे दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट्स में बड़ा या छोटा नहीं होता, तो यहाँ कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर या स्मॉलर का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, दो पॉइंट में बड़े या छोटे का डिस्कशन नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ लुक एट, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की तो कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये तीन के बिगर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर ही बेस्ट है। कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आज Z(x+iy), जेड कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाट। That means, ये as a ordered pair x, y है, ये as a ordered pair x, -y है, they are just mirror image of each other with respect to x-axis. तो z and z conjugate are mirror image of each other with respect to x-axis. ज्योमेट्रिकल डीलिंग में आप इसका यूज ले सकते हैं।
तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे. प्योरली रियल का मतलब ये आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, और जेड कॉन्जुगेट जब आप कंसिडर करते हैं वही वाला टर्म उसका साइन चेंज होता है. दैट मीन जेड कॉन्जुगेट विल रिमेन सेम आर जेड दैट फॉर ए प्योरली रियल नंबर. तो प्योरली रियल है या नहीं उसकी चेकिंग के लिए भी आप इसका यूज ले सकते हैं. कॉन्जुगेट कम्स आउट विद सेम एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल मीन इट इज प्योरली रियल एंड द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू एंड अदरवाइज ऑल्सो. अगर प्योरली रियल गिवन है आप डायरेक्टली इसे यूज में ले सकते हैं. सेकंड थिंग, अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं और माइनस जेड आता है दैट मीन्स इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर. प्योरली इमेजिनरी नंबर. एक और चीज, अगर आप जेड में जेड कॉन्जुगेट को एड करते हैं बच्चे क्या मिलता है आपको, 2x, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड. तो कभी अगर आपको रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करना हो तो आप इसका यूज ले सकते हैं डायरेक्टली. उसी तरह से जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो 2iy आएगा. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यू कैन जस्ट राइट इट एज जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 नहीं है, 2i है, ध्यान देना. क्लियर? कॉन्जुगेट सिंपल सा टर्म है. नेक्स्ट देखें मॉड्यूलस. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ए पॉइंट, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज इट्स मॉड्यूलस वैल्यू. द वे वी राइट मॉड ऑफ जेड, इट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. सो क्लियरली मॉड जेड इज स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस वैल्यू आपको जीरो दिया गया, आपने इमीडिएटली कहना है जेड इज जीरो एज इट इज, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओरिजिन से जीरो यूनिट के डिस्टेंस पे होना चाहिए. मॉड जेड रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो इक्वेशन सॉल्विंग में ये काम में आएगा, जब भी मॉड्यूलस वैल्यू जीरो आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हमें पता चल जाता है डायरेक्टली आपको लिखना है जीरो. देन आप माइनस जेड, ये जेड है, माइनस जेड करेंगे तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई आएगा. माइनस जेड का मॉड वैल्यू इट विल बी सेम एज मॉड जेड. अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं और उसका मॉड लेते हैं That will also be same as mod z. और अगर आप माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट करते हैं उसका मॉड्यूलस भी सेम ही आएगा. तो ये चारों मॉड्यूलस बिल्कुल सेम है. अभी हम सिर्फ मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं और बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी. विल कम ओवर टू दोस. नेक्स्ट इज टू स्टडी इज डायरेक्शन. वी राइट इट एज वी स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी लिखते हैं. मीनिंग बहुत सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट है. जैसे पोजीशन वेक्टर होता है एग्जैक्टली उसी तरह से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, दैट्स व्हाट दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. तो अगर ये 60 डिग्री है विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ रेडियन. आर्ग्यूमेंट आपको कभी भी डिग्री में नहीं देना है, इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. अब आपने देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पाई बाई थ्री एंगल पे ये इंक्लाइंड है, तो प्लस पाई बाई थ्री. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे होता और ये सपोज पाई बाई फोर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें करना पड़ रहा है. तो यहाँ आर्ग्यूमेंट वुड बी माइनस पाई बाई फोर. बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है देन आर्ग्यूमेंट विल बी दैट एंगल विथ ए पॉजिटिव साइन. अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है देन इन दैट केस दैट एंगल विथ ए नेगेटिव साइन विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन, नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बच्चे जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मेंशन करती हूँ तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को कितना एंगल रोटेट करें ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच पाए. राइट? तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई थ्री है और मैं आपको कहूं उसका आर्ग्यूमेंट 2π प्लस पाई बाई थ्री है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप पूरा 2π मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर पाई बाई थ्री आ जाओ, यू विल रीच टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है ना. अगर मैं कहूँ माइनस 2π प्लस पाई बाई थ्री, माइनस 2π मतलब क्लॉकवाइज 2π एंगल, एक रिवॉल्यूशन आपने क्लॉकवाइज कंप्लीट कर लिया फिर प्लस पाई बाई थ्री, ये भी बिल्कुल सही है. राइट? इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट एक यूनिक वैल्यू नहीं होता. अगर आपको एक आर्ग्यूमेंट का पता चल चुका है, अगर आपको एक एंगल का पता चल चुका है थीटा, यू कैन जनरलाइज एंड राइट इट एज 2nπ प्लस थीटा टू बी इनफाइनेटली मेनी आर्ग्यूमेंट वेयर एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आप ले सकते हैं, दैट इज एनी आर्ग्यूमेंट. लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स में से एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जो माइनस पाई से पाई के इंटरवल में लाई करेगा और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और वो एक सिंगल वैल्यू ही होगा. और हमारा क्वेश्चन मोस्टली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ट होता है. और आर्ग्यूमेंट का क्योंकि बहुत ज्यादा यूज आएगा तो इसको तो बच्चे ओरली होना चाहिए. किस तरह से, एकदम ध्यान देना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, इसका आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप टैन अल्फा ले लें एज मॉड वाई बाई मॉड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द रियल पार्ट. यहां से आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा. फाइन, उसके बाद आप देख लें जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका लोकेशन कहाँ है, किसी क्वाड्रेंट में है या एक्सेस पे है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगा. तो अगर एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस केस में आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली कहना है ये अल्फा एंगल. और आप क्विकली यहां विजुलाइज भी कर सकते हैं, जब आपने मॉड वाई लिया तो ये लिया, मॉड एक्स लिया तो ये लिया, और यही वो एंगल है जो अल्फा हमने सॉल्व किया है और वही उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव पॉजिटिव है एक्स एंड वाई के साइंस,
तो अब हमारा आंसर होगा पाई माइनस अल्फा। अगर समझ लेंगे तो याद रखना बहुत इजी होगा और समझने में बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं है बच्चे। जब आप मॉड वाई बाई मॉड एक्स करते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ये है मॉड वाई, ये है मॉड एक्स, तो टैन अल्फा मतलब इस राइट ट्रायंगल में आपने इस एंगल को सॉल्व किया है, जबकि हमें आंसर ये देना है। तो ये पूरा पाई है, पाई माइनस अल्फा ये है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, सो पाई माइनस अल्फा इज द डायरेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट बेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइन, देन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, लेट्स टेक हियर इट इज। तो जब आपने मॉड वाई बाय मॉड एक्स किया तो आपने ये वाला एंगल को सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से उसे मेजर करेंगे, और अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट से उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो बच्चे आप पाई को एक्सीड कर जाएंगे, ये लिमिटेशन के आप बाहर चले जाएंगे, राइट। सो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव है, इन दैट केस मेजरमेंट विल बी क्लॉकवाइज। तो हमने देख लिया ये एंगल है अल्फा, ये पूरा है पाई, तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये है पाई माइनस अल्फा, लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, आप इसे इस तरह से याद रख लें या आप इसे अल्फा माइनस पाई कर दें, एक ही बात है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, लेट्स टेक हियर इट इज, तो ये वो एंगल है लेकिन ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट से बनेगा, सो इट इज माइनस अल्फा स्ट्रेट अवे। ये तो हो गया जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अगर वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, जैसे कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको स्टेप वन भी करने की जरूरत नहीं, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए आपको ये प्रोसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको देखना है और आंसर करना है। इस तरह से अगर वो प्योरली रियल एंड पॉजिटिव है, जैसे 5, 10, 1/2 लाइक दैट, देन इन दैट केस उसका लोकेशन कहां होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा। एज ए वेक्टर वो कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, जीरो, तो आपको डायरेक्टली कहना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हियर इज जीरो। अगर वो प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव है, लोकेशन कहां है, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में है, तो आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सो पाई बाई 2। देन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट विल बी पाई, ध्यान देना पाई इज इंक्लूडेड माइनस पाई इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि वो सेम लोकेशन है, उसे हम पाई के फॉर्म में लेते हैं, माइनस पाई के फॉर्म में नहीं। अगर नेगेटिव वाई पे एग्जिस्ट करता है मतलब प्योरली इमेजिनरी है विद नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, इन दैट केस उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा माइनस पाई, इन दैट केस उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, माइनस पाई बाई 2। फाइन, अब हमने एक्सेस को भी कवर कर लिया, क्वाड्रेंट्स को भी कवर कर लिया, एक चीज अभी हमारी पेंडिंग है, वो है जीरो। ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, उसका डायरेक्शन क्या है, नो डायरेक्शन। जैसे नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है उसके पास कोई डायरेक्शन, क्योंकि कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है, राइट। तो उस केस में हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो क्विकली देखिए, √3 माइनस आयोटा आर्ग्यूमेंट क्या है, कुछ भी लिखेंगे नहीं, ओरली करेंगे। सबसे पहले लोकेशन देख लो, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आंसर विल बी माइनस अल्फा। टैन अल्फा क्या होता है, मॉड वाई बाई मॉड एक्स मतलब 1/√3। टैन अल्फा इज 1/√3, अल्फा इज पाई बाई 6, आंसर इज माइनस पाई बाई 6, क्लियर। एक और देख ले, -1 माइनस आयोटा, लोकेशन कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर क्या आएगा, अल्फा माइनस पाई। अल्फा कहां से आएगा, टैन अल्फा इज मॉड वाई बाई मॉड एक्स जो कि है 1। टैन अल्फा 1 है, अल्फा इज पाई बाई 4, आंसर विल बी अल्फा माइनस पाई, दैट मीन्स -3π/4। कर सकते हैं ओरली और करना ही है। फाइन, इन पे तो बहुत सारा डिस्कशन अभी हमारा बाकी है, पहले हम फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अब हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है। ध्यान देना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके क्या क्या होंगे, 1 इज कार्टेशियन फॉर्म, x+iy फॉर्म जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। क्विकली मैं बता भी देती हूँ कि ये सब बने कैसे हैं, ताकि आपके मेमोरी में इजीली सेट हो जाए। बच्चे x, y पॉइंट है तो हम इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज इट इज थीटा, एंड ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं जिसे आप r कह सकते हो या मॉड जेड कह सकते हो। तो इस राइट ट्राइंगल में क्या ये r cos थीटा है या मॉड जेड cos थीटा, और ये मॉड जेड sin थीटा। सो x इज what, r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। That means x की जगह पे आप r cos theta या mod z cos theta लिख दो, and mod z sin theta, mod z common आ गया, mod z cos theta plus i sin theta, जिसे हम cis theta भी कहते हैं। ध्यान देना, cos theta plus i sin theta को हम cis theta, c cos, i iota, sin s, then theta, cis theta, ठीक। Next comes Euler's form, very very important, बहुत ज्यादा use आप इसका लोगे, है क्या, आर जो कि मॉड ऑफ जेडी है, थीटा आर्ग्यूमेंट है, थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लो जरूरी नहीं है, आपके जो मर्जी हो आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज, यू कैन कंसिडर एनी आर्ग्यूमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू टेक ओनली द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ई पावर आई थीटा। अब हम इसे लिख क्यों रहे हैं, बच्चे आपने एक्सपांशन पढ़ा है पर्टिकुलरली लिमिट के चैप्टर में, कॉस थीटा का एक्सपांशन, साइन थीटा का एक्सपांशन आप इसे लिखना, एंड ई पावर आई थीटा का एक्सपांशन लिखना, दोनों बिल्कुल सेम है, दैट इज वाई वी कैन राइट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू बी ई पावर आई थीटा। ये cos theta plus i sin theta, एकदम ध्यान से, you can write it as e power i theta, fine। और अगर आप e power minus i theta लिखने की बात करें तो theta के जगह पे minus theta, and cos minus theta is cos theta,
साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये चीजें तो बच्चे डायरेक्टली लिखना है आपने। और अगर e पावर i थीटा में e पावर माइनस i थीटा को हम ऐड करते हैं तो वी गेट 2 cos थीटा, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट 2 आयोटा साइन थीटा। कोई भी चीज हम यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाले हैं जिसका कोई यूज ना आएगा, बिल्कुल नहीं। वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन ओनली टू दोज पॉइंट्स जो बहुत यूजफुल है। फाइन, नाउ अगर कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉन्जुगेट आपको पता है कैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, और हमने ये पढ़ा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका मॉड्यूलस वाले तो सेम आता है बच्चे, लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर इसका थीटा है तो इसका माइनस थीटा हो जाता है, दैट इज द ओनली चेंज। तो जब भी आप आर एंड थीटा के फॉर्म में डील कर रहे हैं और कॉन्जुगेट से डील कर रहे हैं तो उसका आर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थीटा विल बिकम माइनस थीटा। ठीक, तो ये बच्चे माइनस जेड में लिखना चाह रही थी, दिस इज फॉर माइनस जेड, यहाँ पे जो जेड कॉन्जुगेट है बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, दिस इज कॉस ऑफ माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे अगर आप एक्स इसे वाई कंसिडर करते तो इमेजिनरी पार्ट तो अपना साइन चेंज करेगा, दैट्स इट। तो आपको इसे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी डील करने की जरूरत नहीं है, आयोटा वाले पार्ट का सबने साइन चेंज कर दिया। माइनस जेड को मैंने लिखा है तो वो भी आप देख लें, दिस इज जेड देन माइनस जेड, दोनों के मॉड्यूलस वैल्यू सेम होता है लेकिन आर्ग्यूमेंट इसका थीटा है तो बस प्लस पाई आपको कर देना है, या माइनस पाई भी आप कर सकते हैं क्योंकि कोई भी एक आर्ग्यूमेंट हमें कंसिडर करना जरूरी तो नहीं प्रिंसिपल लेना है। अगर यूलर्स फॉर्म में गिवन है तो आर तो सेम रहता है, थीटा माइनस थीटा हो जाता है, सो देयर इज नो चेंज, डायरेक्टली लिखना है आर इंटू ई पावर माइनस आई थीटा। क्लियर? अब देखें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डील कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में डील कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से नोन हो सकता है, राइट? उसी तरह से अगर आप यूलर फॉर्म में डील कर रहे हैं तो आपको आर एंड थीटा दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, दोनों ही केसेस में कार्टेशियन की बात करो या यूलर फॉर्म की बात करो, दोनों ही केसेस में आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आर एंड थीटा, यहाँ एक्स एंड वाई। किसी एक चीज के बेस पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा आई हैव सच ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉड्यूलस वैल्यू इज 1, क्या आप मुझे पर्टिकुलरली कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं मॉड जेड इज 1, इसका मतलब ऐसा एक पॉइंट जो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो बच्चे ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे तो पूरा एक सर्कुलर पाथ है, इनफाइनेटली मेनी सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉसिबल, राइट? उसी तरह से अगर मैं कहूं कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नोन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप पाई बाई 4 रोटेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वंस अगेन इनफाइनेटली मेनी। जब हम दोनों चीजों को फिक्स करते हैं, अगर मैं कहूं मॉड इज 1 एंड आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 4, अब आप क्या करेंगे? पाई बाई 4 एंगल रोटेट करेंगे, ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, राइट? तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कई ऐसे डीलिंग होंगे जिन्हें हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में डील करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में डील करेंगे, दो अननोन को सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें हम यूलर फॉर्म में डील करेंगे, आर एंड थीटा को सॉल्व करते हुए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा। अब पहले यहाँ पे देखें, बहुत से क्वेश्चंस में हमें कन्वर्शन की जरूरत पड़ेगी, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है हमें यूलर फॉर्म में चाहिए, या यूलर फॉर्म में गिवन है हमें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, तो हमें क्विक वो काम करना आना चाहिए, ओरली कर पाए तो वेरी गुड। तो बताएं कार्टेशियन फॉर्म में मतलब एक्स एंड वाई है, हमें क्या चाहिए? आर एंड थीटा चाहिए। आर क्या है? मॉड्यूलस वैल्यू। तो एक्स 1 है, वाई माइनस 3 है, आर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि है 2r इंटू ई पावर आई थीटा। अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, लोकेशन देख ले कौन सा है, पॉजिटिव कमा नेगेटिव कहां हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, मतलब हमारा आंसर आएगा माइनस अल्फा। टैन अल्फा क्या है? मॉड वाई बाई मॉड एक्स जो कि है रूट 3, अल्फा इज पाई बाई 3, तो बच्चे आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 3। क्लियर? अब देखिए अगर पूछा गया 1 प्लस आयोटा, लोकेशन कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा। टैन अल्फा क्या है? मॉड वाई बाई मॉड एक्स जो कि है 1 पाई बाई 4, एंड मॉड्यूलस वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2 ई पावर आई पाई बाई 4। इसी तरह से डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, माइनस 5 है, लोकेशन कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। मॉड्यूलस क्या होगा? डायरेक्टली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट व्हिच इज 5। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पाई, सो आंसर इज 5 ई पावर आई पाई। आप e पावर माइनस आई पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी एक आर्ग्यूमेंट मेंशन करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो ये जरूरी नहीं है। अगर 6 है, लोकेशन कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर्ग्यूमेंट कितना है? 0। मॉड्यूलस वैल्यू क्या है? इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस वैल्यू व्हिच इज 6 ई पावर आई 0। फाइन, नेक्स्ट इज 0। 0 का मॉड्यूलस वैल्यू तो 0 है, आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड। जब थीटा ही डिफाइंड नहीं है तो हम उसे यूलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है जिसे आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या है? 0। फाइन, अब आ जाएं यूलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। आपको दिया गया 5 इंटू ई पावर आई पाई बाई 2, हमारे पास मॉड्यूलस है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मतलब लोकेशन एक्स या वाई एक्सिस पे है, तो आपको उसे ओरली करना है। आपने डायरेक्शन देख लिया क्या है? पाई बाई 2, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 5 यूनिट के डिस्टेंस पे। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट के डिस्टेंस अगर आप मूव करेंगे तो 0.5 मिलेगा, एंड दैट इज 5 आयोटा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। और आप इसे एज इट इज याद भी रख सकते हैं, ई पावर आई पाई बाई 2, मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आयोटा, डायरेक्टली रिप्लेस कर दें। ई पावर माइनस आई पाई बाई 2 को आप डायरेक्टली रिप्लेस करें माइनस आयोटा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे
1 यूनिट के डिस्टेंस पे आर 1 है ना, फाइन, बाय दैट आप इसे डायरेक्टली 5i लिख सकते हैं. नेक्स्ट मॉड्यूलस है 6 यूनिट के डिस्टेंस पे, आर्ग्यूमेंट है 5π. 5π मींस ऑड टाइम्स पाई, ऑड टाइम्स पाई मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इवन टाइम्स पाई ऑड टाइम्स पाई. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट डिस्टेंस आप मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? -6. सो यो राइट, अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, इन दैट केस आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, e पावर आई थीटा की जगह पे ये, फिर इनके वैल्यूज डालते हुए हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे. लेकिन उससे पहले देख लें, अगर ये एंगल काफी बड़ा है, इन दैट केस आप एंगल को यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले, दैट विल बी बेटर. किस तरह से? अगर e पावर आई 2n पाई है, मल्टीपल ऑफ 2π है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाता है 1. आपको डायरेक्टली लिखना है e पावर आई 2n पाई को आपने डायरेक्टली 1 लिखना है, e पावर आई और टाइम्स पाई को आपने डायरेक्टली -1 लिखना है. ठीक, अब देखें हमारे पास है 20π/3 अगर हम करते डिवाइड कर दें तो हमें ये मिलेगा 6π + 2π/3. करेक्ट बच्चे, 2π/3 एक ऑप्टियूज एंगल है, तो आप उसे फर्दर भी इस तरह से लिख सकते हैं, π - π/3. तो हमारे पास है 7π - π/3. तो क्या हम इसे इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं? e पावर i 7π इंटू e पावर -i π/3. बच्चे ऑड टाइम्स पाई अगर आर्ग्यूमेंट हो तो इसका वैल्यू होता है -1. तो ये हो गया -10 e पावर -i θ, एंड e पावर -i θ इज cos थीटा विच इज cos π/3 -i sin π/3. अब आपके पास cos π/3 का वैल्यू है विच इज 1/2 एंड दिस इज √3/2. आप ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं. क्लियर? एक और तरह का कन्वर्शन देखना. लेट्स टेक, हमें पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा यूनिफॉर्म में e पावर i θ है. करेक्ट, एंड cos थीटा -i sin θ होता है e पावर -i θ. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए sin थीटा प्लस iota cos थीटा यूलर फॉर्म में बताएं, तो e पावर i θ, तो बच्चे cos प्लस iota sin होता है. तो अगर sin प्लस iota cos है तो आपके पास दो तरीके हैं. एक, जब भी sin थीटा है और आपको cos की जरूरत है तो आप cos π/2 - θ लिख सकते हैं. उसी तरह से इसे आप sin π/2 - θ लिख सकते हैं. अब ये बन गया cos प्लस iota sin, दैट इज e पावर i π/2 - θ. आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. और द सेकेंड वे इज, हमें आयोटा कॉस के साथ नहीं चाहिए, साइन के साथ चाहिए. एंड वी नो -iota² का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है. तो जब कभी भी हमें जिस जगह पे आयोटा की जरूरत है वहां पे आप बस -iota² का सपोर्ट ले लें. ओवरऑल यहां से आ जाएगा आयोटा कॉमन, तो रह जाएगा cos θ - iota sin θ. देख लें, आयोटा हमने कॉमन लिया, राइट, एंड दिस इज e पावर -i θ. देखने में तो दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें दिस इज नथिंग बट e पावर i π/2 इंटू e पावर -i θ. बच्चे ये होता है आयोटा, सो बोथ आर सेम. दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रोसेस से प्रोसीड कर जाएं. वन मोर काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, 1 cos θ + iota sin θ की अगर बात की जाए, इस पे भी आपको कई ओकेजन में क्वेश्चन मिलेंगे. तो बच्चे इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है. हमें ये cos ऑफ समथिंग चाहिए, sin ऑफ समथिंग चाहिए, ये तो 1 cos θ है. अब क्या करें, जब कभी भी 1 cos θ की प्रेजेंस आपको दिखे तो हम उसे 2 cos²θ/2 लिख सकते हैं, और 1 cos है तो 2 sin²θ/2. राइट, सो बस आपको इतना सा यहाँ काम करना है. 2 cos²θ/2, इसे आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो sin थीटा को भी हाफ एंगल में इमीडिएटली कन्वर्ट कर देंगे, एक जैसी तो होना चाहिए ना. नाउ 2 cos θ/2 हमने कॉमन लिया, एंड cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2, जिसे कि हम 2 cos θ/2 इंटू ई पावर आई θ/2 लिख सकते हैं. राइट, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहां होता माइनस, यहां होता माइनस, तो यहां पे आ जाता माइनस साइन. क्लियर? अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 1 sin θ + iota cos θ. अब क्या करें, पहले तो 1 cos θ था या 1 cos θ था, अब यह है 1 sin θ, तो आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, तो आता है यू कैन राइट इट एज कॉस π/2 - θ, एंड दिस इज π/2 - θ, एक जैसे एंगल तो हमें चाहिए ना. अब 1 cos A इज 2 sin²A/2, इस एंगल को मैंने A कंसिडर कर लिया, और उसी तरह से ये हो जाएगा 2i sin A/2 इंटू cos A/2. बच्चे ये एंगल A है ना, यहाँ A/2 में कन्वर्ट किया, दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए. अब ओवरऑल अगर आप 2 sin A/2 कॉमन ले भी लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पे बचता है sin A/2, और यहाँ है iota cos A/2, जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, sin θ + iota cos θ. अगर आपको याद हो गया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो जो हमने सिंपल सा ट्रिक किया वो है -iota² का प्रेजेंस, उसके बाद आप iota कॉमन ले लें, एंड ब्रैकेट के अंदर cos A/2 - i sin A/2 which is e power - i
ए बाई टू, जो ए एंगल है दैट इज पाई बाई टू माइनस थीटा. सिंपल सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमारे अल्जेब्राइक सेक्शन में एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस्ट होते हैं और वो कैटेगरी भी बहुत ज्यादा नंबर्स में आते हैं. जी मेन जी एडवांस आप दोनों में देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ट क्वेश्चंस, क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, लेट्स सपोज आपसे पूछा गया फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये हो जाए या इसके पावर में कुछ और आ जाए, थ्री फोर, प्रोसेस ऑफ डीलिंग विल बी द सेम. करना क्या है, दो मेथड में आपको बता रही हूं, जो आपको सिंपल लगे उसी से आप कर लेना. एक तो तरीका है कि आप इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वहां से मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट दोनों चीजें आपको क्लियरली मिल जाएंगी. दूसरा तरीका यह है कि मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट दोनों के प्रोसेस आपको पता है, आप इंडिविजुअली उन्हें फाइंड कर सकते हैं. करके देखते हैं, वन प्लस कॉस थीटा, वी नो दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा ये है, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज थीटा बाई टू, प्लस टू आयोटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस थीटा बाई टू हो गया कॉमन, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, जो कि है ई पावर आई थीटा बाई टू. अब थीटा हमारे लिए क्या है, टू कॉस 17 पाई बाई 5, सो इट इज 17 पाई बाई 10, ई पावर आई 17 पाई बाई 10. अब यहां गलती का चांस बन जाता है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस कैटेगरी के. ई के साथ जो है ना उसे मॉड्यूलस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आर इंटू ई पावर आई थीटा फॉर्म होता है यूलर फॉर्म, सो ई के साथ जो भी है दैट बिकम्स आर, एंड आयोटा के साथ ई पावर आयोटा थीटा, दैट थीटा दे कंसीडर टू बी द आर्ग्यूमेंट. अब यहां गलती कहां हो सकती है, ध्यान देना, इसे अगर आप मॉड्यूलस कंसीडर करते हो, हमें पता है मॉड्यूलस इज ए डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं. तो आपको इसे आर कंसीडर करने से पहले इसका साइन जरूर चेक कर लेना चाहिए. साइन कैसे चेक करेंगे, एंगल चेक करो, कौन से क्वाड्रेंट में है, 1.7 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है तो वेरी करेक्ट, ये आर बनने लायक है. लेकिन वही अगर यहाँ पे 13 पाई बाई 5 होता तो ये होता 2 cos 13 पाई बाई 10 into e पावर i 13 पाई बाई 10. अब क्या होता इसका साइन, 1.3 पाई which is in third quadrant. Angle in third quadrant cosine ratio is negative. ये value है negative. अब क्या हम इसे R consider कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं. एक negative value को हम R consider कर ही नहीं सकते. तो उसका modulus value अगर हम कहेंगे 2 cos 13 pi by 10 वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो इसे answer कैसे करेंगे, जब भी ये value negative आए तो आप minus 2 cos 13 pi by 10 को modulus कहेंगे. अब आपने माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है तो एक और माइनस होना चाहिए टू बैलेंस इट, और वो जो एक्स्ट्रा माइनस हमने अटैच किया, मतलब दो माइनस, एक माइनस को मॉड्यूलस के साथ रखेंगे ताकि वो पॉजिटिव बने, और जो दूसरा माइनस है ना बच्चे वो है माइनस वन. माइनस वन को हम ई के साथ कंबाइन करेंगे क्योंकि वो आर बनने लाइक क्वांटिटी नहीं है, और हमें पता है कि माइनस वन को हम ई पावर आई पाई भी लिख सकते हैं, ई पावर माइनस आई पाई भी लिख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऑलरेडी 1.3 पाई है, जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनने लायक नहीं है, वो पाई को क्रॉस कर चुका है, तो उसे हमें छोटा बनाना ही है, तो विल प्रिफर टेकिंग दिस फॉर्म हियर. सो ई पावर माइनस आई पाई इंटू ई पावर आई 13 पाई बाई 10. अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये हो जाएगा e पावर i 3 पाई बाई 10. अब देखते हैं, ये हो गया इसका मॉड्यूलस वैल्यू, ये है इसका आर्ग्यूमेंट. अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इमीडिएटली चेक कर लो क्या वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, बिल्कुल है, सो दैट इज इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. फाइन, अगर क्वेश्चन ये है तो ये तो आर हो गया परफेक्ट बिकॉज दैट इज पॉजिटिव. आर्ग्यूमेंट क्या है, 1.7 पाई. आर्ग्यूमेंट तो वो कहलाएगा, क्या वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, 1.7 पाई है. अब यहां से हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं. एक है सिंपल एनालिसिस, आप देख लो 1.7 पाई कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए विल कम दिस वे. तो ये 1.7 पाई है, ये पूरा 2 पाई है, तो ये हो गया 0.3 पाई, बट क्लॉकवाइज, सो आंसर इज माइनस 0.3 पाई, जिसे कि हम माइनस 3 पाई बाई 10 भी कह सकते हैं. और दूसरा तरीका, अगर आप इस तरह से एनालिसिस में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है 17 पाई बाई 10, जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 2n पाई. हमें इस जनरलाइज्ड फॉर्म का वो वाला वैल्यू चाहिए जो माइनस पाई से पाई के इंटरवल में होना चाहिए. पाई को आप कर दे कैंसिल और यहां से n को सॉल्व कर ले. हमें 2n चाहिए, माइनस 1 माइनस दिस विच इज माइनस 27 बाई 10, थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन आप एनालिसिस को यहां अवॉइड कर सकते हैं. तो बताओ 1 माइनस 17 बाई 10 विच इज माइनस 7 बाई 10. एन इज एन इंटीजर तो ये एक इवन इंटीजर है बच्चे, ये है माइनस 0.7 और ये है माइनस 2.7. बच्चे बताए इवन इंटीजर कौन से इन दोनों के बीच में, माइनस 2, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी. और आपको एक ही वैल्यू ऐसा मिलेगा, एन का एक ही सिंगल वैल्यू होगा बच्चे, इस इंटरवल में लाइक करता हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना, एक ही वैल्यू हमें मिलेगा. बस वो वैल्यू ऑफ एन आप यहां पुट कर दें जनरलाइज्ड फॉर्म में. 2n हमें मिला है आज माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2 पाई प्लस 17 पाई बाई 10. सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 3 पाई बाई 10 इट इज, जिस तरह से आप करना चाहें. इसमें एक और तरह का बहुत इंपॉर्टेंट डीलिंग आप देखना, यूलर फॉर्म बच्चे बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास, बहुत अच्छा आप इसका यूज ले सकते हो डिफरेंट सेक्शन में. पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप यहां से फ्रेम कर सकते हो. देखो, ई पावर आई ए इंटू ई पावर आई बी, वी नो दैट इज कॉस ए प्लस आयोटा
साइन है, कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी. यूलर फॉर्म को आप किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारा काम सिंपल बनाने वाला फॉर्म है. इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी. डायरेक्टली लिख देती हूँ, आयोटा विथ आयोटा वो भी हमें रियल पार्ट ही क्रिएट करके देगा, प्लस आयोटा कॉस विथ साइन, साइन विथ कॉस, सो दैट इज कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी. फाइन, अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ई पावर आई ए प्लस बी एंड ई पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट सेम होंगे, एक्स पार्ट दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पे लाई करते हुए पॉइंट्स है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है, मतलब कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी जनरेट हो गया, साइन ए प्लस बी का भी आइडेंटिटी जनरेट हो गया. तो पूरे के पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, वो सब आप एक एक स्टेप में यहां से क्रिएट कर सकते हैं. राइट, ये हुआ कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल. अनदर थिंग, आपने देखा होगा जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इसे आपको इंटीग्रेट करना है तो आप यहां सब्स्टिट्यूशन का यूज तो ले नहीं पाओगे, ये इवन पावर है, तो आपको इसे मल्टीपल एंगल में लिखना होगा. तो एक तो तरीका ये होता है कि आप इसे तोड़ तोड़ के करें कि साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, ये हाफ नेक्स्ट स्टेप में आएगा एंड साइन स्क्वेयर एक्स को विल राइट इट एज हाफ वन माइनस कॉस टू एक्स एंड द सेम थिंग इन मल्टीप्लीकेशन. फिर आप स्क्वेयर करोगे, फिर कॉस स्क्वेयर का प्रेजेंस जनरेट होगा, फिर आप उसे फोर एक्स में कन्वर्ट करते हो. इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो. दूसरा तरीका, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज ले सकते हो. साइन एक्स क्या है, ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स, किया था ना हमने अभी अभी. कॉस थीटा इज ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू एंड साइन थीटा इज ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आई. बिल्कुल वही चीज, एक ही स्टेप में आप इसे क्रिएट करेंगे. साइन पावर फोर एक्स इज इसका पावर फोर, पावर फोर सिक्सटीन, इसे पहले अलग रख देते हैं. फिर बायनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज लेंगे, इट इज वन बाय सिक्सटीन बायनोमियल एक्सपेंशन, फोर से जीरो जो कि होता है वन, ई पावर आई एक्स पावर फोर, सो आयोटा फोर एक्स. नेक्स्ट टर्म 4c1, इनमें से 4 ही लिखती हूँ, इसका पावर 3 इनटू दिस, सो बेस से हमें एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, e पावर i 2x आ जाएगा. एक बार में बच्चे एक्सपोनेंट जो है ना वो 2x कम होता हुआ दिखेगा आपको. नेक्स्ट होगा 4c2 जो है 6, 2x है, 2x और कम हो जाएगा तो e पावर i 0 जिसे कि हम 1 ही लिख देते हैं. नेक्स्ट आएगा माइनस 4 e पावर माइनस i 2x, 2x कम, वही पैटर्न रहेगा. एंड देन 4c4 जो कि है 1, 2x और कम हो जाएगा, e पावर माइनस i 4x, ओवर. तो अगर आप पैटर्न समझ गए हो तो बस आपको कोएफिशिएंट लिखना है 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, बाकी जो फर्स्ट के पास एक्सपोनेंट है बस 2x, 2x आपको कम करते हुए जाना है दैट्स इट. अब आपको आंसर लिखना है, इतना ही काम है. देखो इक्वल डिस्टेंट टर्म्स की पेयरिंग करते हैं, ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा, वी नो दैट इज 2 cos थीटा, तो ये दोनों कंबाइन हुए और ये बनाया 2 cos 4x. अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो माइनस 4 कॉमन आ गया, ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा दैट इज 2 cos थीटा, ये है 6, ओवर. कोई मेहनत नहीं चाहिए, या पावर 4 है, पावर 6 है, पावर 8 है, यही दो स्टेप्स आपका टू कंक्लूड द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, अलजेब्रिक डीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फर्स्ट इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि लेट्स टेक पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट. आपको कहा गया सॉल्व फॉर जेड, दोनों तरफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दोनों इक्वल कब बनेंगे. आपके पास दो डीलिंग प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होती है, एक है कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड है यूलर फॉर्म. दोनों में ही दो दो अननोन है सॉल्व करने के लिए, तो दोनों से मैं ये क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ. फिर हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको कार्टेशियन फॉर्म यूज करना चाहिए और किसके लिए यूलर फॉर्म. इस क्वेश्चन को हम दोनों प्रोसेस से करते हैं. जेड इज एक्स प्लस आई वाई एंड जेड इज आर इंटू ई पावर आई थीटा, तो ये यहाँ पुट कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन है प्लस टू आयोटा एक्स वाई. एंड बच्चे जेड कॉन्जुगेट इज एक्स माइनस आई वाई, दोनों तरफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल बनने के लिए. रियल पार्ट हैज टू मैच विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हैज टू मैच विद द इमेजिनरी पार्ट. दोनों के एक्स वैल्यू सेम होने चाहिए, रियल पार्ट सेम होना चाहिए, दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए. सो दो अननोन में हमारा पहला इक्वेशन क्रिएट हुआ एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2xy is equal to minus y. दोनों ही इक्वेशन सेकंड डिग्री के हैं, तो हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे जो सिंपल टू डील हो. यहाँ इसे इधर शिफ्ट करें, y कॉमन लिया, 2x plus 1 equal to 0, for product to be 0, either y is 0 or x is minus half. अब यहाँ हमारे पास दो केस क्रिएट हुए हैं, एक y 0, दूसरा x minus half. अब y equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्रिएट होता है x square, this is 0 equal to x. इसे इधर शिफ्ट कर दिया, x कॉमन लिया, x minus 1. बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं. बच्चे इक्वेशन सॉल्विंग में अननोन को हम कैंसिल नहीं कर सकते, नेवर डू दैट. हमेशा सबको एक तरफ लाना है, फैक्टराइज करना है, आंसर देना है. यहाँ से एक्स वैल्यू कैन बी जीरो और एक्स कैन बी वन, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर क्रिएट हुए हैं, एक्स इज जीरो वाई जीरो, एक्स इज वन वाई इज जीरो, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो, दूसरा है वन प्लस जीरो आयोटा एंड दैट इज वन.
अब चलते हैं सेकंड केस, x इज माइनस हाफ. फर्स्ट इक्वेशन में x के पे माइनस हाफ पुट कर दें, दैट विल बी 1/4 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस हाफ. बच्चे वाई स्क्वेयर इज 1/4 प्लस हाफ विच इज 3/4, तो y के पॉसिबिलिटीज क्या है, प्लस माइनस रूट 3/2. x है y है, कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेम हो गया, दे आर माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा. कितने सोल्यूशन हमें मिले, 4 सोल्यूशन. अब इसी क्वेश्चन को करेंगे यूलर्स फॉर्म से. देखें, ये पुट करते हैं यहाँ पे, जेड स्क्वेयर विल बी आर स्क्वेयर ई पावर आई 2 थीटा, एंड जेड कॉन्जुगेट आर रिमेंस द सेम, आर्ग्यूमेंट अपना साइन चेंज कर लेता है, दैट्स इट. अब दो तरफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के मॉड्यूलस वाले सेम होना चाहिए, दोनों का आर्ग्यूमेंट इक्विवेलेंट होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट सेम नहीं कह रही हूं मैं, अगर एक में आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 गिवन है और दूसरे में आर्ग्यूमेंट 2π प्लस पाई बाई 3 गिवन है, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है. बच्चे आर्ग्यूमेंट इक्विवेलेंट फॉर्म तो है ना, सेम पोजीशन तो जनरेट कर रहा है ना. यस, सो वी से दोनों के जो आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस है वो 2nπ होना चाहिए, तब हम उन्हें इक्विवेलेंट फॉर्म कहते हैं. वन आर्ग्यूमेंट कैन बी रिटन एज 2nπ प्लस द अदर. फाइन, वेरी सिंपल टू डील. अब देखें, दोनों के मॉड्यूलस वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब आर स्क्वेयर शुड बी आर, आर स्क्वेयर माइनस आर इज 0, आर का वैल्यू आया 0 और 1. जब r का वैल्यू 0 आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है, यहां हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्ट्रेट वे लिख सकते हैं. अगर r का वैल्यू 1 है तो अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हमें थीटा को सॉल्व करना होगा. तो दोनों तरफ जो आर्ग्यूमेंट है, दोनों का डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 थीटा एंड माइनस थीटा, मतलब 3 थीटा मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 2π. तो थीटा क्या आ गया बेटा, 2nπ. अब n की जगह पर डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज पुट करते हैं, n आज 0 थीटा वैल्यू 0, n आज 1 2π/3, n आज 2 4π/3. अब आप ये सोचोगे n तो इनफाइनेटली मैंने ये कहां तक हम पुट करेंगे, एक रिवॉल्यूशन वाले तो पुट करेंगे, उसके बाद तो रिपीट होता जाएगा. आप देखें n आज 3 इट विल बिकम 2π. बच्चे 2π पोजीशन 0 पोजीशन तो सेम ही है ना, सेम जगह पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. तो बस आपको उतना ही वैल्यू लेना है जो एक रिवॉल्यूशन में लाई करे, एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज के बाद वही सेम पोजीशन रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे. तो आगे अब हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेम करते हैं, ये मॉड्यूलस है और ये आर्ग्यूमेंट है. फर्स्ट इज 1 × e पावर i 0, e पावर i 0 इज 1, तो ये 1 ही रहेगा. देन e पावर i 2π/3, आर का वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज दिस ओनली, तो बस इतना ही लिखा, e पावर i 4π/3. यही 4 सोल्यूशन, ये यूलर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में, दस द ओनली डिफरेंस. क्लियर, अमाउंट ऑफ वर्क आप देख सकते हैं. फाइन, एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस देखना, जेड स्क्वेयर मॉड जेड है, दोनों तरफ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहे, तो आप दोनों तरफ स्ट्रेट अवे मॉड ले लें, टाइम सेविंग अप्रोच रहेगा. ओके, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस नहीं किए, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, लेकिन इतना आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो देखिए, जेड पावर एन का मॉड्यूलस लें या मॉड जेड पावर एन ले, एक ही बात है. एंड जेड कॉन्जुगेट का मॉड एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड आर सेम, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. सो कैन वी राइट दिस टू बी स्क्वेयर एंड दिस इज मॉड जेड, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू 0, मॉड जेड आ गया कॉमन, एंड दिस इज मॉड जेड -1 इक्वल टू 0, मॉड जेड 0 और 1, वही चीज जो हमें यहां से मिला. तो मॉड जेड निकालने के लिए तो शायद आपको यही ज्यादा सिंपल प्रोसेस लगे, या जो भी है अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं 0 और 1. जब मॉड्यूलस वैल्यू 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्ट्रेट अवे फ्रेम हो जाता है, वहां हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. सेकंड केस, जब आर का वैल्यू 1 आए, तब ध्यान देना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वेयर होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस रिलेटेड, इसे बिल्कुल आज इट इज याद रख लें. एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस आई वाई विल ऑलवेज फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. फाइन, तो हमारे केस में जो मॉड जेड है वो 1 है, इसे हम कहते हैं यूनि मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 का स्क्वेयर 1 ही है बच्चे. तो क्या हम जेड कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं एज 1/z फॉर यूनि मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यस, तो हमारे केस में यूनि मॉड्यूलर है और हमारा इक्वेशन है जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, एंड जेड कॉन्जुगेट को हमने ये लिखा, जेड क्यूब इज 1. फाइन, जिसने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा हुआ है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, और जिसने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन तो आता है ना बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइजेशन, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. तो जेड इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन आ जाएगा, और यहां से क्रिएट हो गया दो और सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज माइनस 3 अपॉन 2a. ए का वैल्यू है 1, और बच्चे माइनस 3 का स्क्वेयर रूट, 3 का स्क्वेयर रूट रूट 3 है, माइनस 1 का स्क्वेयर रूट आयोटा है, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. यही सेम आंसर जो यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिले हैं. क्लियर, डीलिंग प्रोसेसेस बिल्कुल क्लियर रखें. अब देखो आप यूलर फॉर्म का यूज कहां पे लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का यूज कहां लेंगे. कार्टेशियन फॉर्म मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड डीलिंग के लिए यूजफुल है, वहां हम यूलर फॉर्म का यूज नहीं ले पाएंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में लेंगे तो फिर हम उसे कन्वर्ट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, फिर उसका यूज लेंगे, तो उतना काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे. लेकिन जहां मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इस तरह का डीलिंग है, तो वहां पे यूलर फॉर्म इज द बेस्ट चॉइस. आप यहां पे भी देख सकते हैं यहां कितना काम आपको करना पड़ा है और यहां कितना सिंपल सोल्यूशन हमें मिला, राइट. और अगर पावर 2 है,
पावर थ्री तक भी आप कार्टेशियन फॉर्म के बारे में सोच सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, लेकिन उसके हायर पावर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, यूलर फॉर्म से ही आपको करना है। फाइन, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी, देन मल्टीप्लीकेशन विथ ए रियल नंबर। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप करते हैं तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के टाइम्स हो जाता है। और अगर आप उसे ज्योमेट्रिकली समझें तो जेड यहाँ पे है, इसका मतलब एक टू डायमेंशनल वेक्टर है। अगर के एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब 2z है, 3z है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट अनएफेक्टेड रहेगा। उसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है दैट विल बिकम मॉड k टाइम्स, क्योंकि k पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट, अगर k एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मॉड्यूलस इज kr, k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट विल रिमेन द सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो एनलार्ज हुआ है, दैट्स इट। अगर k नेगेटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। अब उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये थीटा है तो प्लस पाई करते हुए या माइनस पाई करते हुए, तो आर्ग्यूमेंट विल बी थीटा प्लस और माइनस पाई एंड मॉड्यूलस वैल्यू विल बिकम मॉड के टाइम्स ऑफ आर, राइट। और के क्योंकि नेगेटिव है तो दैट इज माइनस के आर, क्लियर। फाइन, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये हम हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आर इंटू ई पावर आई थीटा फॉर्म में अगर गिवन है तो पहले आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर एड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो वो काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे कार्टेशियन फॉर्म। इसमें रियल रियल पार्ट के साथ एड हो जाता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, और अगर सब्ट्रैक्शन है देन द सेम थिंग। ज्योमेट्रिकली क्या होता है ये देखें, एग्जैक्टली जो वेक्टर में होता है बच्चे, दिस इज जेड वन, टू डायमेंशनल वेक्टर, जेड टू पैरेललोग्राम बना, ये है जेड वन प्लस जेड टू। अगर जेड वन माइनस जेड टू की बात की जाए तो इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान देना। तो जो डायरेक्शन होगा वो जेड वन के टूवर्ड्स होगा, जेड टू से ओरिजिनेट होता हुआ होगा। अब आप ये सोचेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ है, ये तो एक लाइन सेगमेंट है, बस आप इसे पैरेलल मूव कर दें, ओरिजिन पे ले आए उसका इनिशियल पॉइंट, ये आ गया वो जेड वन माइनस जेड टू। और अगर जेड टू माइनस जेड वन की बात की जाए तो ये बस इस रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो बस ये फाइन। इसमें कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड वन एंड जेड टू पूछा जाता है, ये चीज आप याद रख लें। मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वेयर इज मॉड जेड वन स्क्वेयर प्लस मॉड जेड टू स्क्वेयर प्लस साइन है, तो प्लस टू मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड वन एंड जेड टू। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, दैट्स इट। आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, वेक्टर में पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए डॉट बी, राइट। क्या ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सेम थिंग, याद रह सकता नहीं इजीली। अब देखो, जैसे आपको पूछा गया जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ दिस इज मॉड ऑफ दिस, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन एंड जेड टू। इमीडिएटली दो चॉइसेस आपके पास रह जाते हैं, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस और अलजेब्रिक सॉल्विंग, जैसे भी करना है। तो अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली अटेम्प्ट करें तो आपको कहा गया जेड वन प्लस जेड टू का जो लेंथ है, इस वेक्टर का जो लेंथ है वही इसका है, मतलब पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल के लेंथ इक्वल है। एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल के लेंथ तब इक्वल होते हैं व्हेन इट इज केस ऑफ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ये आ जाता है 90 डिग्री, तो डायरेक्ट आंसर यू कैन से थीटा इज 90 डिग्री। सेकंड वे आउट इज, अगर आप इसका यूज लेना चाहते हैं तो आपको स्क्वेयरिंग करनी है, एंड दिस इज मॉड जेड वन स्क्वेयर मॉड जेड टू स्क्वेयर टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा, एंड ऑन द अदर साइड ये वाले टर्म तो सेम होंगे, कैंसिल कर दिया, एंड ये माइनस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा, इसे इधर शिफ्ट किया, दैट इज फोर मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा इज जीरो, कॉस थीटा इज जीरो, थीटा इज 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका यूज आप हमेशा ले सकते हैं इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए। फाइन, इसमें एक और चीज आएगी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस रिलेटेड डीलिंग के लिए, जिसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। यू जस्ट रिमेंबर दिस, क्वेश्चन हम करेंगे, दिस इज mod of z1 plus z2 is always lesser than or equal to mod z1 plus mod z2 and is always greater than or equal to difference of their modulus values, very important। वैसे तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप ज्योमेट्रिकल एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो टाइम सेविंग भी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तीन को कर रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म के बारे में आप सोच सकते हैं दो तीन के लिए, लेकिन उससे ज्यादा के लिए कभी भी नहीं करना। यूलर फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म टू हैंडल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। लेकिन दो के लिए देखें, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू वांट टू मल्टीप्लाई देम, ये है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आप सबको क्लियर है, लेकिन डायरेक्टली लिख लें तो बहुत अच्छा है। रियल विथ रियल माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का प्रेजेंस बनता है, तो माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। ठीक है, आज इट इज लिखेंगे हम। लेकिन अगर यूलर फॉर्म है तो देखिए कितना सिंपल है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आर वन इंटू आर टू ई पावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आर्ग्यूमेंट्स ऐड होगी। और ये आप कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो बच्चे, डायरेक्टली कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलस वैल्यू इनटू ई पावर आयोटा समेशन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां से ये दो प्रॉपर्टीज क्रिएट हुई, प्रोडक्ट करके आप मॉड्यूलस लें
या मॉड्यूलस लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सेकंड थिंग, आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हम एक आर्ग्यूमेंट नहीं, इनफाइनेटली मेनी आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं. तो जब कभी भी ऐसा कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो प्लस टू एन पाई, एन ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मैंने टू के पाई लिखा है, के बिंग एनी इंटीजर. फाइन, और कितना सिंपल लग रहा है. आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर में ही आपको मिलेंगे इनके ऊपर बेस्ट. नेक्स्ट, डिवीजन, डिवाइड करते हुए भी वही चीज, दो है. आप कार्टेशियन फॉर्म पे जा सकते हैं लेकिन ज्यादा के लिए यूलर फॉर्म का ही यूज लेना है. देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इमीडिएटली हमें डिवाइड करना है, ओरली करें बहुत अच्छा रहेगा. डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को रिमूव करना है तो हमें उसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है. तो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर दोनों इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, न्यूमिरेटर इंटू कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर. एक्स एंड वाई में अगर लिखें तो जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई करना आपको आता है. दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट. यहाँ जेड टू कॉन्जुगेट है तो माइनस वाई टू है, इसलिए प्लस साइन आ गया. उसी तरह से ये अपॉन दिस, राइट. तो जैसे कि आपके पास है वन प्लस टू आयोटा, वन माइनस थ्री आयोटा, एकदम क्विक करेंगे क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट वन प्लस थ्री आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर व्हिच इज टेन. एंड दिस इज एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा x1 with this, this with this, which is 5 upon 10. है ना सिंपल. कोई भी बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग प्रोसेस पे अब हमें नहीं जाना है. अगर यूलर फॉर्म में बच्चे डिवाइड किया, मॉड्यूलस डिवाइड हो गया, आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस आ गया कि डिवाइड हुआ ना, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड. तो यहां से अब हम ये कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उनका मॉड्यूलस लें या मॉड्यूलस लेके डिवीजन ले, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है आर वन बाई आर टू है, मतलब मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू है. एंड आर्ग्यूमेंट फॉर डिवीजन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ द न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस टू के पाई. फाइन. नेक्स्ट, जब कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में कोई इंटीजर है, दोनों के केस में जो बेस है ना बच्चे, उसे आप यूलर फॉर्म में डील करना, बस और कुछ नहीं करना. यूलर्स फॉर्म, ये तो इंटीजर है, इसके बारे में तो सोचना नहीं है. यहाँ पे ये हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में. सिंपल, क्लियर रखो बिल्कुल. बेस हमें यूलर फॉर्म में चाहिए एंड एक्सपोनेंट हमें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए. पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देखो, ये एडवांस का था, आयोटा पा आयोटा का मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट पूछा गया था. तो बेस को हमें क्या करना है, यूलर फॉर्म में लिखना है स्ट्रेट अवे. कन्वर्शन की जरूरत तो नहीं है, आयोटा को हमने याद ही रख लिया है. एंड एक्सपोनेंट को हमें कार्टेशियन फॉर्म में ही रखना है तो वो आयोटा ही रहेगा. अब ए पावर बी होल पावर सी इज ए पावर बी सी, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर पाई बाई टू ई पावर माइनस पाई बाई टू. बच्चे क्या ये एक प्योरली रियल नंबर है? यस. एंड क्या ये पॉजिटिव भी है? ई के पावर में कुछ भी आ जाए तो पॉजिटिव तो जनरेट होगा. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है एंड पॉजिटिव है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? जीरो. एंड मॉड्यूलस वैल्यू इज द नंबर एज इट इज. सिंपल. अब देखें, ये जैसे कि आपसे कहा गया होल पावर 20, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए. यूलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दें. सो मॉड्यूलस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज 2 ई पावर आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. मॉड वाई बाई मॉड एक्स है रूट 3. सो टैन अल्फा इज रूट 3, अल्फा इज पाई बाई 3. तो क्या आ गया बच्चे, होल पावर 20 व्हिच इज 2 पावर 20 इंटू ई पावर आई 20 पाई बाई 3. ये एंगल काफी बड़ा है, हम इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे. 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम इसे एक्यूट में कन्वर्ट कर देंगे यहीं पे. तो ये आ गया ई पावर आई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई लिख लेते हैं माइनस पाई बाई 3 जिसे हम सेपरेट कर देते हैं. और ये वैल्यू बचिए ऑड टाइम्स पाई है, आर्ग्यूमेंट वैल्यू क्या आएगा? माइनस वन. सो दिस इज माइनस ऑफ 2 पावर 20 ई पावर माइनस आई पाई बाई 3. अब देखो, जो काम अभी अभी हमने किया, यहाँ ऑड टाइम्स पाई का प्रेजेंस क्रिएट किया, उसे यहाँ माइनस साइन क्रिएट हुआ, तो क्या हम राइट ट्रैक पे हैं? मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो हम इसे मॉड्यूलस तो कंसीडर कर नहीं सकते. इसका मतलब यहाँ पे जो हम माइनस साइन क्रिएट किए हैं वो हमारे यूजलेस है, उसे अब हमें ई के साथ वापस शिफ्ट करना होगा. तो अब ये हो जाता है 2 पावर 20 माइनस 1 को हम ई पावर आई पाई भी लिख सकते हैं, ई पावर माइनस आई पाई भी लिख सकते हैं. कौन सा लिखना है आप देख लो, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है. अगर आप ई पावर माइनस आई पाई लिखते हैं तो वो बन जाएगा ई पावर माइनस आई 4 पाई बाई 3. तो माइनस 4 पाई बाई 3 तो माइनस पाई को क्रॉस कर गया, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहलाएगा. और इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछा जाता है. तो उस केस में हम ई पावर आई पाई लिखेंगे एंड दैट विल बिकम ई पावर आई 2 पाई बाई 3. तो ये हो गया इसका मॉड्यूलस, ये है उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. लेकिन अगर आप थोड़ा अटेंशन दिए होते तो ये स्टेप आप बिगर जनरेट के यहीं पे आंसर कर देते कि बस इवन टाइम्स पाई, जब कभी भी हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऑड टाइम्स पाई यहां जनरेट ही नहीं होने देंगे, हम ये स्टेप लिखेंगे ही नहीं, बस इवन टाइम्स पाई, ताकि ई पावर आई इवन टाइम्स पाई को हम खत्म कर दे, दैट विल बिकम 1 एंड दिस इज 2 पावर 20 ई पावर आई 2 पाई बाई 3. क्लियर. ये हो गया कंप्लीट अलजेब्रिक डीलिंग. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस. एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. मॉड्यूलस ऑफ जेड इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस जेड, इज सेम एज मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, एंड माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट का मॉड भी सेम है. अगर मॉड जेड का वैल्यू जीरो है तो आपको जेड कहना है इमीडिएटली जीरो. अगर जेड पावर एन का आप मॉड्यूलस ले रहे हैं तो बस आप मॉड जेड लेके पावर एन कर ले डायरेक्टली, देन
प्रोडक्ट का मॉड्यूलस वैल्यू इज मॉड्यूलस का प्रोडक्ट, वही चीज डिवीजन में अप्लाई होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड जेड स्क्वायर. दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो यूनि मॉड्यूलर है जिसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 है तो ये है, तो उस केस में आप जेड कॉन्जुगेट की जगह पे 1 बाई जेड रिप्लेस कर सकते हैं या जेड की जगह पे 1 बाई जेड कॉन्जुगेट. पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है आप देखें, जी एडवांस का था. इफ मॉड जेड इज 1 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट. तरीके बहुत सारे हैं, शॉर्ट प्रोसेस कौन सा रहेगा आप देखें. एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पास कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स एंड वाई में डीलिंग, यूलर फॉर्म मतलब आर एंड थीटा के फॉर्म में. अगर क्वेश्चन ने आर एंड थीटा के बारे में कुछ भी प्रोवाइड किया है तो इसका मतलब हिंट है यूलर फॉर्म में लेके आगे बढ़ जाओ. एक ऑलरेडी पता है, दूसरा आप पता कर सकते हो. अगर एक्स एंड वाई में से कोई चीज आपको गिवन होता कार्टेशियन फॉर्म को लेकर आगे बढ़ जाते, राइट? तो इस केस में आप कार्टेशियन फॉर्म का बिल्कुल भी यूज मत लेना क्योंकि एक्स एंड वाई विल बी कंप्लीटली टू अननोन्स एंड थीटा विल बी अनदर थिंग दैट वी आर सपोज टू फाइंड. ठीक है, तो वन चॉइस दैट वी हैव हियर इज मॉड जेड 1 है. तो हम प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज 1. तो यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह पे मैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट रिप्लेस कर सकती हूँ. जेड अपॉन डिनोमिनेटर में जेड आ गया कॉमन बचे, जेड हो गया कैंसिल. एंड हमें ये पता है कि जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है, राइट? तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे, दिस इज 1 बाई माइनस 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. प्योरली इमेजिनरी है, इसका हमें कुछ पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम एक्जैक्टली इसका लोकेशन नहीं बता पाएंगे कि ये पॉजिटिव वाई पे है या नेगेटिव वाई पे है, लेकिन क्लियर है आंसर विल बी आइदर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2. ऑप्शन बी ऐसे ही था. सेकंड वे आउट इज मॉड जेड गिवन है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर सकते हैं ई पावर आई थीटा. बस इसे आप यहाँ पुट कर दे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत नहीं इधर उधर का. डायरेक्टली यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई एंड रीच क्या आ गया बच्चे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि इसे तो सिंप्लीफाई करना है ना. सो माइनस आई साइन 2 थीटा. अगर आप डिनोमिनेटर को इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हो तब भी आपके पास चॉइस है, आप ई पावर आई थीटा से डिवाइड कर दो. तो ई पावर माइनस आई थीटा माइनस ई पावर आई थीटा. एंड हमें पता है ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा सब ट्रिक्स है जो कि है 2 आई साइन थीटा. तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस 2 आई साइन थीटा. बच्चे प्योरली इमेजिनरी है, साइन थीटा का साइन तो हमें पता नहीं, तो हम इसका साइन एक्जैक्टली नहीं बता सकते पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन प्योरली इमेजिनरी है. आर्ग्यूमेंट विल बी आइदर प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2. अगर ये स्ट्राइक नहीं किया, वैसे तो बताने के बाद ये स्ट्राइक करेगा ही, तो इन दैट केस इसका सिंप्लीफिकेशन हमें पता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. डिनोमिनेटर में बच्चे 2 साइन थीटा आ गया कॉमन, रह गया साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा. आयोटा कॉस के साथ है, उस केस में क्या ट्रिक हम यूज करते हैं, साइन के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर. अब आप माइनस आयोटा कॉमन ले लो, ई पावर आई थीटा माइनस आयोटा 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो कि ई पावर आई थीटा है. ये हो गया कैंसिल, वंस अगेन द सेम थिंग. तो हैंडल करने के लिए बच्चे एक प्रोसेस नहीं है, अलजेब्रिक डीलिंग पे बहुत स्कोप है और मेथड्स के भी बहुत स्कोप है, तो ये तो छूटने वाली चीजें नहीं है. नेक्स्ट देखें, मॉड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 का स्क्वायर इज मॉड जेड 1 स्क्वायर प्लस मॉड जेड 2 स्क्वायर प्लस जेड 1 इंटू जेड 2 कॉन्जुगेट प्लस जेड 1 कॉन्जुगेट इंटू जेड 2. अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों माइनस. आया कहाँ से, सेम थिंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज नथिंग बट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विथ इज कॉन्जुगेट, राइट? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज अभी हमने नहीं किए, लेकिन यू ऑलरेडी नो वी कैन राइट इट एज जेड 1 कॉन्जुगेट प्लस जेड 2 कॉन्जुगेट. जैसे इन्हें मल्टीप्लाई करते ही विल एंड अप गेटिंग दिस. ये आपको आज इट इज याद रखना है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फाइंड बेस्ट ऑन दिस. माइनस है तो दिस टू प्लेसेस आर माइनस. देन अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं क्विकली, आप देख सकते हैं जो प्लस माइनस साइन वाले हो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ मॉड जेड 1 स्क्वायर प्लस मॉड जेड 2 स्क्वायर. इजीली याद रखा जा सकता है. देन कम्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इसके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम लिटिल लेटर. अब आ जाए डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बेस्ट क्वेश्चंस. अगर आपको कहा गया मॉड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 इज इक्वल टू मॉड जेड 1 प्लस मॉड जेड 2, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड 1 एंड जेड 2. डीलिंग प्रोसेस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दोनों को आप स्क्वेयर कर दें. दिस इज मॉड जेड 1 प्लस मॉड जेड 2 का होल स्क्वेयर. दिस इज मॉड जेड 1 स्क्वेयर प्लस मॉड जेड 2 स्क्वेयर प्लस 2 मॉड जेड 1 मॉड जेड 2 कॉस थीटा. थीटा इज द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. And right hand side mod z1 square plus mod z2 square plus 2 mod z1 mod z2. But ye term directly they get cancelled. Then cos theta is 1. Theta is 0 degree. Fine. Exactly usi tarah se aap ise bhi solve kar sakte hain by squaring. And here theta will come out to be pi. Jaise vector ke case mein humne similar question kiya tha. Exactly the same answer we had got. So easy to remember. Is pe aur questions we are going to discuss. Next dekhe. A set of complex numbers, whether they are in addition, subtraction, multiplication or division,
इफ वी आर ट्राइंग टू टेक कॉन्जुगेट फॉर द होल प्रोसेस, इट इज इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के लिए. अगर एडिशन है तो एडिशन ऑपरेशन वी परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंगली विल एग्जीक्यूटेड. दो बार अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं वी गेट बैक द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, आर्ग्यूमेंट मीन्स डायरेक्शन. हमें बहुत क्लियर है पोजिशन वेक्टर है जेड, अगर हम माइनस जेड करते हैं वी जस्ट रिवर्स इज डायरेक्शन. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस और माइनस पाई, या तो इस तरफ से पाई या माइनस पाई लाइक दिस, एंड 2k पाई इज टू जनरलाइज द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, वी नो जेड कॉन्जुगेट पोजीशन इज व्हाट, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सो अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है. सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई फॉर जनरलाइजेशन. आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट मीन्स जेड कॉन्जुगेट को हम नेगेटिव कर रहे हैं. जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, 2k पाई तो जनरलाइज करेंगे हम एंड में करेंगे. अब इसमें नेगेटिव आप कर रहे हो मतलब डायरेक्शन को अपोजिट कर रहे हो. सो हियर यू कैन जस्ट डू प्लस और माइनस पाई. सो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस और माइनस पाई एंड देन जनरलाइज इट. फाइन. आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट का समेशन प्लस 2k पाई एट द एंड, एंड फॉर डिविजन सब्ट्रैक्शन. दैट्स इट. अब करते हैं क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द अलजेब्रिक पार्ट. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज ऑन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू. जेड वन एंड जेड टू दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से, जेड इज ए वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए. सो बी वेरी क्लियर, जब हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन का इन्वॉल्वमेंट है इट सिंपली मीन्स जेड वन माइनस जेड टू मॉड्यूलस इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोजिशन. सिंपल, जैसे पोजिशन वेक्टर के केस में होता है एक्जैक्टली उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोजिशन, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन. एंड वी आर वेरी क्लियर जेड वन एंड जेड टू फिक्स्ड है तो जेड या तो नॉन कोलिनियर होगा, एंड नॉन कोलिनियर के केस में एक ट्राइंगल बनेगा, एंड ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट, दिस इज ग्रेटर देन ए बी, एंड ए बी इज नथिंग बट मॉड जेड वन माइनस जेड टू. अगर वो नॉन कोलिनियर है, पी अगर ट्राइंगल नहीं बना रहा है, इन दैट केस इट विल बी नॉन कोलिनियर. एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट या तो इंटरनली लोकेटेड होगा या एक्सटर्नली लोकेटेड होगा. अगर इंटरनली लोकेटेड है तो पी ए प्लस पी बी विल बी इक्वल टू ए बी, और अगर एक्सटर्नली लोकेटेड है बच्चे तो पी ए प्लस पी बी तो ए बी को क्रॉस कर जाएगा ना. तो ओवरऑल पी का लोकेशन कहीं पे भी है, वी आर वेरी क्लियर पी ए प्लस पी बी का मिनिमम पॉसिबिलिटी ए बी होगा, दैट टू वेन पी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, राइट. तो अब हम यहां पे इस पॉइंट को याद रख लेंगे, पी ए प्लस पी बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ए बी होगा, एंड दैट टू इज अचीवेबल एट इनफाइनेटली मेनी नंबर ऑफ पोजीशंस व्हिच लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी. फाइन. अब हम इसका डायरेक्ट यूज लेंगे, ये प्योर ज्योमेट्री का केस है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट्स इट. तो ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. नाउ सी यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that we can answer. First, direct है z minus z1 plus z minus z2. Minimum value क्या होगा? So distance between these two positions. 1 minus 3 iota modulus and that is root 10. Direct. Second, यहाँ पे कुछ coefficients आ गए हैं और वो positive है. तो इसे answer करने के लिए we are going to use this. Okay? कोई हम independent process पे नहीं जा रहे, we'll just link it with it. अब twice of this है ये thrice है. तो इस two times of दोनों को combine कर देते हैं. जेड प्लस फोर मॉड्यूलस एंड देन ट्वाइस दैट वी टुक, सो वन मॉड जेड प्लस फोर दैट वी आर स्टिल लेफ्ट विथ, राइट. अब बच्चे इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जेड माइनस जेड वन, ध्यान देना वन नहीं लेना, इट इज माइनस वन. माइनस वन एंड माइनस फोर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज थ्री यूनिट. अब आप ये नहीं करेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसका थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स है, सो आंसर इज सिक्स. आपको वेरीफाई जरूर करना है कि ये मिनिमम कहां बन रहा है, ये मिनिमम कहां बन रहा है, क्या दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमाइज हो पाएंगे कहीं? अगर हो पाएंगे तो हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तभी आप प्रोसीड करेंगे. तो ये मिनिमम होगा माइनस फोर से माइनस वन के बीच में कहीं पे भी, और ये मिनिमम होगा माइनस फोर पे. तो देयर इज एन इंटरसेक्शन जहां वो मिनिमम बन सकते हैं, साइमल्टेनियसली मिनिमम बन सकते हैं, एंड दैट इज जेड इज इक्वल टू माइनस फोर. तो अब या तो आप जेड की जगह पर माइनस फोर ऑल थ्रू आउटपुट कर दें, या जो हमने मिनिमम यहाँ कैलकुलेट किया सिक्स प्लस जीरो, यू कैन जस्ट डायरेक्टली आंसर इट एज सिक्स. फाइन. नेक्स्ट, अगर हमारे पास थ्री मॉड्यूलस है विद डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ जेड वन जेड टू जेड थ्री जो थ्री फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, वो कोलिनियर ही दिए जाएंगे. नॉन कोलिनियर के लिए आपको पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे फॉर्मेट पॉइंट नाम का एक चीज होता है जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, तो उस पे तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा. सो दिस थ्री पॉइंट्स आर बाउंड टू बी कोलिनियर. अब आप ध्यान से सुनना, वन टू एंड थ्री ऑन द रियल एक्सिस, जो दो एंड वैल्यूज है ना बच्चे, उन दो टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे. सो जेड वन, सो जेड माइनस वन मॉड एंड जेड माइनस थ्री मॉड, ये एक बार है, ये दो बार है. सो विल टेक वंस जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस थ्री. अब हमारे पास जेड माइनस थ्री एक बार,
बचा हुआ है, सो विल कंबाइन इट विथ वंस जेड माइनस टू. अब हमारे पास ट्वाइस ऑफ मॉड जेड माइनस टू, इट इज स्टिल देयर. ये मिनिमम कहां पे होगा? 1 से 3 के बीच में. ध्यान देना, 1 से लेके 3 के बीच में. ये मिनिमम कब होगा? 2 से 3 तक में. और ये मिनिमम कब होगा? एग्जैक्टली एट 2. क्या तीनों में कोई इंटरसेक्शन है? बिल्कुल है, इट इज 2. दैट मीन्स ये मिनिमाइज होगा जेड इज इक्वल टू 2 पे. या तो आप इंडिविजुअली मिनिमम कैलकुलेट करके एड कर दें, क्योंकि हाँ साइमल्टेनियसली वो मिनिमाइज हो पा रहे हैं. सो जेड आज 2 आप पुट कर दें, या तो इसका मिनिमम वैल्यू ले लें, दिस इज 2, इसका मिनिमम है 1 और इसका मिनिमम है 0. आंसर इज 3. फाइन. नाउ क्वेश्चन यूजिंग 4 मॉड्यूलस. ये जो 4 मॉड्यूलस है देख लें आप, देयर लोकेशन इज समथिंग लाइक 0,0 पे है जेड 1 एंड 1,1 जेड 2 एंड देन 2,3 एंड द फोर्थ पॉइंट इज 0,1. और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा प्लॉट करके देखें. क्वाड्रिलेटरल जो क्रिएट हो रहा है उसी ऑर्डर में आपको लेना है पॉइंट्स, फर्स्ट डायगनल, सेकेंड डायगनल. अब हमें पता है कि इस पे लाई करता हुआ पॉइंट और इस पे लाई करता हुआ पॉइंट एक कॉमन पॉइंट जरूर होता है. मतलब हाँ वो साइमल्टेनियसली मिनिमाइज हो पाएंगे, इट्स जस्ट दैट आपको डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट पॉइंट्स है उनकी पेयरिंग करनी होगी. सो दिस विद दिस एंड दिस विद दिस. बच्चे ये दोनों का जो पेयर है ये मिनिमम होता है मॉड जेड 1 माइनस जेड 2. यहाँ जेड 1 जीरो है, सो इट इज 2 प्लस 3 अयोटा मॉड्यूलस. ये पॉइंट है 1 प्लस अयोटा और ये है अयोटा, सो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 1. आंसर इज रूट 13 प्लस 1. क्लियर. नेक्स्ट टाइप, फाइंडिंग आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ. प्रीवियस क्वेश्चन में मॉड्यूलस था, यहाँ मॉड का स्क्वायर है बच्चे. एंड हियर एबीसी कैन बी एनी रियल नंबर, और तीन नहीं कितने भी इस तरह के मॉड्यूलस का स्क्वायर अटैच हो सकता है. डीलिंग प्रोसेस क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं. लेट्स टेक, हमें समझना ही तो है, सो आप जस्ट टेकन टू टर्म्स, यू कैन एक्सटेंड इट फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स. इमीडिएटली इसे आप एक्स वाई फॉर्म में चले जाएंगे. जब कभी भी जेड में डीलिंग का आपको क्लैरिटी ना हो तब भी आपको यही काम करना है, एक्स एंड वाई में उसे कन्वर्ट कर दें. एक्स प्लस आई वाई माइनस अयोटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर. बच्चे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 2 ब्रैकेट के बाहर था, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे. अब सारे परफेक्ट स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं बच्चे. एक्स स्क्वायर है, यहां से 2x स्क्वायर बनेगा 3x स्क्वायर. पहले सेकंड डिग्री वाले टर्म लिख लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है या 2y स्क्वायर है 3y स्क्वायर. फिर x वाले टर्म पे आ जाते हैं, यहाँ माइनस 2x क्रिएट होगा 2 टाइम्स माइनस 4x, यहाँ माइनस 2y एंड कॉन्स्टेंट टर्म 1 प्लस 2 बच्चे 3. इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ डीलिंग. जो x वाले टर्म है उसका एक ग्रुप बना लें एंड y वाले टर्म का एक ग्रुप बना लें. कॉन्स्टेंट टर्म आप एज इट इज रहने दें, या आप किसी एक के साथ इसे कंबाइन भी कर सकते हैं. अब एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो दोनों को आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो. बच्चे आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. अगर क्वाड्रेटिक से नहीं करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर लो, राइट. तो बताएं इसका मिनिमम वैल्यू के लिए विल डिफरेंशिएटेड 6x माइनस 4 व्हेन इज इट 0 x इज इक्वल टू 2/3 एंड अगर हम f डबल डैश लेते हैं तो 6 आता है जो कि पॉजिटिव है, मतलब यस x इक्वल टू 2/3 पे वो मिनिमम बनाएगा, राइट. उसी तरह से आप y के लिए चेक कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया 6y माइनस 2 व्हेन इज इट 0 y इज इक्वल टू 1/3. सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं तो दैट कम्स आउट विद 6 व्हिच इज अगेन पॉजिटिव, दैट मींस यस y इज इक्वल टू 1/3 पे ये मिनिमाइज होगा. तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा, हम x की जगह पे 3/2 पुट करेंगे एंड y की जगह पे 1/3 ओवर. बस सिंप्लीफाई कर लें 3 तो बचे 4/3 माइनस 8/3 विच इज माइनस 4/3 प्लस 1/3 विच इज माइनस 1 माइनस 2/3 विच इज माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2. 2 माइनस 2/3 बच्चे 4/3 है ना, सिंपल. बच्चे अभी इस सेशन में भी तो क्वेश्चन आए हैं, फाइन है. नाउ लुक एट नेक्स्ट टाइप. इस पे तो कई बार आपको क्वेश्चन आए हुए मिल जाएंगे बच्चे. इफ मॉड ऑफ जेड प्लस 2/z इज 3 देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड. द वे यू शुड आंसर इज यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. वी हैव जेड 1 वी हैव जेड 2 सो वी हैव प्लस एंड वी नो दैट इज इन बिटवीन मॉड जेड 1 प्लस मॉड जेड 2 ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड में बच्चे मॉड जेड 1 माइनस मॉड जेड 2 होल मॉड. एकदम ध्यान रखे पैटर्न का, हम इसे ज्योमेट्रिकली एनालाइज नहीं कर सकते. अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू रिलेटेड डीलिंग, मतलब इनइक्वालिटीज डीलिंग. और उसके लिए हमारे पास यही की तो चॉइस है. तो जेड 1 इज जेड, जेड 2 इज 2/z पुट कर देते हैं. दिस इज मॉड जेड एंड दिस इज 2/z का मॉड, जिसे हम मॉड 2 बाई मॉड जेड लिख सकते हैं. मॉड 2 इज 2 सो दिस इज 2 बाई मॉड जेड एंड लेफ्ट हैंड साइड में मॉड जेड
माइनस टू बाई मॉड जेड होल मॉड. परफेक्ट बच्चे, इसका वैल्यू हमें दिया गया है. व्हाट इज इट? दिस इज 3. और हमें सॉल्व करना है मॉड जेड के लिए. एक काम करते हैं, मॉड जेड को टी ले लेते हैं, राइट साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. तो राइट साइड को देखें, 2 बाई टी. बच्चे टी मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर ही है. तो टी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा. शिफ्टिंग एवरीथिंग टू वन साइड, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फैक्टराइज इट, वेवी कर्व यूज कर लो बच्चे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1, 2, प्लस माइनस प्लस, टी इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूडेड, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी. फाइन, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्विंग. सो यहाँ टी माइनस 2 बाई टी बच्चे मॉड्यूलस, ये एक रियल नंबर है. रियल नंबर का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है वो माइनस 3 से 3 के बीच में होगा. यस, अब टी से हम तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस 3t टी स्क्वायर माइनस 2, या तो एलसीएम लेके आप क्रॉस कर सकते हो. दिस इज बेटर एंड दिस इज 3t. यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का कॉमन वैल्यू हमें लेना होगा. तो देखें, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करना आता है ना, उरली लिख सकते हैं. इसके बस हमें दो रूट्स को सॉल्व करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज रूट 17 अपॉन 2. आपने दो रूट्स को सॉल्व कर लिया. किसी को अगर नहीं भी आता तो मैं बता देती हूँ, रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चे. तो वेवी कर्व तो आपको पता है ना, तो अल्फा एंड बीटा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. जो छोटा रूट है उसके लेफ्ट में, जो लार्जर रूट है उसके राइट में. यस, सो व्हाट डू वी गेट हियर बेटा, टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉलर रूट व्हिच इज माइनस 3 माइनस रूट 17 बाई 2 हियर, यूनियन माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 2 से इन्फिनिटी. वैसे तो ये जो इंटरवल है हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टी तो हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू है. वही चीज आप यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट विल टेक केयर ऑफ इट एट द एंड. और जो कम्प्लीटली नेगेटिव है चाहे आप उसे डिस्कार्ड भी कर दें. फाइन, अब इसके राइट साइड में टाइम नहीं लगता बच्चे, फियरलेस हो जाए बिल्कुल. बस जो जो चीजें आपको नहीं आती है, आप कंफर्टेबल नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्विंग, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्रैक्टिस ऑन दैट. अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं देन लेट अस नो, ठीक है ना. अब बताएं इसके रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब उसी तरह से इसके दो फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब अल्फा एंड बीटा के बीच वाला पोर्शन चाहिए. सो टी इज 3 माइनस रूट 17 बाई 2 से 3 प्लस रूट 17 बाई 2 क्लोज्ड है बेटा. ओवरऑल हमें इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए. हमें ऐसे वैल्यू चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे. तो जिस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू है उसे क्विकली डिस्कार्ड कर देते हैं. पहले यहां है नेगेटिव, तो ये 0 से 1 है. 0 ओपन, क्योंकि जब मॉड्यूलस वैल्यू 0 होगा तो जेड ही 0 होगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा. राइट, सो जेड 0 तो है नहीं. यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये नेगेटिव है बच्चे, क्योंकि रूट 17 इज 4 पॉइंट समथिंग. तो ये भी मॉडिफाई हो गया, 0 टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2. अब लेते हैं इंटरसेक्शन, फियरलेस होके बिल्कुल. ओके, 0 टू 1 शेड कर दिया हमने, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी. नंबर लाइन के एक तरफ हमने एक इंटरवल को शेड कर दिया. अब चलते हैं नेक्स्ट केस, 0 टू 3 प्लस रूट 17 बाई 2. रूट 17 को अप्रॉक्स ले लेते हैं आज 4.1, सो इट इज 7.1 अपॉन 2, क्लोज टू 3.5. सो 3.5 इज समवेयर हियर. सो ये कहता है यहां से लेके यहां तक के सारे वैल्यूज फेवरेबल है इसके लिए. अब आते हैं बच्चे थर्ड सॉल्यूशन पे. ये 4.1 माइनस 3, 1.1 बाई 2 व्हिच इज क्लोज टू 0.5. तो जो हमारा थर्ड सॉल्यूशन सेट है वो कुछ यहां से स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट अप टू इन्फिनिटी, इट वेंट ऑन एंड ऑन. जो पहला सोल्यूशन है वो भी इन्फिनिटी तक गया है, सेकंड सोल्यूशन यहाँ पे क्लोज है. हमने 3.5 जरूर लिखा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3 प्लस रूट 17 बाई 2 है. अब देखे तीनों में इंटरसेक्शन, मतलब नंबर लाइन का वो पोर्शन जो ऊपर की तरफ भी शेडेड है, नीचे से भी है और ऑन द नंबर लाइन भी शेडेड है बच्चे. सबसे लोएस्ट पोजिशन कौन सा है? ये है. एंड वॉट इज दैट? रूट 17 माइनस 3 बाई 2. तो ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू. एंड हाईएस्ट पोजिशन कौन सा है जो तीनों में इंक्लूडेड है? इट इज दिस. एंड इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ये. सो मिनिमम इज रूट 17 माइनस 3 बाई 2 एंड मैक्सिमम इज रूट 17 प्लस 3 बाई 2. क्लियर? देन नेक्स्ट टाइप, इफ मॉड जेड माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. समझेंगे, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. बच्चे जब भी मॉड जेड वन माइनस जेड टू की बात हो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस. जेड एक वेरिएबल पोजीशन है एंड जो सेकंड पोजीशन है वो है 2 प्लस आयोटा. इट इज डिस्टेंस बिटवीन ए वेरिएबल पोजीशन एंड अ फिक्स्ड पोजीशन एंड दैट इज इक्वल टू 4. क्या मतलब हुआ? जेड इज सच ए पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम 2, 1. तो जब एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लोकेटेड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, दैट फॉर्म्स ए सर्कल जिसका सेंटर 2, 1 पे होगा और उसका रेडियस 4 यूनिट होगा. सो इट इज समथिंग लाइक 2, 1 एंड इस रेडियस इज 4 यूनिट्स. अब आते हैं व्हाट इज इट दैट वी आर सपोज टू फाइंड, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 2. जेड क्या है? इसके सर्कमफेरेंस पे लाई करते हुए पॉइंट्स. हमें जेड का डिस्टेंस चाहिए माइनस 2 से,
मतलब एक सर्कल का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा वो हम चेक कैसे करते हैं, दैट इज हम लोकेशन ऑफ पॉइंट चेक करते हैं. अगर वो सर्कल के बाहर है, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट, ये होता है डिस्टेंस मिनिमम और ये होता है मैक्सिमम. निकालने का तरीका क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट तक हम डिस्टेंस लेते हैं, ये रेडियस है, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है डी माइनस आर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस होता है डी प्लस आर. दिस इज हाउ वी डील विथ. अगर वो पॉइंट इनसाइड है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट के ऑन ही लाई करता है. तो ये वो पॉइंट है, ये सी है. सीपी डिस्टेंस अगर डी यूनिट है, रेडियस आर है, तो डिस्टेंस मिनिमम है जो कि आर माइनस डी होगा एंड डिस्टेंस मैक्सिमम इज आर प्लस डी. सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो अब हम सबसे पहले लोकेशन चेक करेंगे. माइनस टू का लोकेशन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पे है, कैसे चेक होता है, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस. सेंटर 2.1 पे है, पॉइंट माइनस टू है बच्चे, तो माइनस 2.0 एंड 2.1 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रूट 17, दैट इज लार्जर देन द रेडियस. सो क्लियर है वो पॉइंट कहीं बाहर है और ये जो डिस्टेंस है ये है रूट 17. अब आप बता सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज ये है रूट 17, ये है रेडियस. सो मिनिमम डिस्टेंस इज रूट 17 माइनस 4 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसे हमने डिस्कस किया ना आउटसाइड पॉइंट के लिए, एक्जैक्टली वही चीज. पॉइंट से सेंटर की जॉइनिंग लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये वो पॉइंट है जो फार्देस्ट होगा गिवन पॉइंट से. सो दैट विल बी डी प्लस आर, रूट 17 प्लस 4 इज द मैक्सिमम. अब यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछी जाती है, फाइंड दोज पॉइंट्स व्हिच आर नियरेस्ट एंड फार्देस्ट. अगर आपको ये पॉइंट के लिए सॉल्व करना है तो कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल को सॉल्व ना करें. सिंपलेस्ट वे आउट इज सेक्शन फॉर्मूला. जब कभी भी हमें एक लाइन के ऊपर दो दो पॉइंट पता होता है ना बेटा, तो कोई और पॉइंट उस लाइन पे फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला इज द बेस्ट चॉइस. तो ये पॉइंट हमारे पास है जो कि माइनस 2.0 है, ये पॉइंट हमारे पास है 2.1, ये पूरा डिस्टेंस रूट 17 है एंड वी नो दिस इज रूट 17 माइनस 4 एंड दिस इज 4. सो कैन वी से दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सीपी इंटरनली इन द रेशियो 4:17-4, जस्ट यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड यू आर थ्रू. उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट व्हिच इज फार्देस्ट वो कौन सा होगा, तो आपके पास सी एंड पी के कोऑर्डिनेट्स है, बी उसी लाइन पे लाई करता है, इट्स जस्ट दैट एक्सटर्नली लाई कर रहा है, ये पॉइंट इंटरनली लाई कर रहा था, तो यहाँ पे हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन का. एंड रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा, सी पॉइंट है 2.1, पी पॉइंट है -2.0, बी पॉइंट इज डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ सी बी इज टू पी बी. जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है बेटा उसका डिस्टेंस हमें फर्स्ट पॉइंट से, उसका डिस्टेंस हमें सेकेंड पॉइंट से, ये डिस्टेंस इसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ डिवीजन. तो सी बी इज वॉट, रेडियस, एंड बच्चे बी पी इज आर प्लस रूट 17. तो आर का वैल्यू हमारे पास है, रेशियो ऑफ डिवीजन हमारे पास है, एक्सटर्नल डिवीजन का केस है और सेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है. ये तो मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन दिया है, इरेशनल वैल्यू का प्रेजेंस बना है. मोस्टली आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें रैशनल वैल्यू जो क्रिएट होता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ डीलिंग को आपको ऑब्जर्व करना है, उसी को ध्यान में रखना है. फाइन, नाउ लुक एट फॉर द सेकंड वन, मॉड 2z माइनस आयोटा का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. अब क्या करना है, एग्जैक्टली उसी तरह से सर्कल पे पॉइंट है और उस सर्कल का सेंटर 2.1 है, रेडियस 4 यूनिट्स है. 2z माइनस आई को हम डायरेक्टली तो डील नहीं करेंगे, 2 हमें बाहर निकालना होगा, z माइनस आई बाई 2, तो हम इससे मिनिमाइज करेंगे और 2 टाइम्स करके ओवरऑल हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगा. और ये है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम आयोटा बाई 2. आयोटा बाई 2 मतलब 0.5. तो देख लेते हैं ये पॉइंट का लोकेशन कहां पे है. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स व्हिच इज 4 प्लस 1 माइनस हाफ व्हिच इज हाफ का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी बच्चे रूट 17 बाई 2, दिस इज अप्रॉक्स 4.1. तो बच्चे ये तो 4 से छोटा है, तो दिस पॉइंट लाइज इन साइड 0.5. एग्जैक्ट प्लॉटिंग पे नहीं जाना है, रैंडमली बस लोकेशन हमें पता होना चाहिए. तो ये है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर जिसे हम डी कंसिडर कर रहे हैं, एंड वी नो डिस्टेंस मिनिमम इज आर माइनस डी, आर इज 4 एंड दिस इज रूट 17 बाई 2, एंड डिस्टेंस मैक्सिमम इज आर प्लस डी, 4 प्लस रूट 17 बाई 2. सिंपल. और अगर हमें उन पॉइंट्स को सॉल्व करना हो तो ऑलवेज यूज सेक्शन फॉर्मूला. फाइन, नेक्स्ट देखें. एस इज ए सेट व्हिच इज कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग दिस एंड दिस, दो इनइक्वालिटीज के जो कॉमन सोल्यूशन है वो जेड सेट एस को बिलोंग कर रहे हैं. देन फाइंड जेड वन एंड जेड टू बिलोंगिंग टू एस फॉर विच मॉड जेड माइनस 4i इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली. अब आ जाते हैं सबसे पहले कि ये इंडिविजुअली ये जो इनइक्वेशन है ये क्या देते हैं हमें. फर्स्ट को आप देखें, मॉड जेड माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1. इनइक्वालिटी का एनालिसिस हमेशा इक्वालिटी से बिगिन होती है, तो जेड माइनस 2 मॉड्यूलस इक्वल टू 1 क्लियर है, इट इज अ सर्कल. तो अगर इक्वालिटी है तो सर्कल की बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है वो जेड,
और अगर इनइक्वालिटी है तो इस सर्कल के एक तरफ होगा, या तो इंटीरियर साइड या तो एक्सटीरियर साइड। अब किस तरफ के पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम टू शुड बी स्मॉलर देन वन, तो ये तो है वन यूनिट फ्रॉम सेंटर, हमें स्मॉलर चाहिए तो विल मूव इनवर्ड, और अगर ग्रेटर चाहिए तो विल मूव आउटवर्ड। तो ये क्लियर है, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द जेड व्हिच लाई ऑन द सर्कल और इंटीरियर टू द सर्कल, तो इन पॉइंट्स की बात हो रही है। एंड सेकेंड केस में लाइन की इक्वेशन अभी हमने नहीं किया है, और हो सकता है बहुत से बच्चों को पता भी ना हो, जब कुछ भी समझ नहीं आया जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स एंड वाई में, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा क्या वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला, सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। लेट्स पुट इट हियर, एक्स प्लस आई वाई इंटू वन प्लस आयोटा प्लस एक्स माइनस आई वाई इंटू वन माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। एक तो तरीका है आप इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, दोनों को एड करो एंड आंसर। सेकेंड वे आउट, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट डू लाइक दैट, क्या इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो ओवरऑल इस पूरे का कॉन्जुगेट ये है, और हमें ये पता है कि जेड में जब उसका कॉन्जुगेट ऐड होता है तो टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड हमें मिलता है, यस yes? तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये पूरा सम अप होके हमें देगा ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ दिस, एंड रियल पार्ट ऑफ दिस इज एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। हमें वो पोर्शन चाहिए जो दोनों में कॉमन है, तो ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखना होगा। सो दिस इज सेंटर इज 2,0 एंड रेडियस इज 1। इसको हम एग्जैक्टली ग्राफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो का हमें साइमल्टेनियस कॉमन पोर्शन लेना है, राइट right? तो इससे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। व्हेन y इज 0 x इज 1, तो ग्राफ 1,0 से पास करेगा हियर, एंड x इज 0 देन y इज -1 हियर इट इज, ये है वो लाइन। अब देखते हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में कौन से पोर्शन की बात हो रही है, इस लाइन के ऊपर 0,0 लाई करता है, पुट करके देखते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 1 सैटिस्फाइंग है, इसका मतलब इस लाइन के अबव वाला पोर्शन हमें लेना है, सर्कल के इंटीरियर पोर्शन लेना है, कॉमन पोर्शन इज दिस। तो S सेट तो आइडेंटिफाई हो गया, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड जेड वन एंड जेड टू बिलोंगिंग टू S फॉर विच दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट मीन्स शेडेड पोर्शन पे पॉइंट है जेड एंड उसका डिस्टेंस हमें 4i से लेना है, 4i मतलब 0,4 समवेयर हियर, एंड हमें पता है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम सर्कमफेरेंस की बात कर रहे होते हैं या कंप्लीट इंटीरियर पोर्शन की बात कर रहे होते हैं तो लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट के ऊपर लाई करता है, तो ओवरऑल ये तो होता है डिस्टेंस मिनिमम पूरे सर्कल के लिए ही, तो हमारे शेडेड पोर्शन के लिए भी यही मिनिमम होगा, तो बस हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करना है। अब मैक्सिमम कौन सा होगा, उसके लिए दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा है जो मैक्सिमम है और वही फार्देस्ट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस मिनिमम फाइंड कर लेते हैं बच्चे, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 2√5, राइट। सो डिस्टेंस मिनिमम इज, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला विल यूज, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन विच इज 0 अपॉन एम प्लस एन दैट इज 2√5 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस इनटू दिस विच इज 0 एंड दिस इज 4 अपॉन 2√5, ये आ गया नियरेस्ट पॉइंट। अब फार्देस्ट पॉइंट कौन सा होगा, उसके लिए हमें डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 1,0 सो दिस इज √17 और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चे हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए तो हमें इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही होगा एंड बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। देखें y इज x माइनस वन, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे x माइनस वन होल स्क्वायर इट इज 1, इधर मॉडुलस का स्क्वायर लिया इधर भी 1 स्क्वायर कर दिया दैट इज सेम एज 1। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 एंड दैट इज प्लस 4, बच्चे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 से हमने डिवाइड कर दिया x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट तो यही है बच्चे, तो यहाँ x का वैल्यू 2 है, x के पे 2 पुट करें y इज कमिंग आउट टू बी 1। अब क्विकली ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दैट विल बी 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट एंड दैट इज √13। अब आप बता सकते हैं कि √13 √17 में दिस इज लार्जर, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज फार्देस्ट एंड दैट इज 1,0 क्लियर। नेक्स्ट, इफ मॉड जेड इज 1 देन लोकस ऑफ 2z प्लस 1 इज व्हाट, टू वेज ऑफ डीलिंग। 1 मॉड जेड 1 गिवन है, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है बच्चे उसका आप कुछ नाम दे दो, जेड डैश कर देते हैं, तो हमें जेड डैश का लोकस फाइंड करना है। जेड के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ से जेड निकाल लेते हैं, सो जेड इज जेड डैश माइनस 1/2 और हमें दिया गया मॉड जेड इज इक्वल टू 1, सो मॉड जेड 1 है इसका मतलब जेड डैश माइनस 1/2 1 है इसका मॉडुलस वैल्यू, सो जेड डैश माइनस 1 मॉड अपॉन 2 का मॉड जो कि 2 है इधर क्रॉस किया बच्चे 10, सो जेड डैश का लोकस क्या आया,
इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज 1.0 एंड रेडियस इज 2 यूनिट्स. फाइन, सेकंड वे ऑफ डूइंग, जब हमारे पास मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट में से कोई भी एक चीज दे दी जाती है तो आप उस जेड को यूलर फॉर्म में लिख लें, दैट इज 1 into e power i theta, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ इट हमें नहीं पता, सो विल कंसिडर इट एज थीटा अल्फा ए जो भी आप लेना चाहें. और हमें लोकस चाहिए इसका जो कि है 2e power i theta plus 1. वी वांट लोकस ऑफ दिस, इसको हमने जेड डैश कंसीडर कर लिया. अब एडिशन हो रहा है तो यूलर फॉर्म में तो डील होना नहीं है बच्चे, आपको आना होगा कार्टेशियन फॉर्म में. सो e पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दैट इज 2i sin theta. 2 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस 1, इसका रियल पार्ट हो गया ये और इमेजिनरी पार्ट ये है और हमें इसका लोकस चाहिए. सो तरीका क्या होगा, इसे इमीडिएटली, क्योंकि इधर कार्टेशियन फॉर्म है तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देना है, रियल को रियल के साथ इक्वेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है. सो y इज इक्वल टू 2 sin theta, बच्चे थीटा का एलिमिनेशन होना है, सो cos थीटा इज वॉट x माइनस 1/2 एंड sin थीटा फ्रॉम हियर इज y/2. एलिमिनेशन ऑफ थीटा बच्चे sin square theta plus cos square theta is 1, सो इट इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, LCM है 4 एंड शिफ्टिंग इट टू दिस साइड. सर्कल हैविंग सेंटर एट 1.0 एंड रेडियस इज 2, सेम थिंग हियर, यहां हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला, यहां हमने x एंड y फॉर्म में निकाला. मैं आपको सब कुछ बता रही हूं ताकि एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ तो इनमें से आपको स्ट्राइक करेगा, यू विल बी एबल टू प्रोसीड एंड वंस यू अंडरस्टैंड, कुछ तो नहीं आप सब कुछ ही कर पाएंगे. डन, नेक्स्ट देखें, सिमिलर लोकस बेस्ट क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज 3 देन लोकस ऑफ 2z + 3. अब देखो इस तरह के डीलिंग के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, डेफिनेटली विल प्रीफर डीलिंग इट दिस वे जो हमने सबसे पहले किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, अब वही करते हैं. मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज 3 देन लोकस ऑफ दिस, जिसका लोकस हमें निकालना होता है उसे हम कुछ नाम दे देंगे, 2z + 3 इज इक्वल टू जेड डैश. जेड के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले हम जेड पे चलते हैं, 2z इज जेड डैश माइनस 3 बच्चे, जेड इज जेड डैश माइनस 3/2. अब जेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, दैट मीन जेड माइनस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा मॉड्यूलस इज गिवन टू अस एज 3 बच्चे, एलसीएम दिया जेड डैश माइनस 3 माइनस 2 आयोटा मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस अप टू जो कि 2 इधर क्रॉस कर दिया. सो डिस्टेंस ऑफ जेड डैश फ्रॉम 3, 2 इज 6 यूनिट, सो जेड डैश का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ होगा एंड उसका सेंटर 3, 2 पे है एंड रेडियस 6 यूनिट्स है. फाइन, वेरी सिंपल वर्क. नेक्स्ट देखें, मॉड जेड इज 2 देन लोकस ऑफ दिस, इन दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जेड का प्रेजेंस दोनों जगह नहीं था, एक जगह कॉन्स्टेंट था, तो जो हमने किया इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश इज इक्वल टू वो परफेक्ट था, लेकिन यहाँ जेड प्लस 1/z है तो अगर हम इसे जेड डैश कंसिडर करेंगे फिर जेड को एक्सट्रैक्ट करेंगे या पुट करेंगे, यू कैन सी द काइंड ऑफ वर्क दैट वी विल हैव टू डू. तो इस तरह के क्वेश्चन में जो सेकंड अप्रोच मैंने बताया बच्चे बिल्कुल आपको वही यूज करना है, मॉड जेड आपको गिवन है, सो जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू ई पावर आई थीटा और जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, हमने जेड डैश लिया जेड प्लस 1/z, तो ये है एक्स प्लस आई वाई, सेम प्रोसेस बिल्कुल, जेड है 2 cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा एंड 1/z जो कि है 1/2 e power i theta यूलर फॉर्म में है ना, तो आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करें, सो दैट इज 1/2 cos theta माइनस आयोटा साइन थीटा, वेरी सिंपल वर्क, बस एक बार कर लेंगे स्ट्राइक करेगा ऑन द स्पॉट. अब आप बताएं रियल पार्ट कंबाइन कर देते हैं, यहां है और यहां है, विच इज 5/2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट 2 sin theta माइनस 1/2 sin theta, दैट इज 3/2 sin theta. राइट, अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करते हैं, x इक्वल टू 5/2 cos theta एंड y इज इक्वल टू 3/2 sin theta. बच्चे cos एंड sin का हमें एलिमिनेशन करना है, तो यहां से हमें मिला cos इज इक्वल टू 2x/5 एंड फ्रॉम हियर sin इज इक्वल टू 2y/3. सो ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, 4x² / 25 प्लस 4y² / 9 इज इक्वल टू 1. बच्चे इज दिस केस ऑफ एन एलिप्स, 25/4 y² / 9/4. तो इस एलिप्स के बारे में जो कुछ भी आगे आपसे पूछा जाए, यू विल बी एबल टू फाइंड, एसेंट्रिसिटी पूछा जाए, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस, व्हाटएवर, राइट. अगर किसी को नहीं भी आता है तो विल डिस्कस इन कॉनिक सेक्शंस. सो लोकस निकालने का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, जब जेड यहां और यहां दोनों पोजीशन पे है, इन दैट केस आप यूलर फॉर्म में उसे लेंगे एंड जिसका लोकस फाइंड करना है उसे जेड डैश, जेड डैश को एक्स प्लस आई वाई और इधर भी आप यूलर फॉर्म से बाहर आ जाएंगे, रियल को रियल के साथ इक्वेट एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ थीटा को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट. तो इसका सेकंड पार्ट भी एक्जैक्टली उसी तरह से हो जाएगा, जेड डैश व्हिच इज एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2z, जेड हमारे लिए है 2e power i theta, सो दैट इज 4e power i theta माइनस 3/2 e power i theta विच इज 3/2 e power minus i theta, राइट. अब टाइम सेव करते हैं, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है x, राइट साइड में क्या आएगा 4 cos theta यहां से आएगा और यहां से माइनस 3/2 cos theta, परफेक्ट. कंबाइन कर देते हैं 5/2 cos theta, y विच इज द इमेजिनरी पार्ट, यहां पे क्या आएगा 4 sin theta एंड हियर माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा, क्योंकि ईपा माइनस आई थीटा है ना, सो दैट विल बिकम प्लस 3/2 sin विच इज 11/2 s. अब यहां से कॉस ले, यहां से साइन ले, दोनों को स्क्वेयर करके ऐड करके 1 का दे लोकस आ गया,
दैट विल अगेन बी एन एलिप्स. फाइन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी. इफ मॉड जेड इज वन देन लोकस ऑफ जेड अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर. इस पे डीलिंग तो हम पहले भी कर चुके हैं. मॉड जेड वन है तो ये कॉमन प्रोसेस ऑफ डीलिंग आप कर सकते हैं. इसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट जेड अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर. मॉड जेड वन है इसका मतलब मॉड जेड का स्क्वायर वन है. जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वन है तो इस वन की जगह पे हम जेड जेड कॉन्जुगेट प्लेस करेंगे. जेड को हम कर देते कैंसिल एंड दैट इज मॉड जेड माइनस जेड. क्या ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है? एंड प्योरली इमेजिनरी मीन्स पोजिशन इज ऑन वाई एक्सिस. सो लुकस इज इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर? अदरवाइज जो कॉमन मेथड्स है ये आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन सॉल्विंग. बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही पास्ट ईयर के हैं और एक बार आदत हो जाए यू फाइंड देम सो सिंपल. फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. सेकंड क्वेश्चन आप देखें, वही दो मेथड आपके पास है, कार्टेशियन डीलिंग और यूलर फॉर्म. अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लें आपके लिए प्रिफरेबल प्रोसेस कौन सा है. ये हमारा इक्वेशन, देयर इज नथिंग इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, वी प्रिफर यूलर्स फॉर्म. जेड आर ई पावर आई थीटा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पुट करें आर स्क्वेयर ई पावर टू आई थीटा इज इक्वल टू सयोटा को भी हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ई पावर आई पाई बाई टू एंड जेड कॉन्जुगेट विल बी आर इंटू ई पावर माइनस आई थीटा. राइट, ई वाला पार्ट हम कंबाइन कर देते हैं ई पावर अयोटा पाई बाई टू माइनस थीटा. अब आप दोनों तरफ के मॉड्यूलस को इक्वेट कर दें. सो आर स्क्वेयर इज आर, दैट मीन्स आर स्क्वेयर माइनस आर इज जीरो. बच्चे आर की जो पॉसिबिलिटीज है वो जीरो एंड वन है. आर जीरो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो है, आर वन तो उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत है. राइट, अब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स इक्विवेलेंट फॉर्म होना चाहिए. इसका मतलब टू थीटा शुड बी पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस टू एन पाई. थीटा को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, थ्री थीटा शुड बी पाई बाई टू प्लस टू एन पाई. इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें दैट इज फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू. बच्चे थीटा इज फोर एन प्लस वन पाई बाई सिक्स. इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सोल्यूशंस. तो देखते हैं R इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स मिल पाते हैं, उतने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और ये एक और है सो प्लस वन हो जाएगा. सो एन आज जीरो अगर हम लेते हैं तो ये है पाई बाय सिक्स. एन आज वन फाइव पाई बाय सिक्स. एन आज टू नाइन पाई बाय सिक्स. एक रिवॉल्यूशन में लेना है दैट्स इट. ओके बच्चा, एन आज थ्री के लिए थर्टीन पाई बाय सिक्स. अब आप देख सकते हैं ये पोजिशन और ये पोजिशन जो एंगुलर पोजिशन है वो सेम है, तो इससे आगे अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसे भी एक्सक्लूड कर देंगे. तो तीन सोल्यूशन हमें यहां से मिला आर इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक सोल्यूशन ये है. सो ओवरऑल फोर सोल्यूशन आ देयर. और ये मॉड्यूलस निकालने का जो प्रोसेस है ये नहीं करके दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था आप वो भी यूज कर सकते हैं. यहां अगर आप मॉड्यूलस लेते हैं दोनों तरफ, दिस इज माइनस आई जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, दिस इज मॉड जेड का स्क्वायर. माइनस आई का मॉड्यूलस वन होता है, जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस मॉड जेड ही होता है. तो यहां से हमें मिल जाता है मॉड जेड इज जीरो और वन. सेम कंक्लूजन. फाइन, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में यहां तो नहीं है, पावर में एक्सपोनेंट में है. वैसे भी एक्सपोनेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? टू पावर वन अपॉन टू पावर मॉड जेड, वो डिवीजन में ही कन्वर्ट हो जाता है. तो हम आर एन थीटा पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट में मॉड जेड है. तो सबसे पहले हम मॉड जेड की ही बात करेंगे और वो भी इस पर्टिकुलर मेथड से डिस्कस करेंगे. तो दोनों तरफ मॉड लिया बच्चे, लेफ्ट साइड हो गया मॉड जेड का स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट का मॉड दस और इसका मॉड बच्चे वो तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है ना, टू के पावर में कोई रियल नंबर जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दैट विल रिमेन एज इट इज. तो ये हो जाता है मॉड जेड कॉमन, इधर हमने शिफ्ट किया. सो मॉड जेड माइनस टू वन माइनस मॉड जेड इक्वल टू जीरो. तो एक सोल्यूशन तो आ गया मॉड जेड इज जीरो और हमें सेकेंड सोल्यूशन मिलेगा यहां से. मिक्सचर ऑफ फंक्शन बेस्ट क्वेश्चन है. अगर मैं इसे एक्स कंसिडर करूं ना बच्चे, तो ये टू पावर वन माइनस एक्स. अगर आप ग्राफिकली भी एनालाइज करके देखो कि इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, एक्स इज सम नॉन नेगेटिव वैल्यू, सो वाई इक्वल टू एक्स अलोंग द राइट साइड. दिस इज टू टाइम्स ऑफ टू पावर माइनस एक्स. टू पावर माइनस एक्स को अगर आप डायरेक्टली बना सकते हो वेरी गुड, अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हो. और अगर ए का वैल्यू जीरो से वन के बीच में होता है तो जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है रिड्यूसिंग ग्राफ होता है एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे ये हमें देगा टू. तो इस तरह से ये ग्राफ मूव करेगा. तो क्लियर है कि एक सोल्यूशन तो हमें मिलेगा और एक ही मिलेगा, वो तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से ही पता चलेगा. और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मतलब हम इंटीग्रल वैल्यू जी पुट करेंगे. तो जीरो पे तो होना नहीं है, वन पे चलते हैं. वन हमने यहाँ पुट किया, ये है वन, ये है वन, वेरी गुड. तो एक ही सोल्यूशन है और वो हमें एक ही बार में पता चल गया, दैट इज एक्स इक्वल टू वन. दैट मीन्स मॉड जेड के दो पॉसिबिलिटीज है, वो है जीरो एंड वन. अब कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें सॉल्व करना है जेड के लिए. मॉड जेड अगर जीरो है बच्चे तो जेड का वैल्यू तो जीरो हुआ, ये एक सोल्यूशन हो गया. अगर मॉड जेड का वैल्यू वन है तो इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां भी मॉड जेड दिख रहा है पहले उसकी जगह पे हम वन पुट कर देते हैं तो ये टर्म हो जाएगा वैनिश. अब हमारा इक्वेशन रह गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, जिसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. किस तरह से किया था? लेफ्ट साइड का जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो है टू थीटा और राइट साइड में माइनस थीटा. डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें क्या चाहिए? टू एन पाई चाहिए.
दैट मीन्स 3 थीटा इज 2 एन पाई. बच्चे थीटा की जो पॉसिबिलिटीज है वो है 2 एन पाई बाई 3. एन का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो आर्ग्यूमेंट है 0. 1 लिया 2 पाई बाई 3, 2 लिया 4 पाई बाई 3, 3 लेते 2 पाई आ जाएगा. यही चीजें रिपीट होंगी. दैट मीन्स यही तीन आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉड जेड एच 1. तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई पावर आई 0, 1 इंटू ई पावर आई 2 पाई बाई 3, 1 इंटू ई पावर आई 4 पाई बाई 3. ये हो गए हमारे कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन में डीलिंग हो रही है, यूलर फॉर्म पे बिल्कुल नहीं जाना है. बार बार कह रही हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड डीलिंग कार्टेशियन फॉर्म ही करेगा, मल्टीप्लीकेशन डिविजन रिलेटेड डीलिंग यूलर फॉर्म करेगा. फाइन, अब करते हैं. जेड हम क्या लेने वाले हैं, एक्स प्लस आई वाई. बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट. राइट साइड में आ जाते हैं, यह है 2x प्लस 2 आयोटा वाई. रियल को रियल के साथ कंबाइन कर दें, 2x प्लस 3 एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2y प्लस 1 ओवर. दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करें, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें. लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो क्लियरली ये जीरो होगा. सो 2y प्लस 1 इज 0, y इज माइनस हाफ. अब रियल पार्ट को आप इक्वेट करें y की जगह पे माइनस 1 बाई 2 पुट करते हुए, सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3. स्क्वेयरिंग करेंगे एंड x को सॉल्व करेंगे. This is 4x square plus 9 plus 12x. बच्चे x square plus 2x plus 1 plus 1 by 4. Overall एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 3x square, 12x है 2x है बच्चे 10x, 9 minus 1 that is 8, 8 minus 1 by 4 which is 31 by 4 is equal to 0. So values of x, minus b plus minus under root of b square minus 4ac which is 93 upon 2a. तो ये है minus 10 plus minus root 7 by 6. अब यहाँ पे गलती का बहुत चांस रहता है, एकदम ध्यान देना अच्छे से. आपने स्क्वेयरिंग की, जो स्क्वेयर रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो बहुत क्लियर है कि ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए. तो जो दो एक्स आपने कैलकुलेट किए हैं, चेक कर लो उनमें से कौन है जो इसे सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई नहीं करता उसे हम रिजेक्ट करेंगे. तो बताएं अगर एक्स ये है तो 2x क्या है, माइनस 10 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3. अब प्लस 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 9, सो विच इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3. अब चेक करो, माइनस 1 माइनस रूट 7 बाई 3 डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू, रिजेक्ट करो. माइनस 1 प्लस रूट 7 बाई 3 विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, तो वो एक्सेप्ट होगा. यहां ज्यादातर बच्चे टू सॉल्यूशंस कहेंगे लेकिन वो बिल्कुल गलत है. स्क्वेयरिंग प्रोसेस को ध्यान देना, वो सब चीजें चेक होती हैं. तो यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, ओनली 1, क्योंकि एक्स का दूसरा वैल्यू डिस्कार्ड होगा. क्लियर? नेक्स्ट, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड. कार्टेशियन फॉर्म इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ जेड, सो दैट विल बिकम 2x इक्वल टू, जेड की जगह पे x प्लस आई वाई ले रहे हैं, इन दोनों में जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस आयोटा, एंड जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई. अब देखो बच्चे, इस तरफ ऑलरेडी तीन टर्म्स है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना आप प्रीफर करोगे या आप इसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना प्रीफर करोगे, आपका चॉइस है. लेकिन दोनों से सेम ही रिजल्ट क्रिएट होगा. दिस इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट विच इज मॉड जेड स्क्वायर, जो कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 है. मच बेटर. अब दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, इधर है एक्स और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स और इधर इमेजिनरी पार्ट है 2xy. बच्चे दो अननोन दो इक्वेशन, इसी से हम बिगिन करना प्रीफर करेंगे. इसे इधर शिफ्ट किया, एक्स कॉमन लिया, 2y प्लस 1 इज 0. पॉसिबिलिटीज आइदर x इज 0 और y इज माइनस हाफ. अब ये दो केसेस हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं. तो अगर x का वैल्यू 0 है, पूरे में हमने x की जगह पे 0 पुट किया, माइनस वाई स्क्वायर इज 0 सो y इज 0, y की जगह पे माइनस हाफ हमने पुट किया सो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 विच इज 4x स्क्वायर, विच 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 4x माइनस 1. अब x को सॉल्व कर लें, x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 4 रूट 2 अपॉन 2a विच इज 8. 4 अगर हम कैंसिल कर दें बाय 2. बच्चे x के दो वैल्यूज है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस y, तो दो सोल्यूशन यहां से क्रिएट हुए, x प्लस आई वाई और एक सोल्यूशन यहां से जो कि 0. सो ओवरऑल 3 सोल्यूशंस. क्लियर? नेक्स्ट, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं. जेड कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई आयोटा टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई. बच्चे रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट विच इज x, दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं. आयोटा बाहर पहले से ही है तो ईस से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी पार्ट क्रिएट करेगा, आयोटा आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट क्रिएट करेगा. सो एक्स इज इक्वल टू
माइनस टू एक्स वाई, क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर माइनस वन क्रिएट करेगा, और इसमें अगर हम सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो एक्स इंटू टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक सिमिलर सही सिचुएशन क्रिएट हुआ है, एक्स इज जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ दो केसेस। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस वाई, राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक केस अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह पे जीरो हमने पुट कर दिया, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, एक तरफ हमने शिफ्ट किया, सो वाई के वैल्यू है जीरो और वन, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिला y इज आइदर जीरो और इस वन। उसी तरह से अब सेकंड केस में चलते हैं, y की जगह पे हमने माइनस हाफ पुट कर दिया ऑल थ्रू आउट, दिस इज हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर प्लस एक्स, फोर से हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, टू इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स, सो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री। अब यहां से x को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म में आएंगे, सो वो दो x और ये y को कंबाइन करके दो सोल्यूशन, और यहाँ दो सोल्यूशन, ओवरऑल फोर सोल्यूशन। This is equation solving part. Fine, next. If z1 is this, मतलब एक सर्कल पे लाइक कर रहा है जेड वन, जेड टू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी पहचान हमें नहीं है, राइट? तो इसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ मॉड्यूलस है, स्क्वेयरिंग कर दें, और बच्चे हमें पता है ये कोई रियल नंबर है, इसे ए कंसिडर कर लेते हैं, ये दूसरा रियल नंबर है बी कंसिडर कर लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, ओके? कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी क्या कहता है, मॉड जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वेयर इज मॉड जेड वन स्क्वेयर प्लस मॉड जेड टू स्क्वेयर माइनस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू माइनस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, यही है ना, एक्जैक्टली यही चीज अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट, मॉड जेड टू स्क्वेयर प्लस मॉड ए का स्क्वेयर व्हिच इज जेड टू प्लस वन का स्क्वेयर माइनस जेड टू कॉन्जुगेट इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट इंटू जेड टू, ए एक रियल नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो दैट इज जेड टू प्लस वन, एक्जैक्टली वही चीज अब राइट साइड में करते हैं बच्चे, इक्वल टू मॉड जेड टू स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, राइट? सो जेड टू माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, जेड टू कॉन्जुगेट जेड टू माइनस वन मॉड जेड टू प्लस वन, क्लियर है? जो कैंसिलेशन पॉसिबल है उसे कर लेते हैं, ये तो मॉड्यूलस में है इसे एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, तो ये हो जाएगा मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस मॉड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू कॉन्जुगेट इंटू वन प्लस वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू, और उसी तरह से ये होगा मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस वन माइनस जेड टू कॉन्जुगेट इंटू वन माइनस वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो ये है। फाइन बेटा, अब एक जैसे टर्म को हम साथ कर लेते हैं, बच्चे यहाँ पे ये माइनस है, ओके, ध्यान देना यहाँ माइनस है ना ओवरऑल हियर, तो ये वाला टर्म बच्चे कॉमन ले लेते हैं, उसी तरह से ये और ये हम कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, और यहाँ पे भी जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, मतलब ओवरऑल ये अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्विकली लेफ्ट हैंड साइड को देखें, जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट प्लस इसमें हमने कॉमन लिया जेड टू प्लस वन मॉड्यूलस विथ ए माइनस साइन, तो यहाँ कर देते हैं माइनस, एंड दिस इज जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, और बच्चे जो राइट हैंड साइड है ये टर्म बिल्कुल सेम है विथ ए माइनस साइन, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ इट, एंड हियर जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ जेड टू माइनस वन, परफेक्ट। अब सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, कॉमन टर्म जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट है, ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट हुआ, जेड टू माइनस वन मॉड प्लस जेड टू प्लस वन का मॉड माइनस टू इक्वल टू जीरो, बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स टू बी जीरो, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, अब देखते हैं इंडिविजुअली वो क्या हमें देते हैं, जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट इज ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ जेड टू, दैट मीन्स टू एक्स, टू एक्स इज जीरो, सो जो जेड टू का लोकेशन है वो कहाँ पे है बच्चे, एक्स इक्वल टू जीरो पे है, मतलब वाई एक्सिस पे है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या देता है, इस लोकस को अभी हमने एनालाइज नहीं किया है, इसके बाद हम उसमें आएंगे ज्योमेट्रिकल सिचुएशन पे, लेकिन ये चीज हम प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देखें मॉड जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू, इसका मिनिमम वैल्यू होता है ना बच्चे मॉड जेड वन माइनस जेड टू, और वो कब होता है जब जेड जेड वन एंड जेड टू के लाइन सेगमेंट पे लाई करे, राइट? तो आप बताएं इसका मिनिमम वैल्यू क्या टू है, इसका मतलब वी वॉन्ट वेन इज दिस मिनिमम, एंड दिस इज मिनिमम वेन जेड टू लाइज एनी वे ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस वन एंड वन, परफेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, इट इज पाथ ऑफ ए सर्कल बच्चे, और इसका सेंटर है 3.0 एंड इसका रेडियस है हाफ यूनिट, और जहां से हम इस जेड वन का डिस्टेंस लेना चाहते हैं वो है जेड टू, और जेड टू कहां लाई करता है, या तो वो वाई एक्सिस पे है और वो माइनस वन से वन के बीच में है, वन समवेयर हियर माइनस वन हियर, हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो बहुत क्लियर है इन सभी पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कल के क्लोजेस्ट है वो तो ये वाला पॉइंट है, तो हमें ये डिस्टेंस आंसर करना है, ये टोटल 3 यूनिट है, इसमें से ये 1 चला गया तो यह 2 यूनिट, 2 यूनिट में से आप रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, सो 2 माइनस 1 बाई 2, तो बच्चा आंसर इज
3/2. सिंपल. बहुत कुछ नए नए चीजें होंगी बहुतों के लिए, लेकिन अगर आप करोगे तभी तो आप एग्जाम के टाइम पे कर पाओगे. बच्चे प्रैक्टिस इज अ मस्ट. और किसी भी चीज को लेवलिंग नहीं करना है कि डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है. नो, वी डू नॉट हैव टू गेट इनटू ऑल दैट. वो सब चीजें यहाँ इफेक्ट डालती है. बच्चे एक बार किसी चीज को डिफिकल्ट बोल दो, वो डिफिकल्टी फील ही करवाती रहेगी, फिर हम उसे करने में उतने मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे. बस ये टारगेट लेके चलो कि मुझे हर हाल में हर चीज को परफेक्ट करना है. जो जो भी कमी इस बार रह गई है उन सबको हमें दूर करके रहना है. डन. नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन बेस्ट. बच्चे जेड पावर एन की डीलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या करना होता है, बेस को यूलर फॉर्म में लिखना होता है. तो जल्दी से बता दे, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है -1 + √3i. मॉड्यूलस वैल्यू क्या है? 2. आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. मॉड वाई बाय मॉड एक्स इज √3. टैन अल्फा इज √3. अल्फा इज π/3. सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस पाई बाई थ्री, विच इज 2π/3. और इसका पावर हमें चाहिए 21. एक एक को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो पावर इज 21, दैट विल मेक इट 2 power 21 into e पावर i, 42π/3. तो इसे मल्टीपल ऑफ पाई में सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 42 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, दिस इज 14. एंड इवन टाइम्स पाई, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है, राइट. सो e पावर 2n π इज 1, क्योंकि 1 यूनिट के डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में, राइट. तो डायरेक्टली लिखे, दिस इज 1. तो ये रह गया 2 power 21. अब आ जाओ डिनोमिनेटर, 1 - i होल पावर 24. बच्चा मॉड्यूलस वैल्यू √2. आर्ग्यूमेंट पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. मॉड वाई बाय मॉड एक्स इज 1. सो दिस इज -i π/4. होल पावर क्या है? 24 है. √2 power 24 इज 2 power 12. एंड दिस इज e power -i 6π. इवन टाइम्स पाई है बच्चे, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है. दिस वैल्यू इज 1. सो ये आ गया 2 power 12. एग्जैक्टली उसी तरह से 1 + √3i. मॉड्यूलस वैल्यू इज 2 एंड आर्ग्यूमेंट इज π/3. होल पावर हमें चाहिए 21. सो ये है 21, यहाँ है 21. 3 हुआ कैंसिल, दिस इज 7. ऑड टाइम्स पाई, ई पावर अयोटा ऑड टाइम्स पाई बच्चे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज -1. सो इट इज -2 power 21. एंड द लास्ट वन, इसे अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप इसका यूज यहाँ पे ले सकते हैं. ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और हमें पता है जेड एंड जेड कॉन्जुगेट जब हम यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या फर्क आता है? मॉड्यूलस वाले सेम रहता है, आर्ग्यूमेंट बिकम्स नेगेटिव, दैट्स इट. अब इसे हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना, 2 power 12 आया जो कि प्योरली रियल है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? सेम ही तो रहेगा, 2 power 12. अब हम इसको कंप्लीट करते हैं. 2 power 21 upon 2 power 12 - 2 power 21 upon 2 power 12. आंसर इज सिंपल है, डन. देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कैटेगरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 3. बस एक टाइप मैंने लिखा है, रैंडमली लिखा है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पास्ट ईयर्स में, तो सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना. इस तरह के इक्वेशन से हमें कुछ पता नहीं चलता. तो इमीडिएटली आप जेड को क्या लेंगे? x + iy. अब बच्चे रियल पार्ट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस इज x1 - x2 - y1 - y2, विच विल बिकम +y इक्वल टू 2. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, जो कि है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z, दैट इज 1/x + iy. सो z1/z2 के लिए आपको क्या बताया था बेटा? मॉड z2² z1 * conjugate of z2, विच इज x - iy. इसका हमें लेना है इमेजिनरी पार्ट एंड विच इज इक्वल टू 3. सो इमेजिनरी पार्ट इसका है -y/x² + y² एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो बच्चे x² + y² + y/3 = 0. ये आ गया वो पाथ. तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये है एक सर्कल. हमें पूछा गया नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. आप ज्योमेट्रिकली ग्राफ करके करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इन केसेस में बेटर है आप डायरेक्टली सॉल्व ही कर लें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगा. यहाँ वाई दो जगह है, एक्स एक ही जगह पे है, तो हम एक्स को ही रिप्लेस कर देते हैं. यहाँ पे पुट किया, दैट इज 4 + y² - 4y + y² + y/3 = 0. ये 4y² नहीं है, 4y है. ओके, सो वी हैव 2y² - 4y + y/3 एंड दैट विल बिकम -11y/3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 4. 3 से हम कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई, 6y² - 11y + 12 = 0. नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आप ले लो, दैट्स इट. डी क्या आ रहा है? b² (11 का स्क्वायर) - 4ac, दैट इज क्वाइट अ लार्ज नंबर. डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मीन्स नो कॉमन पॉइंट. नंबर ऑफ सोल्यूशन 0. फाइन, नेक्स्ट अब देखें. अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ज्योमेट्रिकल डीलिंग. बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल डीलिंग में.
ज्योमेट्रिकल पार्ट वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सर्कल रिलेटेड यू हैव स्टडीड, स्ट्रेट लाइन रिलेटेड यू हैव स्टडीड, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबका ज्योमेट्रिकल स्टडी आपने ऑलरेडी किया हुआ है. उसे जस्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेड. जेड का अपना कोई ज्योमेट्री नहीं है, ये है तो टू डायमेंशनल चीजें ही है ना. तो जो वो ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, जो चीजें वहां पढ़ी है, बस उन्हीं को हमें जेड में लिखना सीखना है, और अगर गिवन है तो उसे यूज में लेना है. राइट, सो फर्स्ट थिंग यूजिंग मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मीनिंग ऑलरेडी हमें क्लियर है. मॉड जेड मींस डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन. मॉड जेड वन माइनस जेड टू इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू. परफेक्ट. अब देखें सिर्फ इतने से पॉइंट को यूज करके क्या क्या कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं. फर्स्ट, मॉड जेड इज ए कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और आपसे पूछा जाए जेड का पाथ कैसा होगा, लोकस ऑफ जेड क्या होगा. लोकस मींस पाथ. ओके, तो ये जो जेड होगा ये किस तरह का होगा, ओरिजिन से जेड तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड रिमेन वन यूनिट ऑल थ्रू आउट. सो इट्स गोइंग टू बी सर्कुलर पाथ, और उस सर्कल का सेंटर कहां होगा, 0.0, रेडियस विल बी वन यूनिट. फाइन, अगर यही जेड माइनस समथिंग है इज इक्वल टू आर है, वी विल से दिस इज ए सर्कल हुज सेंटर इज एट जेड नॉट एंड रेडियस इज आर यूनिट. क्लियर, क्योंकि जेड ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जेड नॉट से ऑल थ्रू आउट आर ही रहना चाहिए. फाइन, तो अगर जेड प्लस वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू टू का लोकस पूछा जाए, पाथ पूछा जाए, आपको इमीडिएटली कहना है बीच में बच्चे माइनस साइन चाहिए डिस्टेंस की इंटरप्रिटेशन के लिए. ओके, तो हमेशा इस तरह से आप इसे प्रेजेंट करेंगे, माइनस ध्यान देना. नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस. फाइन, अगर यहीं पे इनइक्वालिटी आ जाता है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. अब हमें पता है इनइक्वालिटी का स्टडी हमेशा इक्वालिटी के हेल्प से की जाती है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन शुड रिमेन वन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर बाउंड्री. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन की बात की जाए, मतलब इस सर्कुलर बाउंड्री के किसी एक तरफ हम होंगे, या तो इंटीरियर साइड या एक्सटीरियर साइड. अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जेड का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वन या वन से लार्जर चाहिए. तो डिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो दूर जाना होगा हमें, दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट सर्कल का सर्कमफेरेंस एंड अलॉन्ग विथ इट द एक्सटीरियर रीजन ऑफ इट. ये हो गया दस. जब मॉड जेड लेस देन वन है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन शुड बी स्मॉलर देन वन, सो दैट विल रिप्रेजेंट द इंटीरियर पार्ट ऑफ इट. फाइन, उसी तरह से अगर यहां पे आ जाता है लेस देन इक्वल टू, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. क्लियर. नाउ अगर मॉड जेड इज इन बिटवीन वन एंड टू, इंक्लूसिव ऑफ वन एक्सक्लूडिंग टू, वट डज इट मीन. अगेन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन should be 1 or larger than 1, but it should be smaller than 2. देखें यहाँ ring like structure होगा ये. This is origin. Origin से जो z point का distance है वो 1 or larger than 1, मतलब इसके बाहर, but smaller than 2. यहाँ 2 included नहीं है, तो जो boundary होगी वो dotted form में होगी. Dotted means it is not included. And z can be anywhere here. Ring बनाता है ये. फाइन, उसी तरह से अगर जेड माइनस जेड नॉट पे भी ये चीज आ जाती है ना, लेफ्ट साइड में वन राइट साइड में टू, तो वही रिंग आपको क्रिएट करना है. जेड नॉट विल बी द सेंटर लाइक दिस. जेड नॉट सेंटर है, आर वन एंड आर टू जो भी लोअर एंड अपर वैल्यू आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आर टू. और अगर आर टू इंक्लूडेड नहीं है तो डॉटेड फॉर्म में आएगा. जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है वो बाउंड्री आपको डॉटेड फॉर्म में क्रिएट करनी है. दैट्स इट. राइट, नेक्स्ट देखें, बस इसी का शिफ्टेड फॉर्म है, जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस गोइंग टू बी सर्कल जिसका सेंटर कहां होगा बताएं, माइनस वन प्लस टू आयोटा. बिल्कुल साइन का ध्यान रखें, हमें यहां बीच में माइनस साइन का ही प्रेजेंस चाहिए अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं. क्योंकि अगर यहां प्लस है ना बच्चे, उसे आप डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. प्लस साइन के लिए भी आपको माइनस ऑफ माइनस जेड टू करना होगा, एंड देन विल से इट इज डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड माइनस जेड टू. फाइन, ये हो जाएगा एक्सटीरियर पोर्शन इंक्लूडिंग द सर्कुलर बाउंड्री, और ये है स्ट्रिक्टली द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सर्कल. इसी तरह से ये बन जाएगा रिंग जिसमें टू रेडियस वाला सर्कल डॉटेड फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा. राइट, नेक्स्ट केस देखें, बिल्कुल सेम ही आप देख सकते हैं. मॉड ऑफ टू जेड प्लस वन इज वन. हमें इंटरप्रिटेशन करना है अबाउट जेड, एंड जेड के बारे में स्टडी करने के लिए जेड माइनस समथिंग का मॉड हमें चाहिए. यहाँ टू जेड है, सो इमीडिएटली टू हमने कॉमन लिया, दैट इज जेड प्लस हाफ होल मॉड इज इक्वल टू वन. बच्चे इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ टू इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ. राइट, टू को अब हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, आ गया जेड का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस हाफ शुड बी हाफ यूनिट. सो इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट माइनस हाफ कॉमा जीरो एंड रेडियस इज हाफ यूनिट. फाइन, उसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो इस सर्कल का एक्सटीरियर पोर्शन इंक्लूसिव ऑफ द बाउंड्री, लेसर देन वन इंटीरियर रीजन. उसी तरह से जेड के साथ, सिर्फ ये ध्यान रखना है जेड के साथ जो भी है ना, टू है अयोटा है, बस उसे आप कॉमन लेंगे. एंड मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू हमें पता है, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू होता है, उसे फिर हम उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. देखें यहाँ वी हैव आई जेड प्लस
3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2. हियर आयोटा हमें जेड के साथ नहीं चाहिए. सो 3 बाई आयोटा एंड 1 बाई आयोटा इज माइनस आयोटा. सो कैन वी राइट इट एज माइनस 3 आयोटा एंड आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो यहां रह गया 1. इट इज 2. दिस इज आयोटा मॉड मॉड ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा प्लस 1. राइट मॉड ऑफ आयोटा बच्चे 1. तो इसका होना नहीं होना एक बराबर है. सो इट इज जेड माइनस माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2. तो बच्चे ये हो गया एक सर्कल जिसका सेंटर है माइनस 1.3 पे एंड रेडियस इज 2 यूनिट. क्लियर. नेक्स्ट देखें मॉड जेड माइनस जेड 1 इज मॉड जेड माइनस जेड 2. ज्योमेट्री पे चलते हैं. पी एक वेरिएबल पॉइंट है, ए एक फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, बी इज अनदर फिक्स पॉइंट, मतलब ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स. पी इज अ वेरिएबल पॉइंट. पी मूव्स इन सच ए वे दैट पी इज इक्वल टू पी बी. आप सबने पढ़ा हुआ है बच्चे दैट फॉर्म्स पाथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. अगर दो पॉइंट है और हम ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो इस तरह के सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे इट इज गोइंग टू फॉर्म पाथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस से क्रिएट होगा. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन ही यही होता है बच्चे, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो अगर हमें ये दिखे तो इमीडिएटली इंटरप्रेट करना है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू. फाइन. तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन लाइन है ना, तो अगर यहाँ इनइक्वालिटी साइन आ जाती है तो लीनियर इनइक्वेशन, और लीनियर इनइक्वेशन क्या देता है हमें, हाफ प्लेन देता है. तो ग्रेटर देन अगर है, ध्यान देना ग्रेटर देन है, इक्वालिटी नहीं है, उस केस में जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है, डॉटेड फॉर्म में लेना है. इक्वालिटी मतलब वो इक्वालिटी वाली बाउंड्री को हमें इंक्लूड नहीं करना है, और लेस देन और इक्वल टू के लिए वो सॉलिड फॉर्म में आपने ड्रॉ करना है. उसके बाद देखना है इसके कौन से तरफ वाला पोर्शन हमें एक्सेप्ट करना है इन आवर सॉल्यूशन सेट. बच्चे जेड का डिस्टेंस जेड टू से स्मॉलर होना चाहिए कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. तो जेड किसके तरफ होना चाहिए ये बताएं. ये दो लोग हैं, मैंने कहा हमें इसके पास रहना है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लोकेशन है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो अगर हमें बी के करीब आना है वी आर गोइंग टू मूव क्लोजर टुवर्ड्स बी, ए से दूर जाना है तो मूव अवे फ्रॉम ए. राइट. तो यहां आ जाएगा क्लोजर टू जेड. तो जेड टू वाला जो हाफ प्लेन है बच्चे वो हमारा सोल्यूशन सेट कंसिडर किया जाएगा. राइट. और इस केस में जेड वन के पास होना चाहिए. सो क्लोजर टू जेड वन दैट मीन जेड वन कंटेनिंग हाफ प्लेन हमारा सोल्यूशन सेट होगा. सिंपल. राइट. नेक्स्ट केस देखें, कुछ सिमिलर सा ही आपको दिख रहा होगा, इस तरह से लिखा हुआ मिले, या हम इसे इंडिविजुअली मॉड्यूलस कर सकते हैं ना, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं. दिस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड टू. इस तरह से कुछ हमें मिले, दोनों एक ही चीज है, लोकस क्या आएगा. वंस अगेन ज्योमेट्रिकली आपने पढ़ा होगा पी ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स, पी बी, पी ए बाई पी बी इज ए कॉन्स्टेंट. तो बच्चे अगर वो कॉन्स्टेंट वन है ना तो ये इस लोकस में कन्वर्ट हो जाएगा. उस केस में ये हमें देगा लाइन, और वो लाइन पर्टिकुलरली कौन सी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. अगर के का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन है बट इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, देन इन दैट केस इट विल ऑलवेज फॉर्म ए सर्कल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकस, बिल्कुल याद रख ले. तो अगर वो के हाफ है, 100 है, 1000 है, कोई भी वैल्यू है, पॉजिटिव है लेकिन वन नहीं है, इन दैट केस इट विल ऑलवेज जनरेट ए सर्कल. और उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस पे भी कई ओकेजन पे क्वेश्चन आए हैं, हाउ डू वी फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल. तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन ही एक्सप्लोर करते हैं. लुक एट, अगर आपसे पूछा जाए जेड माइनस वन मॉड अपॉन जेड माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू टू, वॉट डज इट रिप्रेजेंट एंड फाइंड सेंटर एंड रेडियस एंड वॉट एवर बी द क्वेश्चन. हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो आप इमीडिएटली जेड माइनस वन मॉड स्क्वेयर कर दें 4 टाइम्स जेड माइनस आयोटा मॉड का स्क्वेयर. परफेक्ट, दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग कर दी, क्रॉस कर दिया. अब इमीडिएटली आप एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर दो. वैसे तो जेड में भी हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हो सकता है, जो हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. आई हैव रिटन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ जेड. ओके, सो वहां से भी कंपेयर करते हुए आप आंसर कर सकते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल वेरी कंफर्टेबल डीलिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड उसे हमें जो कुछ भी पूछा जाए हम फाइंड कर सकते हैं. तो करते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, रियल पार्ट है एक्स माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट है वाई, सो वाई का स्क्वेयर. एंड हियर एक्स प्लस आई वाई बच्चे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वेयर. परफेक्ट, सिंप्लीफाई कर देते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई स्क्वेयर. बच्चे ये परफेक्ट स्क्वेयर को आप ओपन करेंगे तो माइनस टू वाई का प्रेजेंस बनेगा, माइनस एट वाई प्लस फोर. सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एट वाई प्लस थ्री. डन. अब ये इक्वेशन आपके लिए नया तो है नहीं, आपने बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, सो इट इज k
केस ऑफ ए सर्कल एंड उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस आपको निकालना आता ही है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, बच्चे सेंटर कहाँ होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज स्क्वेयर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आपको एक लिए यहां से फाइंड कर लें, टू जी इज टू बाई थ्री बच्चे, सो माइनस जी माइनस वन बाई थ्री माइनस एफ फोर बाई थ्री, ये हो गया सेंटर, रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट एंड दैट इज 17 माइनस 9 व्हिच इज 8, सो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9, सिंपल वर्क और बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं बच्चे, तो आप इस तरह से इसे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। और वही चीज यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में आप देख सकते हैं, अगर ग्रेटर देन है लेसर देन है लेसर देन इक्वल टू है तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इस सर्कल के हमें एक तरफ रहना होगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको करके बताऊं, सपोज ये लेस देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देखते हुए आप इंटीरियर पोर्शन इस तरह से कुछ भी जज मत करना, बस उस साइन को आप इस तरह से रिप्लेस करते जाएं। अब देखो हमने सभी टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट किया है, इस तरफ, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान से बिल्कुल रैंडमनेस फॉलो करोगे तो एक रैंडम सा ही कंक्लूजन आप एट द एंड दोगे, ओके, सो एकदम केयरफुली करना है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटीरियर पार्ट इंक्लूसिव ऑफ द बाउंड्री, डन। नेक्स्ट देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लोकस पी ए प्लस पी बी, सब पढ़ा हुआ है बच्चे आपने, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, और इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी हमें मिलेंगे, प्लस इन टर्म्स ऑफ जेड भी होंगे। तो इस लोकस के बारे में क्विक देखें, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू के, पी का पाथ क्या होगा, क्योंकि ए एंड बी फिक्स पॉइंट्स होंगे, के विल बी अ गिवन कांस्टेंट, तो पी का पाथ क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के, माइंड इट, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन ए बी है देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एन एलिप्टिकल पाथ, इफ के इज इक्वल टू ए बी देन इट विल बी द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। आपने एलिप्स जब किया होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉनिक सेक्शंस अब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकस है और इस पे एक्स एंड वाई पे भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, सो वी डिस्कस दैट पार्ट देयर। अगर के का वैल्यू लेस देन ए बी है, माइंड इट, देन इन दैट केस नो लोकस इज पॉसिबल, ऐसा कोई पाथ उस एक्स वाई प्लेन में हमें मिल ही नहीं पाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, इमीडिएटली हम देखेंगे क्या के ग्रेटर देन ए बी है, ए बी मतलब मॉड जेड वन माइनस जेड टू, इन दैट केस आर आंसर विल बी इट विल बी एन एलिप्टिकल पाथ। फिर आपसे पूछा जाता है उस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी बताओ, फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द एलिप्स, सो वी शुड बी एबल टू क्विकली फाइंड देम। अगर यहाँ इक्वालिटी है सो इट विल बी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू, फाइन। एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर, बच्चे आपसे पूछा गया फाइंड द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ एल आर, फाइन। तो ध्यान देना, जेड वन वन है, जेड टू थ्री है, मॉड जेड वन माइनस जेड टू टू है, के इज ग्रेटर देन मॉड जेड वन माइनस जेड टू, इट इज गोइंग टू बी एन एलिप्स। उस एलिप्स के लिए जो जेड वन एंड जेड टू होते हैं बच्चे, दे आर द फोकाई, माइंड इट, दे आर द फोकाई। दो फोकस हमें यहां से मिलते हैं जब कभी भी के ग्रेटर देन मॉड जेड वन माइनस जेड टू है, ये है फोकाई, और जो के है वो टू ए है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है। तो यहां से डायरेक्टली जब आप डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई करते हैं तो आपको टू सी मिलता है, जिसे आप टू ए ई भी लिखते हैं, विच इज डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दैट इज टू यूनिट। तो ए ई का वैल्यू हमें मिल गया आज वन, एंड ये है टू ए, दैट मीन्स ए का वैल्यू हमारे पास है आज टू। बच्चे ए को ए से डिवाइड करते ही आपको एसेंट्रिसिटी मिल जाता है जो कि है 1 बाई टू। अब हमें एल आर पूछा गया, लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम वी नो इज 2 बी स्क्वेयर बाई ए, राइट। इसमें हमारे पास ए का वैल्यू है, बी नहीं है, लेकिन जैसे ही ए बी एंड ई में से कोई दो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होता है हम तीसरा तो निकाल ही सकते हैं क्विक, यस। द रिलेशनशिप इज व्हाट, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर। तो अगर हमें बी चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली इसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसे इधर शिफ्ट किया, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ए एंड ई की वैल्यूज क्विकली यहां पुट कर देते हैं, ए फॉर अस इज टू एंड ई इज 1 बाई टू, सो इट इज 3। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें, ए इज 2, आंसर इज 3 यूनिट्स, क्लियर। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए यू विल बी एबल टू फाइंड। नेक्स्ट लोकस आप देखें, ये है पी ए और ये है पी बी, डिफरेंस इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। अगेन इस लोकस के बारे में भी आपने पढ़ा है हाइपरबोला में, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, क्या पढ़ा, इफ के इज लेसर देन ए बी देन दैट केस इट इज गोइंग टू बी ए हाइपरबोला, और हाइपरबोला के केस में ए एंड बी विल बी द टू फोकाई एंड के विल बी लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए। ध्यान देना, जो ए एंड बी पॉइंट्स है वो है फोकाई, एंड के का जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें देता है, राइट। अगर के का वैल्यू इक्वल टू ए बी है
देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू फॉर्म टू रेज. ध्यान देना ए एंड बी ये दो पॉइंट्स है, तो जो पी पॉइंट होगा ना बच्चे, ये लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के ऊपर होगा, लेकिन इंटीरियर पार्ट मिसिंग होगा, ओनली दिस टू रेज. ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स टू रेज फॉर्मड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. क्लियर? अब फोकाई गिवन है, ए गिवन है, तो आप एसेंट्रिसिटी वगैरह वही पूछा जाता है नॉर्मली, यू कैन वेरी इजिली फाइंड. क्लियर? नेक्स्ट देखें, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर. सर्कल है ये, क्लियर है. ये सर्कल का इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड्यूलस कैसे होता है, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा. यस, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी प्रॉपर्टीज मॉड जेड स्क्वेयर, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वेयर, जेड कॉन्जुगेट जेड नॉट, जेड जेड नॉट कॉन्जुगेट इज आर स्क्वेयर. परफेक्ट. इसमें जेड नॉट एक कॉन्स्टेंट है, जेड का पाथ हमें देखना है, तो इसे हम लिख लेते हैं जेड जेड कॉन्जुगेट. वैसे आप एज इट इज भी रहने दे सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, इन्हें हम एक साथ कर देंगे. देन वी हैव दिस पार्ट जो कि है माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट जेड नॉट, जेड जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस माइनस आर स्क्वेयर. फाइन, ये हो गया उसी सर्कल का इक्वेशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. यहां से अगर आप इन टर्म्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो आप जनरल इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन इन जनरल किस तरह का हमें दिखेगा. तो क्लियर है, जेड जेड कॉन्जुगेट वाला टर्म तो होना ही है, होना है, क्योंकि वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रेजेंस क्रिएट करता है और उसके बिगड़ तो सर्कल का इक्वेशन बन ही नहीं सकता. राइट, उसके बाद एक जेड कॉन्जुगेट वाला टर्म आएगा. लेट्स टेक ए के साथ आया, ए कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो जेड कॉन्जुगेट एंड जेड के कोएफिशिएंट्स है ना वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, आप देख सकते हैं. सो इट इज ए कॉन्जुगेट इनटू जेड एंड देन सम रियल कॉन्स्टेंट बी. ए कैन बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इज ए रियल नंबर. परफेक्ट. ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरह का दिखता है अगर वो कोई पाथ फॉलो करेगा तो सर्कुलर ही होगा. सर्कल के अलावा किसी और तरह का पाथ इस तरह का इक्वेशन हमें दे नहीं सकता. तो अगर ये एक सर्कल है तो इसका सेंटर एंड रेडियस का हमें पता होना चाहिए. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो आपको सेंटर एंड रेडियस का पता चल जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सर्कल है जिसका हमें सेंटर एंड रेडियस पता है और ये इन जनरल एक सर्कल है. दोनों को कंपेयर करें तो जेड कॉन्जुगेट का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस जेड नॉट है, और जेड नॉट इसका सेंटर है. दैट मींस ए इज माइनस जेड नॉट, सो जेड नॉट इज माइनस ए. तो जब कभी भी हमें जनरल इक्वेशन से सेंटर निकालना हो तो बस आपको जेड कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट लेना है और उसका साइन चेंज करना है डायरेक्टली. उसी तरह से रेडियस, रेडियस विल बी व्हाट, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर कर लें. आर स्क्वायर विल बी दिस माइनस बी एंड जेड नॉट फॉर अस इज माइनस ए. तो क्या आ गया बच्चे, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एंड माइनस ए का मॉड्यूलस लें या ए का मॉड्यूलस लें, एक ही बात है. इतनी सी चीज अगर आप याद रख सकते हो तो आप जनरल इक्वेशन पे स्ट्रेट अवे काम कर सकते हो. अगर नहीं याद रखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स एंड वाई में आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं. डन. जैसे अगर मैं करके आपको बताऊं, जेड जेड कॉन्जुगेट, वन प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट, वन माइनस आयोटा जेड, माइनस वन इक्वल टू जीरो. हमें पूछा गया क्या ये एक सर्कल है, सर्कल है तो इसका सेंटर एंड रेडियस आपको बताना है. हमने देखा जेड कॉन्जुगेट एंड जेड के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है एंड एक रियल कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर कोई लोकस बनेगा तो सर्कुलर ही होगा. तो देख लेते हैं इसे, सेंटर कहाँ होगा, जेड कॉन्जुगेट के कोएफिशिएंट में माइनस लगाना है, दैट्स इट. एंड रेडियस क्या होगा बच्चे, जेड कॉन्जुगेट के कोएफिशिएंट में मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है. सो दैट इज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू माइनस ऑफ द कॉन्स्टेंट, सो दैट इज प्लस वन. अब देख लें जो रेडियस है बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है. हो सकता था कि जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो, तो अगर नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो दैट मीन्स रियल फॉर्म में रेडियस तो एग्जिस्ट नहीं करता. तो इन दैट केस हम कहेंगे ये इक्वेशन कोई भी पाथ जनरेट नहीं करेगा. कोई इमेजिनरी सर्कल वगैरह यूज मत करना बच्चे, बहुत फनी हो जाएगा वो, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लोकस. लोकस मतलब एक रियल पाथ की ही बात हो रही है, ओके, जो एग्जिस्ट करेगा. इमेजिनेशन में सर्कल का क्या सेंस बनता है. इमेजिनरी नंबर हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम टू डायमेंशन में उसमें यूज में ले पाए, अदरवाइज उसका और कोई काम नहीं है. फाइन. तो ये हो गया सेंटर एंड रेडियस निकालने का प्रोसेस. अगर आप इसे एक्स एंड वाई में करते हैं तो देखो डायरेक्टली करना, स्मार्टली करना है. ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, जो कि मॉड जेड का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट एड होता है तो ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ वन हमें मिलता है. तो बस हमें इसका रियल पार्ट कंसिडर करना है और उसमें हमें ट्वाइस कर देना है. क्या आ जाएगा इसका रियल पार्ट, क्विकली एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू. बच्चे ये पूरा सिंप्लीफाई होकर इतना सा रह गया. अब देखिए क्या आप सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा हुआ. हियर माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर, रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. क्लियर? तो ये है जनरल इक्वेशन और इसका सेंटर है माइनस ए. जेड कॉन्जुगेट के कोएफिशिएंट में बस एक माइनस साइन आपको लगाना है, दैट्स इट. और ये जेड कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट स्क्वायर रूट.
अगर ये नॉन रियल आता है तो इट्स अ नो सच सर्कल, अदरवाइज ये लोकस हमेशा सर्कुलर ही होगा. क्लियर? नेक्स्ट, जैसे अभी हमने मॉड्यूलस रिलेटेड लोकस की बात की, एग्जैक्टली उसी तरह से अब आर्ग्यूमेंट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मीनिंग क्या है? एंगल दैट द वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू जेड सबटेंड्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यही होता है आर्ग्यूमेंट. तो अगर कहा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाई फोर, तो हमें क्लियर है ओरिजिन से जेड के डायरेक्टेड जो वेक्टर होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई फोर एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई फोर. सो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई फोर एंगल रोटेट कर देंगे एंड यू विल से दिस इज द रे. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देना और उस पे क्वेश्चंस बनते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे. ओके, क्या ये जो इनिशियल पॉइंट है ये इस लोकस का पार्ट होगा? ध्यान दे, इनिशियल पॉइंट जीरो है. आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये जो इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे है वो उस लोकस का पार्ट नहीं होगा. फाइन, एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन की बात की जाए, मतलब डायरेक्शन ऑफ वन पोजिशन माइनस द अदर, तो हमने पढ़ा है ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो होगा बच्चे ये जेड वन एंड जेड टू जेड टू के तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इफेक्ट करेगा. अगर आप जेड वन की तरफ डायरेक्टेड करते हैं ना बच्चे, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पाई एड या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा. राइट, तो इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, आप इसी तरह से उसे स्टडी करेंगे. डन. तो अगर कहा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन इज पाई बाई फोर, तो हमने देखा फाइनल है जेड, इनिशियल है वन, हमें इनिशियल एक कॉन्स्टेंट पोजिशन चाहिए ताकि हम उस वेक्टर को फ्रेम कर पाए. फाइनल से इनिशियल की तरफ थोड़ी आएंगे, इनिशियल टू फाइनल. सो जो वेरिएबल है वो हमेशा इस पोजिशन पे हमें चाहिए टू डिस्कस इट फर्दर. अब इनिशियल पोजिशन है 1,0, ये है 1,0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और जेड ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए कि जब हम 1,0 से उस वेक्टर को फ्रेम करें तो एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई फोर एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए. तो इमीडिएटली उस इनिशियल पोजीशन पे आप एक्स एक्सिस देखें, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसको रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई फोर एंगल. तो ये हो गया वो रे, इनिशियल पॉइंट कभी भी लोकस का पार्ट नहीं होगा और दूसरी तरफ इसे बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा. फाइन, अब इनकेस अगर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन नहीं होके आर्ग्यूमेंट ऑफ टू माइनस जेड, मतलब जो जेड है वो इस पोजिशन पे है, अब आप क्या करेंगे? हमें तो एनालिसिस के लिए जेड हमेशा इस जगह पे चाहिए, कांस्टेंट हमें इस जगह पे चाहिए. सो वी विल राइट इट एज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, उसका पोजीशन चेंज करने के लिए पाई बाई फोर, जो भी जेड का कोएफिशिएंट है उसे आप कॉमन ले लें. सिंपल वर्क. सो ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, एडिशन हो जाता है ना आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, एंड दिस इज जेड माइनस टू इज पाई बाई फोर. बच्चे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन इज पाई, इसे हमने इधर शिफ्ट किया तो वी गेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू इज माइनस थ्री पाई बाई फोर. अब हमें क्लियर है जो इनिशियल पोजीशन है वो 2,0 है हियर, एंड टर्मिनल पोजीशन जेड है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ माइनस थ्री पाई बाई फोर एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए. तो इस जगह पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को विजुलाइज करें और उसे थ्री पाई बाई फोर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें. ये हो गई वो रे, इनिशियल पोजिशन को एक्सक्लूड कर दें. सिंपल वर्क. राइट, अब देखते हैं इसका डीलिंग हम किस किस तरह से कर सकते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाई फोर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस फोर आयोटा इज पाई बाई थ्री, दैट मीन्स जो इनिशियल पोजिशन है वो 0,4 है और वहां पे आपने विजुलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई थ्री एंगल रोटेट कर दो, और ये आ गई वो रे, इनिशियल पोजीशन को एक्सक्लूड कर दो. फाइन, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस, ये है माइनस वन प्लस टू आयोटा, माइनस साइन ही हमें बीच में चाहिए, ध्यान देना. तो ये है इनिशियल पोजिशन, तो ड्रॉ करके देखते हैं. माइनस वन कॉमा टू यहां पे है, आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें चाहिए, और जेड का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पाई बाई सिक्स एंगल आप रोटेट करेंगे, पाई बाई सिक्स एंगल यहाँ पे, और ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसका जो पोजिशन होगा हम डॉटेड फॉर्म में मार्क करेंगे. वहां से लेके जो एक्स एक्सिस है कहां तक जा सकता है? पाई बाई थ्री. सो ये हो गया पाई बाई थ्री सॉलिड फॉर्म में. ये जो आर्ग्यूमेंट है इट कैन बी एनी वेयर इन बिटवीन, दैट मीन जो जेड की लोकेशन की बात हो रही है वो इन दो रे के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. फाइन, नेक्स्ट देखें, टू जेड है, हमें जेड के साथ कोएफिशिएंट वन ही चाहिए, टू को हमने निकाल दिया बाहर. फाइन, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ टू इज जीरो. तो क्या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस हाफ व्हिच इज जेड माइनस ऑफ माइनस हाफ. तो बच्चे जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे वो माइनस हाफ कॉमा जीरो है, जो कि यहाँ पे है. यहाँ पे आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को विजुलाइज करना है, पाई बाई सिक्स एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए वो डॉटेड फॉर्म में, फिर पाई बाई थ्री एंगल सॉलिड फॉर्म में, एनी वेयर इन बिटवीन. क्लियर है? नेक्स्ट देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू अयोटा शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन. क्या कह रहा है ये? जेड ऐसे पोजिशन पे होना चाहिए
जो जब टू अयोटा से कनेक्ट हो, ये है टू अयोटा से कनेक्ट हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है एग्जैक्टली वही एंगल क्रिएट होना चाहिए जब वन से ओरिजिनेट होते हुए जेड की तरफ की लाइन सेगमेंट हम क्रिएट करें. दैट मीन दोनों आज वेक्टर्स जो जेड पे टर्मिनेट हो रही हैं, टू आई एंड वन के रेस्पेक्ट में जब हम जेड तक पहुंचे तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. दैट मीन्स अगर जेड यहाँ है तो टू अयोटा एंड वन दोनों जेड के रेस्पेक्ट में सेम तरफ होना चाहिए एंड कोलिनियर होना चाहिए. वन यहाँ आ जाए सब चलेगा. तो अगर आप इसे एग्जैक्टली ग्राफ करके देखें, ये है वन, ये है टू अयोटा, इसको आप ज्वाइन करेंगे ना बेटा, तो जेड का लोकेशन कहाँ होगा इनके रेस्पेक्ट में. अभी हमने ये एनालाइज किया कि जेड के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट एक ही तरफ होना चाहिए. दैट मीन्स जेड या तो इधर होगा या जेड इस लाइन पे इस तरफ होगा. और यही सब डिटेलिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो अगर ये आपका एक लोकस दिया हुआ है और दूसरा एक सर्कल दिया गया जो कि यहाँ पे है और आप इसे एज ए लाइन कंसिडर कर लेते हैं, पूरी लाइन ले लेते हैं, तो आप टू आंसर देंगे. वेयर इज द आंसर इज जीरो. तो प्रॉपरली बिल्कुल करना है. एक और बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली इन जगह पे डिफाइंड नहीं होंगे. क्लियर? नेक्स्ट देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू सम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कुछ भी हमें गिवन है, क्या आएगा कंक्लूजन क्वेश्चन के फॉर्म में? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर. ओके, जब कभी भी आपको इस तरह का कोई लोकस दिखे, इमीडिएटली देखना है यहां जो एंगल है क्या वो एक एक्यूट एंगल है. अगर वो एक्यूट एंगल है तो आपको कहना है इट इज मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल, मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल. और अगर ये एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल है देन इन दैट केस इट विल बी माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, माइनर आर्क. ओके, एंड अगर ये पाई बाई टू है तो कंप्लीट सर्कल नहीं है, आंसर इज ओनली ए सेमी सर्कल. अब समझते हैं ऐसा क्यों. इसमें बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको नेचर ऑफ लोकस के साथ साथ उस लोकस का सेंटर एंड रेडियस भी पूछा जाता है. सब कुछ यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं. लुक एट, सबसे पहली बात तो ये आर्क ऑफ ए सर्कल क्यों जनरेट करेगा. लुक एट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से हम ज्योमेट्री को इंटरप्रेट कर रहे हैं. राइट, कोई नया ज्योमेट्री हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल जो स्टडी है उसे बस हम लर्न कर रहे हैं हाउ टू राइट इन टर्म्स ऑफ जेड. तो एक सर्कल को आप देखें, अगर इसके ऊपर दो फिक्स्ड पॉइंट्स है एंड जेड लेट्स टेक मेजर आर्क पे कोई पॉइंट है, क्या हमें ये पता है कि जेड मेजर आर्क पे कहीं पे भी हो तो ये जो एंगल है ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा. जेड बी एनी वे दिस एंगल विल बी द सेम. यस, तो अगर ये एंगल सेम है हम उसे लिखेंगे कैसे. तो देखें क्लियरली एंगल का डिस्कशन आप किस तरह से करेंगे. ये एज ए वेक्टर है, ये एज ए वेक्टर है. इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो भी एंगल क्रिएट कर रहा है, राइट, यहाँ पे आप देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मार्क लगा दें. फिर जो बाद में क्रिएट हुआ है उसका आर्ग्यूमेंट माइनस प्रीवियस वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट जेड वन माइनस जेड, दैट इज दिस एंगल थीटा, है ना. यही होता है ना आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन सेगमेंट कितना एंगल बना रही है. तो अगर पहले वाली कुछ एंगल बनाई थीटा टू एंड सेकंड वाली ने एंगल बनाया थीटा वन, हमें ये एंगल चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में कौन सा है, माइनस द प्रीवियस वन, तभी तो वो एंगल हमें पता चलेगा. सो दिस इज द वे दैट यू गोइंग टू स्टडी एंगल ऑलवेज. ओके, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड अपॉन जेड वन माइनस जेड. यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी आर्ग्यूमेंट रिलेटेड. क्लियर? तो अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो मेजर आर्क, एंड हमें पता है कि माइनर आर्क पे हमेशा एक ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट होता है और ये दोनों सप्लीमेंटरी एंगल होता है. सप्लीमेंटरी की तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन इन दैट केस माइनर आर्क. और अगर वो 90 डिग्री फ्रेम कर रहा है देन इन दैट केस सेमी सर्कल, या तो ऊपर वाला पोर्शन आएगा या नीचे वाला पोर्शन आएगा, एक ही डायरेक्शन का आएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है. करके देखते हैं जेड वन जेड टू जेड. आप देखें अगर हम इसका अपर वाला सेमी सर्कल लेते हैं ना बच्चे, तो विल से आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बाद में मिला है माइनस द प्रीवियस इज इक्वल टू पाई बाई टू. लेकिन अगर आप नीचे वाला हिस्सा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंगल को कभी भी डील करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाद वाला, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ हियर जेड वन माइनस जेड अपॉन जेड टू माइनस जेड, आप देख सकते हैं रिवर्स हो गया ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर. तो अगर 90 डिग्री गिवन है या तो अपर वाला आएगा या लोअर वाला आएगा, बट सेमी सर्कल ही आएगा, कंप्लीट सर्कल जनरेट नहीं होगा. क्लियर? ये हो गया हमारा स्टडी के अकॉर्डिंग जेड यहाँ पे आता है. अगर आप दोनों न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस फॉर्म. हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाता है लेकिन हम एनालिसिस इस फॉर्म से करते हैं.
तो ध्यान देना, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आप माइनस वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, सो नथिंग टू वरी। एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हो तो उस एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो काम अब आपको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू जनरेट। अब चलते हैं, ये जो लोकस आया है पार्ट ऑफ ए सर्कल है तो उसका सेंटर एंड रेडियस के डिटेल अब हमें चाहिए। एकदम ध्यान से करेंगे, जो क्वेश्चन हमने लिया वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। फाइन, अब जो न्यूमेरेटर में पॉइंट है आपने उसे लेफ्ट में मार्क किया एंड डिनोमिनेटर वाला राइट में आयोटा। हमें क्लियर है जो पाथ बनेगा वो एक मेजर आर्क क्रिएट होगा और वो नीचे की ओर क्रिएट होगा। जब भी आप न्यूमेरेटर वाले पॉइंट यहाँ डिनोमिनेटर वाला यहाँ, बिल्कुल ब्लाइंडली जो कोई भी ये आर्क जनरेट होगा वो नीचे की ओर ही जनरेट होगा क्योंकि जेड इन्वॉल्व हियर विल बी बिलो। तो अगर यहाँ पे थ्री पाई बाई फोर होता तो आप माइनर आर्क नीचे की ओर शो किए होते, अब ये मेजर आर्क बना रहे तो मेजर आर्क इस तरह से, ये है वो कंप्लीट सर्कल। फाइन, उसका ये वाला हिस्सा इसका लोकस है। अब हमें इसका सेंटर एंड रेडियस चाहिए। सिंपल वर्क, ध्यान से देखें, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, सेंटर लिया और हमें पता है मेजर आर्क पे पाई बाई फोर एंगल बन रहा है। यहाँ पे हर जगह अगर पाई बाई फोर एंगल बन रहा है तो सेंटर पे डबल एंगल क्रिएट होगा, और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, और ये एंगल हो जाएगा पाई बाई फोर और ये भी होगा पाई बाई फोर। जो एंगल यहाँ पे थीटा, यहाँ टू थीटा, तो दोनों तरफ थीटा एंड थीटा एंगल ही क्रिएट होगा। आप इन दोनों राइट ट्रायंगल में से किसी भी एक के साथ डील कर सकते हैं। लेट्स टेक, हम इस ट्रायंगल पे डील कर लेते हैं, ये है रेडियस। इमीडिएटली आप लेंथ ऑफ कॉर्ड ले लें, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज मॉड जेड टू माइनस जेड वन या मॉड जेड वन माइनस जेड टू विच इज रूट टू। तो बच्चे ये पार्ट कितना होगा, हाफ ऑफ इट, वन बाई रूट टू। अब आर निकालने के लिए आप इस राइट ट्रायंगल में बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। ये हाइपोटेनियस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, सो साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू अपॉन आर। ये है वन बाई रूट टू, ये इसे कैंसिल करता है, वैल्यू ऑफ आर इज वन। क्विक, एक ही स्टेप, रेडियस वी आर थ्रू विथ। उसके बाद अब बात आती है हाउ डू वी फाइंड द सेंटर। लेट्स टेक, हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं समथिंग जेड नॉट। ओके, अब हमें जेड नॉट फाइंड करना है और हम राइट ट्रायंगल का यूज लेंगे। तो बताएं इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट है विच विल बी जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। जो सेक्शन फॉर्मुला हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस एक्जैक्टली वही चीज, वन प्लस आयोटा बाई टू। राइट, सो सिचुएशन हमारा क्या बना है, ध्यान से बिल्कुल, ये है जेड नॉट जो हमें फाइंड करना है, ये एंगल है पाई बाई फोर, ये है वन प्लस आयोटा बाई टू एंड दिस इज वन राइट ट्रायंगल। अभी इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, उसके हेल्प से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी के लिए आप देखें यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री से डील करना इज द सिंपलेस्ट वर्क। तो अगर इस तरह से कभी भी 90 डिग्री हमारे पास क्रिएट हो रहा होता है, तीनों वर्टिसेस में से कोई एक अननोन है, तो आप उस पॉइंट पे चले जाएं और वहां से दो आर्म ओरिजिनेट हो रही हैं। ध्यान से, तो जो अननोन वाली आर्म है बच्चे फाइनल माइनस इनिशियल, इसको यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जगह ये वाला लेंथ, इस लेंथ को वैसे तो हम मॉड्यूलस के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं एल वन एंड एल टू लिख लेते हैं। इंटू ई पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ब्रांच, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना इंक्लाइंड है, तो उसको हम ले लेते हैं आज अल्फा। उसी तरह से सेकंड ब्रांच लिखते हैं दिस माइनस दिस, जो कि आ जाएगा वन माइनस आयोटा बाई टू, सिंप्लीफाई होके लेंथ है उसका एल टू इंटू ई पावर आयोटा इसका आर्ग्यूमेंट बीटा ले लिया। अब बच्चे इमीडिएटली आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते ही जेड नॉट माइनस वन प्लस आयोटा बाई टू अपॉन वन माइनस आयोटा बाई टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू। ध्यान से देखिए एल वन बाई एल टू इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वैसे तो ये राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये और ये इक्वल होंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन इन जनरल अगर ये कोई भी एंगल थीटा है ना तो एल वन बाई एल टू क्या आएगा, बी अपॉन पी विच इज कॉट थीटा। राइट, ये इन दिस केस इट इज वन इंटू ई पावर आई अल्फा माइनस बीटा। अब बताएं अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट, अल्फा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल पे है, बीटा क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल पे है। तो हमें दिस माइनस दिस करना है तो ये एंगल ही तो चाहिए, एंगल बिटवीन द टू आर्म्स एंड एंगल बिटवीन दोस टू आर्म्स इज 90 डिग्री और ये है आयोटा। ये इधर शिफ्ट करते हैं, जेड नॉट माइनस वन प्लस आयोटा बाई टू इज इक्वल टू आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा बाई टू। आयोटा अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस, अब इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो जेड नॉट कम्स आउट टू बी वन प्लस आयोटा। एकदम सिंपल वर्क है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये एक रॉ फॉर्म ऑफ डूइंग है। इसको अगर हम डायरेक्टली करते हैं ना वन स्टेप में, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें हम एंगल से डील कर रहे हैं और उस एंगुलर पॉइंट से दो आर्म ओरिजिनेट हो रही है, डेफिनेटली एंगल का डिस्कशन हो रहा है तो दो रेज तो है ही, तो आप इन्हें इमीडिएटली दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें एंड फाइनल माइनस इनिशियल करें, फाइनल माइनस इनिशियल।
आप किसी भी एक को न्यूमरेटर में दूसरे को डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स आप इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट, दोनों आर्म्स को, ओके, एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो व्हेन यू डिवाइडिंग देम, इट इज रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, जो दोनों का लेंथ है. लेंथ आपको पता है तो वो वैल्यू लिख लें, नहीं पता तो आप मॉड्यूलस के फॉर्म में लिख लें या L1 L2 के फॉर्म में लिख लें, ये आपका चॉइस है. इनटू ई पावर आयोटा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में कितना एंगल का मूवमेंट हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, थीटा एंगल, तो यहां पे आप प्लस थीटा लिखेंगे. अगर यही चीज, यही सिचुएशन में आई राइट Z2 माइनस Z0, इस आर्म को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया और इसे डिनोमिनेटर में. अब ध्यान देना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ये हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में कितना एंगल का मूवमेंट हो रहा है ये आपको देखना है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ अपॉन इसका लेंथ इंटू ई पावर आई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो माइनस थीटा हियर. बस इतना सा पॉइंट का आपको ध्यान रखना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. वही चीज अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं, देखें अननोन को हमें सॉल्व करना है तो उसे तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे. 1 प्लस आयोटा बाई 2 अपॉन ये वाला आर्म जो कि है 1 माइनस आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर लेंथ विच इज 1, नहीं तो कॉट थीटा होगा, वो क्लियर है. इंटू ई पावर आई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ पाई बाई 2, सो प्लस पाई बाई 2, ये आयोटा क्रॉस किया, जेड नॉट को सॉल्व कर लिया. क्लियर है ना? कई ओकेजन पे इस पे क्वेश्चन आए हैं बच्चे. देखो जे एडवांस का अगर मैं क्वेश्चन दूं, पॉइंट है 3 प्लस 4 आयोटा एंड इट सेज दिस इज सम पार्टिकल व्हिच इज एट 3 प्लस 4 आयोटा, इसको हमने ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 एंगल रोटेट किया, सो हियर इज द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल नाउ आफ्टर रोटेशन. सो सिचुएशन इज वॉट, ये है 3 प्लस 4 आयोटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 एंगल रोटेट कर दिया, तो इसका ये जो पोजीशन है ये क्या होगा, लेट्स कंसीडर दैट टू बी जेड, ये ओरिजिन है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया दो आर्म्स उस एंगल अपॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए. सो फाइनल माइनस इनिशियल जेड, फाइनल माइनस इनिशियल 3 प्लस 4 आयोटा, रेशियो ऑफ देयर लेंथ, क्योंकि हमने इसी को ही रोटेट किया है तो लेंथ तो सेम ही रहा, अदरवाइज क्वेश्चन हमें बता देगा कि क्या लेंथ है उसका, अकॉर्डिंगली विल राइट. इंटू ई पावर आई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सो इट इज प्लस 5 बाई 2 जो कि है आयोटा. सो जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये इधर क्रॉस हो रहा है, माइनस 4. कितना सिंपल वर्क है, ठीक है ना? रोटेशन की हमने बात की ही, तो एक और चीज आप यहाँ पे देख लें. लेट्स सपोज वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों वर्टिसेस Z1, Z2, Z3 है, ओके? हमें पता है एंगल्स है 60 डिग्री. तो एक पॉइंट पे अगर आप वही चीज अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, दो आर्म्स ओरिजिनेट हुई है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 विल बी रेशियो ऑफ देयर लेंथ, जो सारे इक्वल है तो इट विल बी 1. ई पावर आई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 3 एंगल, फाइन. अब e पावर i पाई बाई 3 जो है बच्चे, वो है cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3. अगर आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, फिर उसके साथ कंटिन्यू करना और उस तरह के सिचुएशन से डील करना उससे मच बेटर है, क्योंकि हर एंगल 60 डिग्री है. तो आप कोई और एंगुलर पॉइंट कंसिडर कर लें. लेट्स सपोज आई टेक दिस, तो यहां से दो आर्म ओरिजिनेट हुए हैं. कैन आई राइट दिस अपॉन दिस? सो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज रेशियो ऑफ देयर लेंथ, जो अगेन 1 है. इंटू ई पावर आई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज, राइट. अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वल है ना, सो दिस टू विल बी इक्वल. इन दोनों को इक्वेट करें, क्रॉस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. क्या हम इसे याद रख सकते हैं? वैलिड फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर आप इसे याद रखते हैं आप बहुत इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ बच्चे, एक पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देखो किस तरह से आया था. इफ ओरिजिन Z1 एंड Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ Z2 प्लस AZ प्लस B इक्वल टू 0. ये इस इक्वेशन के रूट्स है एंड दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमने इस रिलेशन को याद रख, ये हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड है. Z1 Z2 आज इट इज रहने देते हैं, Z3 को 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो जहां जहां भी Z3 हो टर्म तो हो गया वैनिश. हमें रिलेशन बिटवीन ए एंड बी पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस. तो क्विक आप बता दें, इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि Z1 प्लस Z2 इज माइनस है एंड Z1 Z2 इज बी, करेक्ट, सी बाई ए. यहाँ पे पुट करते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, कैन बी राइट Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, से इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो 3 Z1 Z2. बच्चे अब ये डायरेक्टली लिंक हो गए, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b, एज इट इज ऑप्शन में था, हमने याद रखा इसलिए हमने एक स्टेप में कर लिया. इस तरह से अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमें दो वर्टिसेस गिवन है, हमें Z3 को सॉल्व करना है, इमीडिएटली यहाँ पे पुट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Z3 क्रिएट होगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा बिगर कोई ज्यादा मेहनत के. क्लियर? नेक्स्ट देखें सेक्शन फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यूज करते हो बच्चे, एग्जैक्टली सेम Z1 Z2 इंटरनल डिविजन हो रहा है m is to n ratio में, तो जो पॉइंट आएगा दैट विल बी mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा तो माइनस माइनस, दैट्स इट. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल,
जो कुछ भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो ना बच्चे, वो सब पोज, क्योंकि ये भी तो कोऑर्डिनेट्स ही है ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री. सो इट विल बी 1/4 आयोटा, 1 1 1, जेड वन जेड टू जेड थ्री, जेड वन कॉन्जुगेट, जेड टू कॉन्जुगेट, जेड थ्री कॉन्जुगेट. इनकेस अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट. क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप फिर से देख लें. जेड नॉट पे रोटेशन हो रहा है, ये जेड वन है, ये जेड टू है, तो यहां से दो आर्म्स ओरिजिनेट हो रही है. लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे किसी भी एक आर्म को न्यूमेरेटर में दूसरे को डिनोमिनेटर में, तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी आपने डिवाइड किया यहां पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके लेंथ, सो दैट मीन्स दिस मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस इंटू ई पावर आई. डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस थीटा. दैट्स इट. नेक्स्ट देखें इसका मीनिंग क्या है. SS तो बच्चे आप क्रॉस करते हुए जेड को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसे अगर आपको एज इट इज डील करना है तो आपको टू गिवन है, आप इसे यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं. या माइनस थ्री है तो माइनस साइन को हटाएं, क्योंकि आर कंसिडर करना जो पॉजिटिव होना चाहिए, और इसे आप आयोटा की जगह पे ई पावर आई पाई बाई टू लिख सकते हैं. तो अगर आपको आज इट इज इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना है तो आपको क्लियर है इसका जो लेंथ है वो टू यूनिट का है और इसका आर्ग्यूमेंट जीरो है, आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े तो. ओके, नेक्स्ट देखें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, जेड वन एंड जेड टू से पासिंग इक्वेशन ऑफ लाइन. जेड बी ए वेरिएबल पॉइंट, हमें जेड के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो जेड इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है. सो कैन वी राइट बच्चे जेड बी एनी पॉइंट, कहीं पे भी मैं मार्क कर लेती हूँ इसे. तो एक वेक्टर जेड एंड जेड वन हमने लिया, दूसरा हमने जेड टू एंड जेड वन लिया, उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, क्या वो जीरो और पाई ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है? जीरो कब होगा? जब जेड एंड जेड टू जिस तरह से हमने लिखा है, ओके, हमने जेड वन के रिस्पेक्ट में लिया है ना, सो जेड वन से ये जो दो एंड पॉइंट्स कनेक्टेड वो सेम तरफ हो, और दूसरा अगर जेड हमारे पास यहां पे है तो इन दैट केस ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में जो एंगल आ जाएगा वो पाई आएगा. अगर हम तीन कोलिनियर पॉइंट का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट किसी एक पॉइंट से बाकी दो को ज्वाइन करते हुए जो आर्म्स क्रिएट हो रहे हैं उनका डिवीजन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जीरो या पाई ही तो होगा. और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट जीरो या पाई है, वो रियल एक्सिस पे होता है, इसका मतलब वो प्योरली रियल होता है. सो कैन वी इवन से फ्रॉम हियर दैट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज सम रियल नंबर? तो ये इक्वेशन ऑफ वही लाइन है इन डिफरेंट फॉर्म्स, आप ध्यान देना, ये आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में हमने लिखा, ये एक रियल पैरामीटर के हेल्प से हमने लिखा. थर्ड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है क्या वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू इस कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लो दोनों तरफ बच्चे, दिस जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट, राइट? सेम लाइन रिटन इन दिस फॉर्म. अब आप इसे क्रॉस कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, जेड के साथ ये आ गया एंड देन माइनस जेड वन के साथ जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट के साथ, क्योंकि जेड हमारे लिए वेरिएबल पॉइंट है तो उसको हमने अलग लिखा है, बाकी जेड वन एंड जेड टू तो कॉन्स्टेंट है, ये इसके साथ आ गया बच्चे माइनस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू माइनस जेड वन. अब हम इस इक्वेशन को इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि बन जाता है जेड टू कॉन्जुगेट जेड वन कॉन्जुगेट, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस जेड कॉन्जुगेट जेड टू माइनस जेड वन, माइनस जेड वन जेड वन कॉन्जुगेट दोनों के पास है, हम उसे कैंसिल कर देते हैं, फिर इधर ये शिफ्ट हुआ तो जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू माइनस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो. फाइन, तो हमने यही सेम लाइन की इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिखना सीखा. अगर हम लाइन की बात करें तो हमें जनरल इक्वेशन का भी पता होना चाहिए. अब बच्चे ये बताओ, क्या ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का क्रिएशन होता है. यहां पे भी वही चीज है, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में आयोटा का प्रेजेंस है, और लाइन की इक्वेशन मतलब रियल लाइन है ना, उसमें कोई आयोटा का प्रेजेंस तो होता नहीं ना इक्वेशन में. तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, जेड इंटू कोएफिशिएंट के साथ आयोटा रखते हैं, ओके, सो आयोटा जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट एंड देन प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा. ध्यान से देखना, मैंने माइनस साइन को भी उसी के साथ इंक्लूड कर दिया, जेड टू माइनस जेड वन एंड देन आयोटा टाइम्स ऑफ दिस. ये तो कोई कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट है, प्योरली इमेजिनरी है, एक और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बच्चे कोई कॉन्स्टेंट ही क्रिएट करेगा, तो हम उसे के कंसिडर कर लेते हैं. फाइन, और ये रियल है, ध्यान रखना है. अब इस इक्वेशन को आप देखें, क्या जेड का जो कोएफिशिएंट है और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? बिल्कुल, ध्यान से, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, दो बार कॉन्जुगेट जेड टू, दो बार कॉन्जुगेट ये. क्लियर? तो जनरल इक्वेशन क्या आ गया, जेड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जेड कॉन्जुगेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट है प्लस ए रियल कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो. अब जेड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ए कॉन्जुगेट ले सकते हैं, लेकिन हमें एक सिमेट्रिक सा चीज देखना पसंद आता है तो इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं. ए तो कोई रैंडम सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू राइट.
जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरह का हमारे सामने रख दिया जाए, जेड जेड कॉन्जुगेट है, दोनों के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और ये कॉन्स्टेंट रियल कॉन्स्टेंट, ध्यान देना, ओनली देन दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अब लाइन के रिलेटेड आपको वेरियस चीजें पूछी जा सकती है, स्लोप निकालो, डिस्टेंस पे पॉइंट निकालो. तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ नहीं करना, जैसे आपको दिया गया इस इक्वेशन रिलेटेड आपको कुछ निकालने के लिए कहा गया, तो अब आप इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर आ जाएं. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इन दोनों का जो समेशन आएगा दैट विल बी टू टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दिस. और इसका रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू. ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये बन गया प्लस टू. कितना सिंपल है बच्चे, इसके आगे आपको जो भी करना है आप एक्स एंड वाई में करना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहीं पर आप लीव कर दे. फाइन, नेक्स्ट देखें कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. चार पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप होगा. हमें पता है कि अगर हम एक कॉर्ड लेते हैं और जेड थ्री एंड जेड फोर उसके रेस्पेक्ट में सेम तरफ है, देन दैट इज दिस एंगल आर इक्वल. तो ये जो एंगल है दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आए लेटर माइनस द प्रीवियस, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड टू. डायरेक्टली लिखना सीखे बच्चे, एंगल की बात हो रही है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द लेटर पोजीशन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रीवियस पोजीशन, एंड आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिवीजन. तो ये हमने लिख दिया. उसी तरह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखें, दिस दिस इसको न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में, दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड फोर अपॉन जेड वन माइनस जेड फोर. इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे इधर शिफ्ट करें एंड इक्वल टू जीरो. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन दिस, जो कि जेड टू माइनस जेड थ्री जेड वन माइनस जेड फोर अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री जेड टू माइनस जेड फोर इक्वल टू जीरो. तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए. क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इस तरह के. फाइन, अब चलते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी पे. सबसे पहले nth रूट्स की हम बात करेंगे. n का वाले 3 हो जाएगा तो क्यूब रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नॉर्मली हम क्यूब रूट्स पहले करते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू बिगिन विद द nth रूट्स. nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 पावर 1 बाई एन की बात हो रही है. जिस प्रोसेस से हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं उसी प्रोसेस से आप nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ आ जाते हैं क्वेश्चंस. ओके, तो प्रोसेस ऑफ डीलिंग को बिल्कुल ध्यान दें. जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है आप उसे यूलर फॉर्म में लिखें. तो 1 का मॉड्यूलस वैल्यू 1 है, आर्ग्यूमेंट है 0. बस उस आर्ग्यूमेंट को आपको जनरलाइज करके लिखना है. तो अगर कोई थीटा है उसको जनरलाइज करके लिखेंगे. एन ऑलरेडी यहाँ यूज हुआ है तो 2n पाई यूज नहीं करना, 2k पाई हम ले लेते हैं. सो इट विल बी 2k पाई फॉर अस पावर 1 बाई एन. अब nth रूट्स की बात हो रही है तो n डिफरेंट वैल्यूज विल बी देयर, उनके वैल्यूज हमें चाहिए. अब देखें k हियर इज एनी इंटीजर, 1 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज द सेम थिंग. तो क्या ये e पावर i 2k पाई बाई n बन गया. n इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो क्वेश्चन हमें देगा क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, जो भी है n इज कॉन्स्टेंट एंड k इज एनी इंटीजर. सो k का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, विल प्रीफर टू बिगिन फ्रॉम जीरो. k की जगह पे अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1. k आज 1 e पावर i 2 पाई बाई n, k आज 2 e पावर i 4 पाई बाई n. तो आप देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ क्रिएट होता है वो gp है. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो e पावर i 2 पाई बाई n है. तो अगर आप इसे अल्फा कंसिडर करते तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब लाइक दैट. एंड nth रूट है तो n डिफरेंट वैल्यूज विल बी क्रिएटेड. इसका मतलब k का वैल्यू अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो n माइनस 1 तक ही लेके जाएं, क्योंकि अगर आप n लेते हैं तो यू विल रिपीट दिस फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि यही सेट ऑफ वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होते हुए हमें मिलेंगे. अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो n तक जाओ, 2 से स्टार्ट करते हो तो n प्लस 1 तक जाओ. मतलब k की आपको n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज कवर करना है. हमारा प्रेफरेंस हमेशा 0 से बिगिनिंग पे ही रहेगा, कि सिंपल टू यूज, राइट. अब देखें ये लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा. k का वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया है तो n माइनस 1 तक लेंगे. सो 2 पाई बाई n n माइनस 1 टाइम्स. ये होगी हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए, n का वैल्यू है 3. सो फर्स्ट इज 1, सेकंड इज e पावर i 2 पाई बाई n, n की जगह पे 3. अब इस एंगल को बस हमें 2 पाई इंक्रीज करते हुए जाना है जितना वैल्यू हमें चाहिए. क्यूब रूट है तो 3 ही वैल्यू, तो बस इतना ही हमें लिखना है. अगर हमें फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए तो 1 e पावर i 2 पाई बाई 5, e पावर i 4 पाई बाई 5, e पावर i 6 पाई बाई 5 एंड e पावर i 8 पाई बाई 5. 5 वैल्यू लेना है, रुक जाना है. ये प्रोसेस आप हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. आपको उसे यूलर फॉर्म में लिखना है, आर्गुमेंट को जनरलाइज करना है, k के उतने ही वैल्यूज आपको कंसीडर करना है जो n है, राइट. अब देख ले क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स तो वैसे तो यूलर फॉर्म में हमारे सामने ऑलरेडी है, लेकिन क्यूब रूट की अगर बात हो रही है, छोटा पावर है, तो हम उसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी डील कर सकते हैं. जेड क्यूब माइनस 1 फैक्टराइज कर लें पॉलिनोमियल फॉर्म में, आप इस इक्वेशन को हैंडल कर लें. रूट्स आ जाएंगे, यहां से रूट आ गया जेड इज 1. इसे सॉल्व करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बच्चे,
रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ये है वो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कार्टेशियन फॉर्म में, वही चीज यहाँ पे यूलर फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया है. सो वन माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, माइनस वन प्लस रूट थ्री अयोटा बाई टू. ध्यान से देख ले और याद ही रख ले इन वैल्यूज को बच्चे, बहुत जरूरत पड़ती है इनकी हमें. कार्टेशियन फॉर्म में हम प्रीफर करते हैं इन वैल्यूज को, यूलर फॉर्म में तो डायरेक्ट पैटर्न है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये आप याद रखेंगे, इसमें एक रियल है और दो नॉन रियल है. अगर आप नॉन रियल वैल्यूज को देखें तो क्लियर है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है. अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल ये आएगा. बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर एंड बोथ आर स्क्वेयर्स ऑफ ईच अदर. अगर आप इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये मिलेगा, इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये मिलेगा. इंटरेस्टिंग. तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को ओमेगा कंसिडर करें तो दूसरा ओमेगा स्क्वेयर बन जाएगा. ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको इसे ओमेगा लेना है या इसे ओमेगा लेना है. दोनों में से किसी भी एक को अगर आप ओमेगा की तरह ट्रीट करते हैं तो दूसरा हम ओमेगा स्क्वेयर लिखेंगे. फाइन. अब ओमेगा रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है ध्यान देना, अगर आप इन तीनों को एड करते हैं इट विल ऑलवेज गिव अस जीरो. अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दैट विल ऑलवेज गिव अस वन. और भी बहुत कुछ इसमें है, उस लिस्ट पे अभी हम चलते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी देखें. द एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन एन यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन. क्या मतलब हुआ, अगर आप एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिया फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ई पावर आई सिक्स पाई बाई फाइव, ई पावर आई 8 पाई बाई फाइव, सभी का मॉड्यूलस वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ओरिजिन से सभी के सभी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे लोकेटेड है. 1, 0 ये तो एक्स एक्सिस पे है. सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पाई बाई फाइव एंगल पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, राइट. सो 2 पाई बाई फाइव हियर 72 डिग्री, फिर इसका डबल हो गया यहां. ये एंगल्स को ध्यान देना इक्वल है ना, 2 पाई बाई फाइव 2 पाई बाई फाइव 2 पाई बाई फाइव, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना तो ये एक रेगुलर पॉलीगन ही क्रिएट करेगा. 5 पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू फॉर्म ए रेगुलर पेंटागन. फाइन. सो अगर एन पॉइंट्स आ दिए इट विल फॉर्म ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन एन यूनिट सर्कल, क्योंकि ये एक सर्कल ही तो है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है एंड रेडियस 1 यूनिट है. ये सभी का मॉड्यूलस वैल्यू 1 है ना. यस. एंड सम ऑफ द एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर आप उन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी को, फर्स्ट तो 1 है ना, देन अल्फा 1 अल्फा 2, अगर हम जस्ट नेमिंग कर देते हैं अल्फा एन माइनस 1, तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव अस 0. आप वो सम ऑफ ए जीपी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट याद रखें. एंड देन द प्रोडक्ट माइनस 1 पावर एन माइनस 1, दैट मीन्स अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो एन 3 है तो माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बिकम प्लस 1. अगर एन इवन है दैट विल बिकम माइनस 1, प्रोडक्ट विल बिकम माइनस 1. अगर एन ऑड है प्रोडक्ट विल बिकम प्लस 1, ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी सभी का पावर m कंसिडर करते हुए एड करते हैं और वो m एक मल्टीपल ऑफ n है तो ये n देगा. अगर वो m मल्टीपल ऑफ n नहीं है वैल्यू विल बी 0, बिल्कुल क्लियरली याद रखना है. नेक्स्ट, 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन माइनस 1 है ये इस nth रूट्स के ये वाले वैल्यूज है 1 को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज है. तो इन दैट केस दिस वैल्यू विल बी एन एज इट इज, याद रख लो. देन 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2, अगर ये 1 नहीं है कोई और वैल्यू है तो आप उसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेशन का प्रोसेस देखना, जब हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. डज इट मीन जेड पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0 की बात हो रही है, राइट. इट इज अ पॉलीनोमियल और इसके रूट्स हमें पता है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं. 1 इज अ रूट, सो जेड माइनस 1 इज अ फैक्टर. जेड माइनस अल्फा 1, जेड माइनस अल्फा 2, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स. जेड माइनस अल्फा एन माइनस 1, अभी दोनों पॉलीनोमियल्स इक्वल है. अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो पुट कर दो, जेड की जगह पर 2 पुट कर देते हैं दोनों तरफ. 2 पावर एन माइनस 1 ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन. तो इसका वैल्यू आ गया आज 2 पावर एन माइनस 1. अगर हमें 3 प्लस अल्फा 1 इस तरह से चाहिए, हमारे पास यहाँ पे माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, हमें प्लस अल्फा 1 ये चाहिए. तो अब हम वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे कि यहाँ 3 है ना तो माइनस 3 पुट करेंगे ताकि ओवरऑल सब में से माइनस 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 कॉमन आ जाए और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए. सो जेड आज माइनस थ्री माइनस 1 विच इज माइनस 4, माइनस 3 माइनस अल्फा 1. ध्यान देना माइनस साइन ओवरऑल कितनी बार क्रिएट होगा, जितने फैक्टर्स है और कितने फैक्टर्स है, एन फैक्टर्स आ दे. सो माइनस 1 पावर एन इंटू 4, 3 प्लस अल्फा 1, 3 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन. तो ये आ जाएगा आज दिस अपॉन दिस, सिंपल वे ऑफ डीलिंग. अब आगे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तीनों का सम जीरो है तो अगर हम 1 प्लस ओमेगा लिखते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. ओमेगा क्यूब 1 होता है, दैट मीन्स ओमेगा पावर 3 के, क्योंकि इसमें अगर हम पावर के ले लेते हैं दोनों तरफ दैट विल रिमेन 1, दैट मीन्स ओमेगा का 3 का मल्टीपल पावर विल ऑलवेज जनरेट 1 एंड ओमेगा पावर 3 के प्लस 1 विल गिव अस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा पावर 3 के तो 1 है ना. सो दैट इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा की अगर आप तीन कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को एड करते हैं, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में हमेशा एक 3 के टाइप का होता है, एक 3 के प्लस 1 एक 3 के प्लस 2, तीनों का सम मतलब इनका सम जो कि 0 आएगा, रिमेंबर. ओमेगा
ओमेगा क्यूब वन होता है, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही है ना ओमेगा क्यूब, ये वन है. तो अगर हमें ओमेगा चाहिए तो हम वन बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को हम वन बाई ओमेगा लिख सकते हैं, फाइन. और हमने ये भी देखा कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, दैट मीन्स अगर ओमेगा कॉन्जुगेट को डिस्कस करना हो तो आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर के कॉन्जुगेट को आप ओमेगा लिख सकते हो. एंड दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड, वही रेगुलर पॉलीगन की हमने बात की ना, तो ये थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल वही चीज. नेक्स्ट देखें, कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये वाला इक्वेशन का डिस्कशन होता है, तो इमीडिएटली आपने इसके रूट्स लिख देना है एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अगर ये एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया है, आप देखें माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उस केस में इसके रूट्स आ जाएंगे इसके नेगेटिव, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्ट्रेट अवे लिखना है. ओके, कुछ क्वेश्चन आप देखें, माइनस एट का क्यूब रूट, तो बच्चे माइनस एट का क्यूब रूट तो है माइनस टू, एंड वन का क्यूब रूट आप इस तरह से इसे डील करेंगे. ओके, वन का क्यूब रूट हमें पता है तीन वैल्यूज है, तो ये हो गया माइनस टू ओमेगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर लाइक दिस. इसे माइनस टू के फॉर्म में लिखा तो हमने बस एक वैल्यू का कंफर्मेशन किया यहां से, फिर क्यूब रूट ऑफ वन लेते हो हम, ऑल थ्री वी कैन फ्रेम क्विक, फाइन. नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ सच इक्वेशन, तो आप इसे x प्लस वन होल क्यूब लिख सकते हैं, इस नाइन को वन प्लस एट करते हो, एट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज माइनस एट. अब x प्लस वन इज क्यूब रूट ऑफ माइनस एट बचे, और जो हमें ऑलरेडी निकालना आता है दिस इज x प्लस वन, तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस थ्री माइनस टू ओमेगा माइनस वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन लाइक दिस. अब देखें कुछ क्वेश्चन, इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, इसका मतलब यह है कि जेड इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कोई भी एक वैल्यू ले लें, ओमेगा ले लेते हैं, तो ओमेगा पावर एन प्लस माइनस वन पावर एन वन बाई ओमेगा पावर एन होल स्क्वायर समेशन एंड देन मॉड्यूलस वैल्यू, एन के वैल्यू से बचे वन से फिफ्टीन, एक एक वैल्यू पुट करते हैं, एन आज वन, क्या मिला ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई ओमेगा माइनस वन पावर वन, है ना. नेक्स्ट आएगा ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल बी विथ प्लस साइन, एंड बचे वन बाई ओमेगा स्क्वायर, हमने पढ़ा है ओमेगा होता है, आप यहां पर भी वो काम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टर्म विल बी ओमेगा क्यूब जो कि है वन, एंड माइनस वन क्यूब बचे वो माइनस साइन आ जाएगा, और वन बाय ओमेगा क्यूब भी वन होगा, तो वो हो गया जीरो. अब लिखते हैं नेक्स्ट थ्री, ओमेगा पावर फोर जो कि होगा ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये होगा वन बाय ओमेगा जो कि है ओमेगा स्क्वायर, बस यहाँ साइन चेंज हो गया, ध्यान देना. फिर नेक्स्ट ओमेगा पावर फाइव जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर, जब तक हमें ग्रुप ऑफ टर्म रिपीट होते हुए नहीं मिल जाता तब तक आपको टर्म्स लिखने होंगे. नेक्स्ट आप देखें ये हो गया बिल्कुल, यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, एंड इसके बाद वाला ओमेगा पावर सिक्स प्लस, सो इट इज वन प्लस वन टू का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में है. ओके, इसके बाद का अब आप देखें ओमेगा पावर सेवन, ये होगा ओमेगा, ये ऑड पावर है तो माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर, ये रिपीट हो गया. ओमेगा पावर एट को देखें सेम थिंग, ओमेगा पावर नाइन सेम थिंग, अब क्लियर हो गया यही सिक्स टर्म्स का ग्रुप है जो रिपीट होगा. ओमेगा के डीलिंग में जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे रिपीटेशन आना ही है आना है, सिर्फ आपको ये देखना है कितने टर्म्स का वो ग्रुप है जो रिपीट हो रहा है, दैट्स इट. अब आपके पास टोटल 15 टर्म्स, तो क्लियर है ये सिक्स टर्म्स का जो ग्रुप है ये दो बार आएगा, तो मैं इसे कर देती हूँ ट्वाइस, प्लस थ्री टर्म्स बचे, अब थ्री टर्म्स एक्स्ट्रा है, और थ्री टर्म्स भी इसी ऑर्डर में ही आएंगे, मतलब एग्जैक्टली यही चीज अब आपको रिपीट करना है, राइट. आपको एक इसे कंप्लीट करते हैं एंड मॉड्यूलस वैल्यू हमें लेना है. ओके, अब देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या देता है बच्चे हमें, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फोर होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर जो कि है ओमेगा, और वही चीज इसके लिए, तो हम इसे कर देते हैं बच्चे फोर टाइम्स, और ये हमारे पास फोर, और ये है ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, परफेक्ट. हमें इसका मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए, गो अहेड. ये है बच्चे माइनस वन, तो ये हो गया पूरी तरह से कैंसिल, ये है माइनस वन, तो ये माइनस टू का मॉड जो कि है टू. कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आनी है, फिर से बोल देती हूँ, ओमेगा रिलेटेड सीरीज वाली अगर आप डीलिंग कर रहे हैं तो रिपीट होने ही होने, सिर्फ आपको ये देखना है कौन सा वो ग्रुप है जो रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर है ये एक जीपी है, आप जीपी का सम ले सकते हैं, और आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इसे आप बस x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ये जीरो ही रहा, और ये फैक्टराइजेशन हम सबको पता है, वी कैन राइट इट एज डायरेक्टली, और आप सम ऑफ जीपी भी करेंगे ना तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. ए हम ये ले लेते हैं तो कॉमन रेशियो एक्स की तरह हम ट्रीट करेंगे, इधर से जाएंगे तो कॉमन रेशियो वन बाई एक्स, वाई कॉम्प्लीकेटेड, राइट. तो इस तरह से हम इसे प्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा ए आर पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्रॉस करेंगे बिल्कुल सेम चीज आ जाएगा, द वे दैट यू वांट टू डू, फैक्टराइजेशन पता है तो डायरेक्टली कर ले, नहीं तो आप इस तरह से करें. ये आ गया एक्स, क्या है बच्चे रूट्स ऑफ यूनिटी के पास वन एज ए वैल्यू होता है, उसके अलावा फाइव और वैल्यूज होते हैं, एंड डेफिनेटली इक्वेशन वन के लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो सिक्स सोल्यूशन है उसमें से हमें वन कंसिडर नहीं करना है, बाकी फाइव हमें लेना है, दैट मीन्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव लाइक दैट, एंड वो वैल्यू है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, फाइन. अब फिफ्थ रूट, अब हमने सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या है वन पावर एम प्लस एक्स वन पावर एम प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एक्स थ्री पावर एम प्लस एक्स फोर पावर एम प्लस एक्स फाइव पावर एम, सिक्स
रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, तो ये हमें वैल्यू 6 देगा प्रोवाइडेड m इज ए मल्टीपल ऑफ 6. अब देखते हैं यहाँ पे यूज हुआ है मल्टीपल ऑफ 6, तो अगर मल्टीपल ऑफ 6 में आता है वैल्यू तो इस केस में ये आएगा 6, तो ये जो समेशन है बच्चे दैट विल बिकम 6-1 एंड दैट इज 5. तो इस केस में हमारा आंसर है 5. ये मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, उस केस में ये वैल्यू आता है 0, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो आंसर आ जाएगा -1. सो फॉर दिस -1. क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट थ्योरी पार्ट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर पॉसिबल. तो इसके बाद हम PYQ करेंगे JEE एडवांस का. बस इतना सा कंप्लीट करने के बाद बच्चे आई एम टेलिंग यू आप JEE मेन JEE एडवांस दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर में, राइट? अगर कोई डाउट आया किसी भी पार्ट को बहुत जल्दी जल्दी से हमने किया तो आप मुझे बता दें. फाइन, सो क्लोजिंग इट हियर.